तो नमस्कार सारे व्यूअर्स से और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस सिडनी सिक्सर वुमेन्स का। ये मुकाबला है, एक तरफ होंगी टाइला मैग्राथ, एक तरफ होंगी एलिसा पैरी की शुरुआत इस टूर्नामेंट की काफ़ी अच्छी हुई है, बल्लेबाजी के साथ साथ और विनिंग मूवमेंट के साथ जो है यहाँ पर पहुँची हैं। अब देखते हैं आज यहाँ से किस तरीके से मुकाबला चलेगा। तीसरा ये मुकाबला है वुमेन बिग बैश लीग 2022 का। पिछले दो मुकाबले बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुए हैं। अब देखना होगा यहाँ पर किस तरीके से जो है आज तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ होगी एडिलेड की टीम, एक तरफ होगी सिडनी सिक्सर की भी टीम। दोनों के पास अच्छी बल्लेबाजी है, दोनों के पास अच्छी गेंदबाजी है। देखते हैं आज क्या होता है। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पर क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होगा, 10:10 पर मुकाबला शुरू हो जाएगा और 10:40 पर जो है वो टॉस हो जाएगा। उससे पहले डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी टीम बेहतर है, किस टीम के पास कौन से खिलाड़ी हैं और कौन सी टीम जो है किस पे भारी पड़ेगी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया होने की उम्मीद है, चाहेंगे कि यहाँ से मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहे। आप अपने अपने कमेंट्स जो है वो करते रहिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। बात करते हैं दो टीमों की, यहाँ पर बात करते हैं दोनों टीमों का यहाँ पर स्क्वाड किस तरीके से। तो आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर स्क्वाड रहेगा सिडनी सिक्सर का। सिडनी सिक्सर के पास सूजी बेट्स हैं, यहाँ पर निकोला बॉल्टन है, एरिन बर्न्स और एलिसा पैरी ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में। साथ में एशली गार्डनर है, एंजिया जेनफोर्ड इस टीम के अंदर है, एलिसा पैरी है, कैट पीटरसन इस टीम के अंदर है, एंजिला और रिकेश इस टीम के अंदर हैं। विकेट कीपर की भूमिका में आपको एलिसा हेली दिखेंगी। साथ में यहाँ पर मेल्टन ब्राउन है, मेल्टन ब्राउन ने भी पिछले मुकाबले में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, विकेट चटकाई थी। स्टेला चैम्बेल इस टीम के अंदर है, लॉरेन चटली इस टीम के अंदर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करती है भाईयात की तेज़ गेंदबाज लॉरेन चटली ने। शुरुआत की नई गेंद के साथ बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल्ड गेंदबाजी की है और कोई भी मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को रन बनाने का। एमा ह्यूजिस इस टीम के अंदर है, स्पिनर की भूमिका में जेड एलन और सोफी एकेस्टन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यह है यहाँ पर सिडनी सिक्सर का स्क्वाड। अब बात करते हैं यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर, क्योंकि एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस टूर्नामेंट का अपना पहला मुकाबला खेल रही है। जिम्मेदारी होगी टाइला मैग्राथ के ऊपर, कप्तान है टाइला मैग्राथ इस टीम के अंदर। जमामा बारसबी इस टीम के अंदर है, मैगन डिक्सन इस टीम के अंदर है, देवेंद्र डॉटिन इस टीम के अंदर है। वेस्ट इंडीज़ की ताबड़तोड़ ऑलराउंडर बल्लेबाज, साथ में तेज़ गेंदबाजी भी करती हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करती हैं देवेंद्र डॉटिन। T20 की बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो भी इस टीम के अंदर हैं। यहाँ पर केटी मैक इस टीम के अंदर है, कप्तान टाइला मैग्राथ होगी। ऑस्ट्रेलिया की टाइला मैग्राथ बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार होती हैं T20 के अंदर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं प्लस तेज़ गेंदबाजी जो है वो कर लेती हैं। साथ में यहाँ पर एंसू मुगवानी इस टीम के अंदर है जिम्बाब्वे की। यहाँ पर एनी ओनिल इस टीम के अंदर है, ब्रिजटन पैटरसन इस टीम के अंदर है, मैडी पेना इस टीम के अंदर है, अमेंडा जेड वेलिंगटन इस टीम के अंदर है। अमेंडा जेड वेलिंगटन बड़ी अच्छी गेंदबाज है, लेग स्पिनर गेंदबाज है, 100 में हाईएस्ट विकेट टीकर थी अमेंडा जेड वेलिंगटन। ये टीम में है, टीम काफ़ी अच्छी लग रही है, स्क्वाड काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लॉरा वुलवेट भी इस टीम के अंदर है। लॉरा वुलवेट दाएं हाथ की बल्लेबाज, कहीं ना कहीं जैसे जमामा रॉड्रिक्स खेलती हैं उसी तरीके से यहाँ पर लॉरा वुलवेट भी अच्छी बल्लेबाजी करती है। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं, चाहे आप लंबी पारी खेलवा लीजिए या फिर आखिरी में बड़े शॉट लगाने की बात हो वो भी कर लेती हैं। याद होगा आप सबको द 100 में एक मुकाबला था जहाँ पर लॉरा वुलवेट ने 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए थे, तो वहां पर भी रन बनाए थे लॉरा वुलवेट ने। एक जबरदस्त बल्लेबाज है, मुझे लगता है कि देवेंद्र डॉटिन, लॉरा वुलवेट और टाइलर मैग्राथ के ऊपर यहां पर बल्लेबाजी होगी। एडिलेड के यहां पर एडिलेड की टीम की जिम्मेदारी जो है तीन बल्लेबाजों के ऊपर होगी। टेगन मफलिन इस टीम के अंदर विकेट कीपर की भूमिका रहेंगी। डार्सी ब्राउन एला विल्सन, मैगन सचेट, तो ये तेज़ गेंदबाज है। यहाँ पर तेज़ गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी मैगन सचेट के ऊपर। मैगन सचेट ऑस्ट्रेलियन तेज़ गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलियन टीम में खेलती है। तो काफ़ी हद तक इस टीम के अंदर अगर बात की जाए तो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीम में खेलते हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा T20 मुकाबले में, वुमेंस T20 मुकाबले में डोमिनेट करती है। तो यहाँ पर अच्छी बात है एडिलेड के पास तीन ऐसे खिलाड़ी हैं, एक ऑलराउंडर है, दो तेज़ गेंदबाज है, डार्सी ब्राउन और मैगन सचेट। तो ये है पूरा एडिलेड का स्क्वाड। यहाँ पर थोड़ी देर में अभी टॉस हो जाएगा, 7 से 8 मिनट के अंदर हमें टॉस देखने को मिल जाएगा। देखते हैं आज टॉस कौन जीता और क्या यहां पर चुनी जाएगी, बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी। तो यहां बता दें आपको ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, टॉस हो चुका है। यहां पर स्क्वाड बताते जो है वो टॉस हो गया है और टॉस जीता है सिडनी सिक्सर ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है।
तो यहां पर ब्रेकिंग न्यूज दे देगी, सिडनी सिक्सर हैव वन द टॉस डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। तो यहां पर एलिसा पेरी की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और एडिलेड की टीम यहां पर चेस करने जाएगी। ये ग्राउंड का अगर नाम बताऊं मैं आपको, ये वही ग्राउंड है जहां पर पहला मैच सिडनी सिक्सर ने खेला था। बात करें इस ग्राउंड की तो रे मिचल ओवल हारूप पार्क मैकाई में यहाँ खेला जाएगा, जहां पर पहला मैच हुआ था ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर का, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ है, मगर वो शाम को था, अब यहां पर दिन में ये मुकाबला है। दिन में काफी हद तक जो है धूप खिली हुई है, अब देखते हैं यहां से किस तरीके से मुकाबला चलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। यहां पर टॉस हो गया है और टॉस जीता है यहां पर सिडनी सिक्सर की टीम ने। लाइक करके सब्सक्राइब करिए चैनल को, मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होगा। लेते हैं आप सबके थोड़े बहुत यहां पर मैसेजेस। एवेंजर भाई कह रहे हैं, एवेंजर स्पोर्ट्स 2 कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवेंजर भाई। यशवंत भाई कह रहे हैं टॉस हुआ क्या भाई, टॉस हो चुका है भाई। आईपीएल भाई कह रहे हैं टॉस कब होगा भाई, टॉस हो चुका है भाई। यासिर टेक भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग यासिर टेक भाई, टॉस हो चुका है, सिडनी सिक्सर ने टॉस को जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। थोड़ी देर में बस प्लेइंग 11 आ चुकी है, यहाँ पर प्लेइंग 11 भी आ चुकी है। आज तो भैया वुमेन बिग बैश बहुत तेज चल रहा है, टॉस होते ही तुरंत जो है यहाँ पर प्लेइंग 11 आ जाती है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर अब आपको बता दें, यहाँ पर थोड़ा दिखा दें आपको किस तरीके से गेम रहेगा यहाँ पर। तो यहां पर तीसरा मुकाबला वुमेन बिग बैश 2022 का सिडनी सिक्सर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर का यह मुकाबला है। टॉस हो चुका है, सिडनी सिक्सर वुमेन ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो एलिसा पेरी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। आप सब लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहां पर प्लेइंग 11 आप सबको दिखा रहे हैं, बस 2 मिनट के अंदर आपको प्लेइंग 11 यहां पर दिखा दी जाएगी आपके स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं। तीसरा मुकाबला है रे मिचल ओवल हारूप पार्क मैकई में खेला जाएगा यह मुकाबला। यहां पर जुड़ जाइएगा आप सब लोग, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। देखते हैं आज किस तरीके से यह मुकाबला चलता है। यहां पर स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैक हो जाएगी आपके, मगर यहां पर मैं आपको दिखा दूं प्लेइंग 11 किस तरीके से यहां पर प्लेइंग 11 रहेगी। तो लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहां पर जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहां पर प्लेइंग 11 आपको दिखाएंगे। तो बता दें आपको यहां पर टॉस हो चुका है, टॉस जीता है सिडनी सिक्सर वुमेन्स ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। यहां पर एलिसा पेरी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। अब यहां से दिखा दें आपको कि टॉस हो चुका है और रे मिचल ओवल हारूप पार्क में खेला जाएगा वुमेन बिग बैश का तीसरा मुकाबला। 10:10 में यहां पर शुरू होगा यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार। अब चलते हैं जरा प्लेइंग 11 की तरफ, प्लेइंग 11 आप सबको दिखा दें दोनों टीमों की, आप प्लेइंग 11 सब देख लीजिएगा यहां पर। अब बात करते हैं यहां पर सबसे पहले एडिलेड स्ट्राइकर की। तो एडिलेड स्ट्राइकर में आपको केटी मैक दिखेंगी एज अ बल्लेबाज, देवेंद्र डॉटिन इस टीम के अंदर है और साथ में लॉरा वुलवेट है, टाइलर मैगराथ इस टीम के अंदर है, ब्रिजिट पेटरसन इस टीम के अंदर है, मॉडली पैना इस टीम के अंदर है, यहाँ पर अमेंडा जेड वेलिंगटन इस टीम के अंदर है, बढ़िया लेग स्पिनर गेंदबाज हैं। साथ में यहाँ पर टेगन मैकफ्लोरी इस टीम के अंदर है, जेमा बार्सबी इस टीम के अंदर है, मैगन सचेट हैं और डार्सी ब्राउन है। अगर गेंदबाजी की जिम्मेदारी की बात की जाए तो यहाँ पर अमेंडा जेड वेलिंगटन और मैगन सचेट और डार्सी ब्राउन के लिए यहाँ पर रहेगी जिम्मेदारी। अमेंडा जेड वेलिंगटन लेग स्पिनर गेंदबाज है, मैगन सचेट और डार्सी ब्राउन तेज गेंदबाज है। यहाँ पर देखते हैं आज किस तरीके से मुकाबला चलेगा। यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम, टॉस जीता है सिडनी सिक्सर ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम की। तो केटी मैक, देवेंद्र डॉटिन, लॉरा वेलवेट, टाइलर मैगराथ यहाँ पर इस टीम के अंदर हैं, साथ में हैं ब्रिजेट पेटरसन, मैंडलिना पैना इस टीम के अंदर हैं। आगे चलते हैं जरा, अब इस टीम में और आगे बढ़ते हैं, अमेंडा जेड वेलिंगटन है इस टीम के अंदर, टैगन मैकफ्लिन इस टीम के अंदर है, विकेटकीपर की भूमिका में रहेंगी। साथ में यहाँ पर जेमा बार्सबी इस टीम के अंदर हैं और तेज गेंदबाजी जिम्मेदारी मैगन सचेट और डार्सी ब्राउन के ऊपर रहेगी। बात करते हैं आप सिडनी सिक्सर के, सिडनी सिक्सर ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है। तो बल्लेबाजी में आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर एलिसा हीली आपको देखने को मिल जाएंगी, साथ में उनके साथ ओपनिंग करेंगी सूजी बेट्स। 3 नंबर पे खेलेंगी एलिसा पेरी, 4 नंबर पे होंगी एशली गार्डनर और 5 नंबर पे होंगी एरिन बर्न्स। और एलिसा पेरी ने पिछले मुकाबले में जिस तरीके से विनिंग बल्लेबाजी की थी देखकर मरा मजा आया था, यहाँ पर सेम टीम ऑलमोस्ट लग रही है बल्लेबाजी के लिहाज से। एलिसा हेली सूजी बेट्स, एलिसा पेरी,
एशली गार्डनर यहाँ पर इस टीम के अंदर हैं, एरिन बर्न्स इस टीम के अंदर हैं, निकोला बॉल्टन इस टीम के अंदर हैं, साथ में इस टीम के अंदर सोफी एकेस्टन है गेंदबाजी के लिए, यहाँ पर मेल्टन ब्राउन इस टीम के अंदर हैं, एंगलिना जेनफोर्ड इस टीम के अंदर हैं, लॉरेन शटली इस टीम के अंदर हैं, केटी पैटरसन इस टीम के अंदर। तो यह पूरा यहाँ पर प्लेइंग इलेवन सिडनी सिक्सर की एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सिडनी सिक्सर की प्लेइंग इलेवन ध्यान से सुन लीजिएगा। सिडनी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। एलिसा हेली, सूजी बेट्स, एलिस पैरी, एशली गार्डनर, एरिन बर्न्स, निकोला बॉल्टन, सोफी एकेस्टन, मल्टन ब्राउन, एंगेला जेनफोर्ड, साथ में लॉरेन चटली और केट पैटरसन इस टीम के अंदर हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा मुकाबला है रे मिचल ओवल ग्राउंड में। अब बात करते हैं यहाँ पर पिच कैसी रहेगी, पिच किस तरीके से अब बिहेव करती नजर आएगी, देख लीजिएगा। यहाँ पर तैयार हो जाइएगा आप सब लोग। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले मौसम जान लीजिएगा, 27.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हरू पार्क मैकाए में, धूप खिली हुई है, दिन का ये थोड़ा सा मुकाबला है, 72% जो है ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी, 7% चांसेस हैं बारिश होने के, लगता नहीं क्योंकि धूप पूरी खिली हुई है, बादल है नहीं, तो आपको 7% मुकाबला जो है वो 7% चांसेस जो है आपको दिखेंगे अब बारिश होने के। तो लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। एजी स्पोर्ट प्लीज सर ड्रीम 11 टीम बता दीजिए, एजी स्पोर्ट्स पर ड्रीम 11 टीम तो आप बताएंगे, नाम आपका फैंटेसी बाबा है, हम क्या बताएंगे आपको। तो चलते हैं जरा यहाँ पर, आप तो खुद एक ड्रीम 11 प्रेडिक्टर हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, ये तो बड़ी बात होगी भाई, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है भाई। चलते हैं जरा आप अगले सेगमेंट की तरफ, यहाँ पर बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो दोनों टीमों का हेड टू हेड परफॉर्मेंस इस तरीके से कि सिडनी सिक्सर हमेशा से अब भारी पड़ती है, पिछले 10 मुकाबलों में अगर बात की जाए तो 4 मुकाबले जो है एडिलेड स्ट्राइकर जीती है, 6 मुकाबले जो है वो सिडनी सिक्सर जीती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हेड टू हेड में भारी पड़ रही है, मगर अगर स्क्वाड देखा जाए, प्लेइंग इलेवन देखी जाए तो दोनों टीमें जो है बराबरी पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं, गेंदबाजी दोनों टीम के पास अच्छी है, साथ में दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी अच्छी है। एक तरफ आपको एलिसा पैरी दिख जाएंगी, एशली गार्डनर दिख जाएंगी, एलिसा एली सूजी बेट दिख जाएंगी, और दूसरी तरफ आपको जो है यहाँ पर टाइलर मैगराट, देवेंद्र डॉटिन, लॉरा वुलवेट दिख जाएंगे, और मैगन सचेट भी इस टीम के अंदर हैं, डार्सी ब्राउन और वेलिंगटन, अमेंडा जेन वेलिंगटन जो है वो बढ़िया लेग स्पिनर गेंदबाज है, द 100 में हमने देखा था हाईएस्ट विकेट टेकर थी इस टूर्नामेंट की, यहाँ पर भी अपने स्पिन का जादू जो है दिखाती नजर आएंगी। अपनी टीम के अंदर अमेंडा जेन वेलिंगटन को एज अ स्पिनर जरूर रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर जो है गेंदबाजी की, तो यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज के रूप में अमेंडा जेड वेलिंगटन बेटर रहेंगी। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर अब हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात होगी, अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिडनी सिक्सर का पिछला सीजन जो है वो काफ़ी ख़राब था, पिछले सारे मैच हारे थे, मगर इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2022 की शुरुआत जो है जीत के साथ करी है, ब्रिस्बेन हीट को हराया है, वहाँ पर एक क्लोज मैच हुआ था, आखिर तक मैच गया था, मगर आखिर में बाजी मार ली थी सिडनी सिक्सर ने। अगर बात करें एडिलेड स्ट्राइकर का, तो एडिलेड स्ट्राइकर का यहाँ पर पहला मुकाबला है इस टूर्नामेंट का, अगर जो पिछले 5 मुकाबले आपके के सामने दिख रहे हैं वो पांच मुकाबले जो है कहीं ना कहीं वो पिछले सीजन के हैं, जहां पर 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं। एडिलेड स्ट्राइकर का भी पिछला सीजन जो है वो ठीक ठाक सा रहा था, अब देखते हैं कि ये सीजन जो है वो किस तरीके से रहेगा। टीम काफी अच्छी है, इस टीम में जो है नए कप्तान के साथ उतरी है, टाइलर मैगराथ कप्तान है इस टीम की, अब देखते हैं किस तरीके से कप्तानी जो है वो करते नजर आएंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस में आपको एडिलेड स्ट्राइकर बेटर लगेगी, मगर ध्यान रखिएगा सिडनी सिक्सर अपना पहला मुकाबला खेल चुकी है इसी ग्राउंड के अंदर, एडिलेड स्ट्राइकर अपना पहला मुकाबला खेल रही है आज इस ग्राउंड के अंदर। यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर मुकाबलों की, तो यहाँ पर टोटल अभी एक मुकाबला खेला गया है, पहला मैच में फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 141 है, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 143, क्योंकि एक मुकाबला खेला गया था, सिडनी सिक्सर ने उस मुकाबले में चेज किया था, ध्यान रखिएगा वो शाम का मुकाबला था, ये दिन का मुकाबला है, दिन के मुकाबले में आज सिडनी सिक्सर ने टॉस जीतकर पहले यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है, वो चाहते हैं कि स्कोर बना लिया जाए, एक बड़ा स्कोर बनाया जाए और दबाव बनाया जाए एडिलेड स्ट्राइकर के पास। तो देखिए टीम दोनों अच्छी है, दोनों टीमें स्ट्रांग है, और मेरे हिसाब से निर्णय भी ठीक है एलिसा पैरी का कि भाई और टॉस जीतो और टॉस जीतकर जो है पहले बल्लेबाजी करो, क्योंकि दिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वहां पर स्पिनर गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल सकती है, इसीलिए एलिसा पैरी चाहती है कि एक टारगेट सेट कर दिया जाए, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाज उनके पास है। यहां पर एलिसा हीली हैं, सूजी बेट्स हैं, एलिस पैरी हैं, एशली गार्डनर है, तो ये
जो प्लेयर्स हैं वो चाहेंगे कि भाई बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए। बंस भी इस टीम के अंदर है जिन्होंने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 50 रन लगाए थे एलिसा पैरी के साथ मिलकर। यहाँ पर चलते हैं जरा, अब ग्राउंड के में बता दिया है सिर्फ एक मुकाबला हुआ है, चेज हुआ है, मगर वो शाम का मुकाबला था, ये दिन का मुकाबला है। यहाँ पर चलते हैं जरा अगले सेगमेंट की तरफ, पिच किस तरीके से बिहेव करेगी। पिच देखिए, उस दिन शाम का मुकाबला था तो तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद की थी, 10 विकेट जो है पहले मुकाबले में जो है 10 विकेट जो है वो तेज गेंदबाजों चटकाए थे, 3 विकेट जो है स्पिनर गेंदबाजों चटकाए थे, मगर ये दिन का मुकाबला है। मेरे हिसाब से आज आप जो है अपनी टीम के अंदर कम से कम 2 स्पिनर रखिएगा, क्योंकि दिन के मुकाबले में टर्न होते नजर आएगी इस पिच के ऊपर, क्योंकि शाम के मुकाबले में टर्न था, उतना टर्न नहीं था, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर था, मगर यहाँ पर दिन का मुकाबला तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो टर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल भी जब दिन का मुकाबला था तो स्पिनर गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। यहाँ पर 77% विकेटें जो है वो तेज गेंदबाज छटकाते हैं, 23% विकेटें जो है स्पिनर गेंदबाज छटकाते हैं, तो 3 विकेट मिले हैं स्पिनर गेंदबाज को, मगर वो शाम का मुकाबला था, ये दिन का मुकाबला है। तो दिन के मुकाबले में आप 2 स्पिनर अपनी टीम के अंदर ज़रूर रखिएगा, 3 तेज गेंदबाज रख लीजिएगा यहाँ पर। ऑलराउंडर की भूमिका में आप एलिसा पैरी को रख सकते हैं, यहाँ पर एलिसा पैरी ऑलराउंडर की भूमिका में बेटर रहेंगे, और एशली गार्डनर भी ऑलराउंडर की भूमिका में रहेंगी। साथ में आप देवेंद्र डॉटिन को भी एज अ ऑलराउंडर रख लीजिएगा, क्योंकि तेज़ गेंदबाजी करती हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करती हैं, प्लस आपको जो है और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करती है तो कुछ रन दे देंगी आपको, और प्लस लास्ट ओवर में गेंदबाजी करती है तो शायद कुछ विकेट्स भी आपको निकाल के दे देंगी यहाँ पर। तो पिच बता दिया किस तरीके से यहाँ पर बिहेव करेगी, उसके बाद आप सब लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर Deltin7, आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइचन में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक कर दीजिए, आईडी क्रिएट कर लीजिए Deltin7 पर। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है यहाँ पर, और यहाँ पर विड्रॉल जो है 15 से 20 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है। डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइचन में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा Deltin7 पर। आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, रेफरल कोड जरूरत नहीं है, आपको यूजर नेम बनाना है, पासवर्ड बनाना है, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी Deltin7 ऐप पे, और उसके बाद आप खेलिएगा, जीतिएगा। विड्रॉल करना बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा हमारे लिंक के थ्रू अगर आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए पहली बैट अगर आप हार जाते हैं Deltin7 पे, तो पहली बैट हारते ही आपको ग्रुप एडमिन को अपनी बैट स्लिप दिखानी है, पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। किस ग्रुप एडमिन को दिखानी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लाइन के अंदर मैं अभी दे दूंगा आपको, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, वहां पर जाके ग्रुप एडमिन को अपनी बैट स्लिप दिखाइए, बोलिए भाई मैं लॉस हो गया हूं, मैं माइनस हो गया हूं, मुझे पहली बैट का पैसा रिफंड चाहिए, मैं क्रिकेट हिंदी के थ्रू जुड़ा हुआ हूं। वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपकी पहली बैट का पैसा आपको रिफंड दे देंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपकी पहली बैट का पैसा रिफंड मिल जाएगा, मगर 777 रुपए तक का रिफंड आपको मिल सकता है। हमारी टीम की अगर बात की जाए तो एडिलेड स्ट्राइकर हम अपनी टीम रखेंगे, एडिलेड स्ट्राइकर को हम सपोर्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले को जीते। यहां पर अगर मैं बात करता हूं फैंटेसी टीम की, तो फैंटेसी टीम के अंदर भाई विकेट कीपर के लिए हम एलिशा हेली को रखेंगे, पहले मैच में फ्लॉप रही थी, 0 पे आउट हो गई थी। बल्लेबाजी के लिए निकोला बॉल्टन, लॉरा वुलवेट, केट मैक ये बल्लेबाज रहेंगे, और ऑलराउंडर की भूमिका में धर्मेंद्र डॉटिन, एलिसा पैरी और एशली गार्डनर को रखेंगे। बॉलर के रूप में हम माल्टा ब्राउन को रखेंगे, लॉरेंस चैटली को रखेंगे, डार्सी ब्राउन को रखेंगे, अमेंडा जेड वेलिंगटन को रखेंगे, अगर आप मैगन सचर्ट को भी रख लेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं कप्तानी के लिए, तो कप्तानी के लिए भाई एलिसा पैरी काफ़ी फॉर्म में है तो उनको आप कप्तान बना सकते हैं। वाइस कैप्टन के लिए आप लॉरा वुलवेट या फिर धर्मेंद्र डॉटिन को आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या फिर टाइलर मैगराथ को भी आप यहाँ पर कप्तान बना सकते हैं। आप देखते हैं किस तरीके से गेम रहेगा, टाइलर मैगराथ एक बढ़िया ऑलराउंडर है, और टाइलर मैगराथ को भी आप यहाँ पर वाइस कैप्टन बना सकते हैं, अपना कप्तान है एडिलेड टीम की। मुकाबला शुरू होने में अभी काफ़ी टाइम है, 10:10 पर यह मुकाबला शुरू हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, एडिलेड स्ट्राइकर को सपोर्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले को जीते। यहाँ पर चलते हैं जरा यहाँ पर मुकाबले की तरफ, अब देखते हैं किस तरीके से गेम चलता है। टॉस हो चुका है सिडनी सिक्सर ने, यहाँ पर जो है वो टॉस जीता है। अब थोड़ी देर में मैं आपको एक बार फिर से दोनों टीमों की प्लेइंग ग्राउंड बता देता हूँ, पूरे ग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, और यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ आपको पूरी प्लेइंग 11 जो है वो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर बता दे रहे हैं। दोनों टीमें स्ट्रांग लग रही हैं, मेरे हिसाब से आज इनिंग का जो स्कोर रहेगा वो 130-140 रहेगा, क्योंकि दिन के मुकाबले बल्लेबाजी के लिए सरफेस अच्छा है, मगर दिन के मुकाबले में जो है यहां पर मुकाबला काफी बढ़िया रहता है। अब देखते हैं किस तरीके से गेम चलता है, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। यहां पर आपको दिखा रहे हैं प्लेइंग 11,
तो बता दें आपको, यहाँ पर टॉस हो चुका है, टॉस जीता है सिडनी सिक्सर वुमेन्स ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर एलिसा पेरी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। अब यहाँ से दिखा दें आपको कि टॉस हो चुका है और रे मिचल ओवल हरू पार्क में खेला जाएगा वुमेन बिग बैश का तीसरा मुकाबला। 10:10 में यहाँ पर शुरू होगा ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार। अब चलते हैं जरा प्लेइंग इलेवन की तरफ। प्लेइंग इलेवन आप सबको दिखा दें दोनों टीमों की, आप प्लेइंग इलेवन सब देख लीजिएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एडिलेड स्ट्राइकर की। तो एडिलेड स्ट्राइकर में आपको केटी मैक दिखेंगी एज अ बल्लेबाज, देवेंद्र डॉटिन इस टीम के अंदर हैं और साथ में लॉरा वुलवेट हैं, टाइला मैगराथ इस टीम के अंदर हैं, ब्रिजिट पेटरसन इस टीम के अंदर हैं, मॉडली पैना इस टीम के अंदर हैं, यहाँ पर अमेंडा जेड वेलिंगटन इस टीम के अंदर हैं, बढ़िया लेग स्पिनर गेंदबाज हैं, साथ में यहाँ पर टेगन मैकफ्लोरी इस टीम के अंदर हैं, जेमा बार्सबी इस टीम के अंदर है, मैगन सचेट हैं और डार्सी ब्राउन है। अगर गेंदबाजी की जिम्मेदारी की बात की जाए तो यहाँ पर अमेंडा जेड वेलिंगटन और मैगन सचेट और डार्सी ब्राउन के लिए यहाँ पर रहेगी जिम्मेदारी। अमेंडा जेड वेलिंगटन लेग स्पिनर गेंदबाज है, मैगन सचेट और डार्सी ब्राउन तेज गेंदबाज हैं। यहाँ पर देखते हैं आज किस तरीके से मुकाबला चलेगा। यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम, टॉस जीता है सिडनी सिक्सर ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम की। तो केटी मैक, देवेंद्र डॉटिन, लॉरा वेलवेट, टाइलर मैगराथ यहाँ पर इस टीम के अंदर हैं, साथ साथ में हैं ब्रिजेट पेटरसन, मैंडलिना पैना इस टीम के अंदर हैं। आगे चलते हैं जरा, अब इस टीम में और आगे बढ़ते हैं, अमेंडा जेड वेलिंगटन है इस टीम के अंदर, टैगन मैकफ्लिन इस टीम के अंदर है, विकेटकीपर की भूमिका में रहेंगी, साथ में यहाँ पर जेमा बार्सबी इस टीम के अंदर हैं और तेज गेंदबाजी जिम्मेदारी मैगन सचेट और डार्सी ब्राउन के ऊपर रहेगी। बात करते हैं अब सिडनी सिक्सर के। सिडनी सिक्सर ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है। तो बल्लेबाजी में आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर एलिसा हेली आपको देखने को मिल जाएंगी, साथ में उनके साथ ओपनिंग करेंगी सूजी बेट्स। 3 नंबर पे खेलेंगी एलिसा पेरी, 4 नंबर पे होंगी एशली गार्डनर और 5 नंबर पे होंगी एरिन बर्न्स। और एलिसा पेरी ने पिछले मुकाबले में जिस तरीके से विनिंग बल्लेबाजी की थी देखकर मरा मजा आया था, यहाँ पर सेम टीम ऑलमोस्ट लग रही है बल्लेबाजी के लिहाज से। एलिसा हेली सूजी बेट्स, एलिसा पेरी, एशली गार्डनर यहाँ पर इस टीम के अंदर हैं, एरिन बर्न्स इस टीम के अंदर हैं, निकोला बॉल्टन इस टीम के अंदर हैं, साथ में इस टीम के अंदर सोफी एकेस्टन है गेंदबाजी के लिए, यहाँ पर मेल्टन ब्राउन इस टीम के अंदर हैं, एंगलिना जेनफोर्ड इस टीम के अंदर हैं, लॉरेन चटली इस टीम के अंदर हैं, केटी पैटरसन इस टीम के अंदर। तो यह पूरा यहाँ पर प्लेइंग इलेवन सिडनी सिक्सर की एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सिडनी सिक्सर की प्लेइंग इलेवन ध्यान से सुन लीजिएगा। सिडनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। एलिसा हेली, सूजी बेट्स, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, एरिन बर्न्स, निकोला बॉल्टन, सोफी एकेस्टन, माल्टन ब्राउन, एंगेला जेनफोर्ड, साथ में लॉरेन चटली और केट पेटरसन इस टीम के अंदर हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा मुकाबला है रे मिचल ओवल ग्राउंड में। अब बात करते हैं यहाँ पर पिच कैसी रहेगी, पिच किस तरीके से अब बिहेव करती नजर आएगी, देख लीजिएगा यहाँ पर, तैयार हो जाइएगा आप सब लोग। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले मौसम जान लीजिएगा, 27.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हरू पार्क मैकाए में, धूप खिली हुई है, दिन का ये थोड़ा सा मुकाबला है, 72% जो है ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी, 7% चांसेस हैं बारिश होने के, लगता नहीं क्योंकि धूप पूरी खिली हुई है, बादल है नहीं, तो आपको 7% मुकाबला जो है वो 7% चांसेस जो है आपको दिखेंगे अब बारिश होने के। तो लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। एजी स्पोर्ट प्लीज सर ड्रीम 11 टीम बता दीजिए, एजी स्पोर्ट पर ड्रीम 11 टीम तो आप बताएंगे, नाम आपका फैंटेसी बाबा है, हम क्या बताएंगे आपको। तो चलते हैं जरा यहाँ पर, आप तो खुद एक ड्रीम 11 प्रेडिक्टर हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, ये तो बड़ी बात होगी भाई, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है भाई। चलते हैं जरा आप अगले सेगमेंट की तरफ, यहाँ पर बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो दोनों टीमों का हेड टू हेड परफॉर्मेंस इस तरीके से कि सिडनी सिक्सर हमेशा से अब भारी पड़ती है, पिछले 10 मुकाबलों में अगर बात की जाए तो 4 मुकाबले जो है एडिलेड स्ट्राइकर जीती है, 6 मुकाबले जो है वो सिडनी सिक्सर जीती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हेड टू हेड में भारी पड़ रही है, मगर अगर स्क्वाड देखा जाए, प्लेइंग इलेवन देखी जाए तो दोनों टीमें जो है बराबरी पर खड़ी नजर आ रही हैं, गेंदबाजी दोनों टीम के पास अच्छी है, साथ में दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी अच्छी है। एक तरफ आपको एलिसा पेरी दिख जाएंगी, एशली गार्डनर दिख जाएंगी, एलिसा एली सूजी बेट दिख जाएंगी और दूसरी तरफ आपको जो है यहाँ पर टाइलर मैगराट, देवेंद्र डॉटिन, लॉरा वुलवेट दिख जाएंगे और मैगन सचेट भी इस टीम के अंदर है, डार्सी ब्राउन और वेलिंगटन, अमेंडा जेड वेलिंगटन जो है वो बढ़िया लेग्स
स्पिनर गेंदबाज है। द 100 में हमने देखा था हाईएस्ट विकेट टेकर थी इस टूर्नामेंट की, यहां पर भी अपने स्पिन का जादू जो है दिखाती नजर आएंगी। अपनी टीम के अंदर अमेंडा जेड वेलिंगटन को एज अ स्पिनर जरूर रखिएगा। अगर बात करें यहां पर जो है गेंदबाजी की, तो यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज के रूप में अमेंडा जेड वेलिंगटन बेटर रहेंगी। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अब हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात होगी। अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिडनी सिक्सर का पिछला सीजन जो है वो काफ़ी ख़राब था, पिछले सारे मैच हारे थे, मगर इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2022 की शुरुआत जो है जीत के साथ करी है। ब्रिस्बेन हीट को हराया है, वहाँ पर एक क्लोज मैच हुआ था, आखिर तक मैच गया था, मगर आखिर में बाजी मार ली थी सिडनी सिक्सर ने। अगर बात करें एडिलेड स्ट्राइकर का, तो एडिलेड स्ट्राइकर का यहाँ पर पहला मुकाबला है इस टूर्नामेंट का। अगर जो पिछले 5 मुकाबले आपके के सामने दिख रहे हैं, वो पांच मुकाबले जो है कहीं ना कहीं वो पिछले सीजन के हैं, जहां पर 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं। एडिलेड स्ट्राइकर का भी पिछला सीजन जो है वो ठीक ठाक सा रहा था, अब देखते हैं कि ये सीजन जो है वो किस तरीके से रहेगा। टीम काफी अच्छी है, इस टीम में जो है नए कप्तान के साथ उतरी है, टाइलर मैकग्रैथ कप्तान है इस टीम की, अब देखते हैं किस तरीके से कप्तानी जो है वो करते नजर आएंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस में आपको एडिलेड स्ट्राइकर बेटर लगेगी, मगर ध्यान रखिएगा सिडनी सिक्सर अपना पहला मुकाबला खेल चुकी है इसी ग्राउंड के अंदर, एडिलेड स्ट्राइकर अपना पहला मुकाबला खेल रही है आज इस ग्राउंड के अंदर। यहां पर अगर बात की जाए यहां पर मुकाबलों की, तो यहां पर टोटल अभी एक मुकाबला खेला गया है। पहला मैच में फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 141 है, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 143, क्योंकि एक मुकाबला खेला गया था, सिडनी सिक्सर ने उस मुकाबले में चेज किया था। ध्यान रखिएगा वो शाम का मुकाबला था, ये दिन का मुकाबला है। दिन के मुकाबले में आज सिडनी सिक्सर ने टॉस जीतकर पहले यहां पर जो है बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। वो चाहते हैं कि स्कोर बना लिया जाए, एक बड़ा स्कोर बनाया जाए और दबाव बनाया जाए एडिलेड स्ट्राइकर के पास। तो देखिए टीम दोनों अच्छी है, दोनों टीमें स्ट्रांग है, और मेरे हिसाब से निर्णय भी ठीक है एलिसा पैरी का कि भाई और टॉस जीतो और टॉस जीतकर जो है पहले बल्लेबाजी करो, क्योंकि दिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वहां पर स्पिनर गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल सकती है। इसीलिए एलिसा पैरी चाहती है कि एक टारगेट सेट कर दिया जाए, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाज उनके पास है। यहां पर एलिसा हीली हैं, सूजी बेट्स हैं, एलिस पैरी हैं, एशली गार्डनर हैं, तो ये जो प्लेयर्स हैं वो चाहेंगे कि भाई बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए। बंस भी इस टीम के अंदर है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 50 रन लगाए थे एलिसा पैरी के साथ मिलकर। यहां पर चलते हैं जरा, अब ग्राउंड के में बता दिया है सिर्फ एक मुकाबला हुआ है, चेज हुआ है, मगर वो शाम का मुकाबला था, ये दिन का मुकाबला है। यहां पर चलते हैं जरा अगले सेगमेंट की तरफ, पिच किस तरीके से बिहेव करेगी। पिच देखिए उस दिन शाम का मुकाबला था, तो तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद की थी, 10 विकेट जो है पहले मुकाबले में जो है 10 विकेट जो है वो तेज गेंदबाजों चटकाए थे, 3 विकेट जो है स्पिनर गेंदबाजों चटकाए थे, मगर ये दिन का मुकाबला है। मेरे हिसाब से आज आप जो है अपनी टीम के अंदर कम से कम 2 स्पिनर रखिएगा, क्योंकि दिन के मुकाबले में टर्न होते नजर आएगी इस पिच के ऊपर, क्योंकि शाम के मुकाबले में टर्न था, उतना टर्न नहीं था, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर था, मगर यहां पर दिन का मुकाबला तो आपको काफी हद तक जो है वो टर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल भी जब दिन का मुकाबला था तो स्पिनर गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। यहां पर 77% विकेटें जो है वो तेज गेंदबाज छटकाते हैं, 23% विकेटें जो है स्पिनर गेंदबाज छटकाते हैं, तो 3 विकेट मिले हैं स्पिनर गेंदबाज को, मगर वो शाम का मुकाबला था, ये दिन का मुकाबला है। तो दिन के मुकाबले में मैं आप 2 स्पिनर अपनी टीम के अंदर जरूर रखिएगा, 3 तेज गेंदबाज रख लीजिएगा यहां पर। ऑलराउंडर की भूमिका में आप एलिसा पैरी को रख सकते हैं, यहाँ पर एलिसा पैरी ऑलराउंडर की भूमिका में बेटर रहेंगे, और एशली गार्डनर भी ऑलराउंडर की भूमिका में रहेंगी। साथ में आप देवेंद्र डॉटन को भी एज अ ऑलराउंडर रख लीजिएगा, क्योंकि तेज गेंदबाजी करती हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करती हैं, प्लस आपको जो है और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं तो कुछ रन दे देंगी आपको, और प्लस लास्ट ओवर में गेंदबाजी करती है तो शायद कुछ विकेट्स भी आपको निकाल के दे देंगी यहाँ पर। तो पिच बता दिया किस तरीके से यहाँ पर बिहेव करेगी, उसके बाद आप सब लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर डेल्टिन 7, आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइचन में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक कर दीजिए, आईडी क्रिएट कर लीजिए डेल्टिन 7 पर। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है यहाँ पर, और यहाँ पर विड्रॉल जो है 15 से 20 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है। डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे फोनपे पेटीएम से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइचन में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा डेल्टिन 7 पर। आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, आपको यूजर नेम बनाना है, पासवर्ड बनाना है, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी डेल्टिन 7 ऐप पे, और उसके बाद आप खेलिएगा, जीतिएगा। विड्रॉल करना बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा हमारे लिंक के थ्रू अगर आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए पहली बैट अगर आप हार जाते हैं डेल्टिन 7 पे, तो पहली बैट हारते ही आपको ग्रुप एडमिन को अपनी बैट स्लिप दिखानी है, पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। किस ग्रुप एडमिन को दिखानी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लाइन के अंदर मैं अभी दे दूंगा आपको, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, वहां पे जाके ग्रुप एडमिन को अपनी बैट स्लिप दिखाइए, बोलिए भाई मैं लॉस हो गया हूं, मैं माइनस हो गया हूं, मुझे पहली बैट का पैसा रिफंड चाहिए, मैं क्रिकेट
लाइव हिंदी के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ, वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपकी पहली बेट का पैसा आपको रिफंड दे देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपकी पहली बेट का पैसा रिफंड मिल जाएगा, मगर 777 रुपये तक का रिफंड आपको मिल सकता है। हमारी टीम की अगर बात की जाए तो एडिलेड स्ट्राइकर हम अपनी टीम रखेंगे, एडिलेड स्ट्राइकर को हम सपोर्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले को जीते। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फैंटेसी टीम की, तो फैंटेसी टीम के अंदर भाई विकेट कीपर के लिए हम एलिशा हेली को रखेंगे। पहले मैच में फ्लॉप रही थी, शून्य पे आउट हो गई थी। बल्लेबाजी के लिए निकोला बॉल्टन, लॉरा वुलवेट, केट मैक ये बल्लेबाज रहेंगे, और ऑलराउंडर की भूमिका में धर्मेंद्र डॉटिन, एलिसा पेरी और एशली गार्डनर को रखेंगे। बॉलर के रूप में हम माल्टा ब्राउन को रखेंगे, लॉरेंस चैटली को रखेंगे, डार्सी ब्राउन को रखेंगे, अमेंडा जेड वेलिंगटन को रखेंगे। अगर आप मेगन सचोट को भी रख लेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं कप्तानी के लिए, तो कप्तानी के लिए भाई एलिसा पेरी काफ़ी फॉर्म में है, तो उनको आप कप्तान बना सकते हैं। वाइस कैप्टन के लिए आप लॉरा वुलवेट या फिर धर्मेंद्र डॉटिन को आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या फिर मैगन टाइला मैगराथ को भी आप यहां पर कप्तान बना सकते हैं। आप देखते हैं किस तरीके से गेम रहेगा। टाइला मैगराथ एक बढ़िया ऑलराउंडर है, और टाइला मैगराथ को भी आप यहां पर वाइस कैप्टन बना सकते हैं, अपना कप्तान है एडिलेड टीम की। मुकाबला शुरू होने में अभी काफ़ी टाइम है, 10:10 पर यह मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, एडिलेड स्ट्राइकर को सपोर्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर जो है। तो यहाँ पर अब जो है मुकाबला शुरू होने वाला है, तो लाइक कर दीजिएगा आप, चलो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहाँ पर बात करते हैं अब मुकाबले की, तो मुकाबला यहाँ से बस कुछ ही मिनट होगा, चलते हैं जरा अपनी मेन स्क्रीन पे जहाँ पर हम कमेंट्री करते नजर आएंगे इस मुकाबले की। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। थोड़ा क्राउड साउंड जो है आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो कम कर दिया उसको वॉल्यूम को। तो यहाँ पर बस कुछ ही देर में, अब से कुछ ही देर में ये मुकाबला शुरू होगा। सिडनी सिक्सर वुमन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ले लिया है। ये निर्णय कितना भारी पड़ता है वो देखना होगा। हमारी टीम यहाँ से एडिलेड होगी, एडिलेड को सपोर्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे एडिलेड की टीम इस मुकाबले को जीते। स्ट्रांग है, दोनों टीमें स्ट्रांग हैं। सिडनी सिक्सर अपनी पहला मुकाबला जीत चुकी है, क्या आज दूसरी जीत भी दर्ज करेगी यहाँ पर सिडनी सिक्सर वुमेंस की टीम। टाइला मैगराथ कप्तानी कर रही हैं पहली बार यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर। लेते हैं आप सबके मैसेजेस, यहाँ पर मैसेजेस ले लेते हैं। यहाँ पर बॉलर बता दो भाई, बता दो दिया भाई बॉलर, कितनी बार बताएंगे आपको बॉलर। यार बॉलर के लिए मैगन सचेट बढ़िया रहेंगी भाई, मैगन सचेट को रखेंगे अपने अपनी टीम के अंदर। अमेंडा जेड वेलिंगटन को रखिएगा, साथ में यहाँ पर जो है माल्टा ब्राउन को, और यहाँ पर लॉरेंस चटली को रख लीजिएगा। लॉरेंस चटली भी सही है, डार्सी ब्राउन या मैगन सचेट दोनों में से किसी को भी रख लीजिएगा। अमेंडा जेड वेलिंगटन को जरूर रखिएगा, क्योंकि दिन का मुकाबला है। गेंदबाजी में स्पिन गेंदबाजी जो है वो आक्रमण जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर 35 में 2 पावर प्ले कह रहे रोहन भाई, देखते हैं भाई 35 में 2 होंगे कि नहीं। मोहम्मद निहाल भाई कह रहे 6 ओवर में कितना बनेगा भाई, भाई 6 ओवर में मेरे हिसाब से शायद 34 से 36 रन बन सकता है, क्योंकि दिन का मुकाबला कम रन बनेंगे। यहाँ पर 70 लाइक हो चुके हैं, 30 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा प्रो हो जाएगा यहाँ पर 100 लाइक्स का। अब से कुछ ही समय बाद मतलब 12 मिनट के बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा, तो अपने में सवाल भेजते रहिए। काफ़ी भाई हमारे से जुड़े हैं, मैं मैसेज ले नहीं पाया हूँ, अब मैं मैसेज ले रहा हूँ सभी भाइयों के, तो प्लीज़ अपने अपने मैसेज भेजते रहिए। राम राम मिश्रा भाई एशिया कप फाइनल कवर करोगे क्या? विनोद कुमार भाई एशिया कप फाइनल कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कॉमेंट्री अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा वुमेन बिग बैश के अंदर हम इंडिया का स्कोर लगाएंगे और इंडिया की पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। तो वुमेन बिग बैश और इंडिया वर्स वुमेन्स वर्सेज श्रीलंका वुमेन्स दोनों एक साथ हम कवर कर पाएंगे। विनोद कुमार भाई टेंशन मत लीजिए, वुमेन बिग बैश के अंदर ही हम एशिया कप भी कवर कर लेंगे, साथ में चलेंगे, दोनों की कमेंट्री आपको एक ही मैच में एक के साथ एक फ्री सुना देंगे। विनोद भाई टेंशन मत लीजिए, आपने कह दिया तो दोनों काम हो जाएंगे। कौन जीतेगा भाई आज? भाई देखिए एडिलेड स्ट्राइकर को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले को जीतेगी। रक्तिम भाई कह रहे हैं यहाँ पर टोटल स्कोर कितना होगा भाई? भाई टोटल स्कोर मेरे हिसाब से 130 से लेकर 140 तक स्कोर हो सकता है, क्योंकि दिन का मुकाबला है, स्कोर कम ही बनता है, बाकी अब डिपेंड करता है क्या होगा। भाई कौन जीतेगा बता दिया भाई आपको एडिलेड स्ट्राइकर को। शिवशंकर भाई कह रहे गुड मॉर्निंग सर जी, टावर किससे जीता है टॉस? टावर किसे जिसने जीता है? टॉस जीता है भाई सिडनी सिक्सर ने, सिडनी सिक्सर ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है। एलिसा पेरी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, अब देखते हैं बल्लेबाजी जो है वो किस तरीके से होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, अब से 10 मिनट के बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। सिडनी सिक्सर वुमेन्स वर्सेज एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स का ये मुकाबला है। यहाँ से सिडनी सिक्सर अपने टूर्नामेंट का पहला मैच खेल चुकी है, पहला मैच जीती थी, ब्रिस्बेन हीट को हराया था। एडिलेड स्ट्राइकर जो है पहला मैच अपना खेलने आई है,
अगर दोनों टीमों की मेन मेन खिलाड़ियों की बात की जाए तो मेन मेन खिलाड़ी मैं बता देता हूँ आपको, एडिलेड टाइगर के मेन खिलाड़ी रहेंगे लॉरा वोल्वेट, देवेंद्र डॉटिन, टाइलर मैगराथ। यहाँ पर ये तीन बल्लेबाज जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे गेंदबाजी के लिए। अगर बात करें तो अमेंडा जेड वेलिंगटन, मैगन सचेट और डार्सी ब्राउन, इन तीन गेंदबाजों पर निर्भर करेगी ये टीम। बात करें एलिसा पैरी की टीम की, सिडनी सिक्सर की, तो मेन बल्लेबाज बता देता हूँ आपको इस टीम के अंदर। टॉप चार बल्लेबाज जो है वो काफ़ी खतरनाक हैं, एलिसा हेली, सूजी बेट्स, एलिसा पैरी, एशली गार्डनर और ई बंस। ये टॉप पांच बल्लेबाज जो है ज़बरदस्त फॉर्म में है, खासकर ई बंस और एलिसा पैरी दोनों जो है फॉर्म में है, पिछले मैच में जिताया था उन्होंने। गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी सोफी एकेस्टन, यहाँ पर मेल्टन ब्राउन प्लस यहाँ पर जो है वो लॉरेन चटली ने भी पिछले मुकाबले में नई गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। अब देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। यहाँ से अब सिर्फ 9 मिनट के बाद ये मुकाबला शुरू होगा, देखते हैं किस तरीके से ये मुकाबला चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, आपको दोनों टीमों के स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हद तक जो है कमज़ोर पक्ष बता दिए। एडिलेड स्ट्राइकर इन दिस मैच, राजू गेमिंग भाई, मैं भी एडिलेड स्ट्राइकर को सपोर्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले को जीते। सिडनी सिक्सर ने आज टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है। पहला मैच इसी ग्राउंड पर जो है सिडनी सिक्सर ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी थी और चेज किया था, मगर वो शाम का मुकाबला था, ये दिन का मुकाबला है। दिन के मुकाबले में हमें स्पिन गेंदबाजी देखने को मिल सकती है, इसी वजह से एलिसा पैरी चाहती है कि 140 से 150 रन यहाँ बना लीजिए, उसके बाद हम डिफेंड कर सकते हैं इस टोटल को। मगर यहाँ पर एलिट सोचेगी, एलिट चाहेगी कि यहाँ से एलिसा पैरी की टीम को, खासकर सिडनी सिक्सर को, कम से कम स्कोर पर रोका जाए और चेज किया जाए, कहीं वो हाल ना हो जाए जिस तरीके से होबार्ट हरिकेन ने कल किया था। मगर वो पिच थोड़ी सी ज़्यादा ही स्पिनर गेंदबाज को मदद कर रही थी, इसलिए बल्लेबाजी करना आसान नहीं, मगर ये पिच कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए अनुकूल लगती है और बल्लेबाजी आपको देखने को मिल सकती है। 92 लाइक हो चुके हैं, 8 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा हो जाएगा यहां पर 100 लाइक्स का, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा, आप देखते हैं यहां से किस तरीके से गेम चलता है, किस तरीके से यह गेम चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को जरूर लाइक करिएगा। मुकाबला शुरू होने में बस कुछ ही मिनट्स बचे हुए हैं, 7 मिनट के अंदर यह मुकाबला शुरू हो जाएगा, तो सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। किसको जिता रहे हो भाई? स्पेशल भाई, हम जिता रहे हैं आज एडिलेड स्ट्राइकर को, एडिलेड स्ट्राइकर पसंद भी थोड़ी सी यार। नीरज कुमार भाई कह रहे हैं हाय सर, हाय नीरज भाई कैसे हैं। सचिन भाई कह रहे हैं कौन विन होगा। सचिन भाई मेरी तरफ से मैं कहता हूँ कि एडिलेड स्ट्राइकर पकड़ के चलिएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। देखिएगा विन के पीछे रहेंगे तो नुकसान भुगतेंगे आप सब, क्लॉसकेट बुक से ट्रेड करिएगा, क्योंकि तीनों मैचों में ट्रेड मिला है, और ट्रेड करिएगा एक टीम के साथ मत रहिएगा, क्योंकि वुमेन मैच जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। यहाँ पर आप जो भी टीम प्रिडिक्ट करेंगे उसके अपोजिट होता है कई बार, मगर यहाँ पर लॉसकेट बुक से ट्रेड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ट्रेड करने के लिए डेल्टिन 7 आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा डेल्टिन 7 ऐप पे। देखते हैं यहाँ से किस तरीके से मुकाबला चलेगा। यहाँ पर काफ़ी व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा यार, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जिस टेलीग्राम चैनल को मैं आपको दे रहा हूँ, इसी टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी बैट स्लिप जो है दिखाकर अपनी बैट का पैसा जो है वो वापस ले सकते हैं, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी देर में शुरू हो रहा है। कैप्टन किसको बनाओ भाई आज? एलिसा पैरी बना लीजिए, पैरी फॉर्म में है यार, पैरी ने बल्लेबाजी पहले मैच में अच्छी करी है, हो सकता है आज भी अच्छी करते नजर आए। कौन सी स्ट्रीम स्ट्रांग है? नासिर खान भाई दोनों टीमें बराबरी पे हैं यार, दोनों टीमें बैलेंस्ड हैं, दोनों टीमों के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। देखिए दोनों टीम बैलेंस लग रही है, आसान नहीं होगा क्योंकि इस बार जो टीमें बनाई गई हैं टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी हद तक दोनों टीमें जो हैं वो बिल्कुल बराबरी पे हैं। और यहाँ पर सिडनी सिक्सर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि पहला मुकाबला खेल कर जीत कर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर चुकी है, मगर यहाँ पर उम्मीदें यही है कि एडिलेड स्ट्राइकर भी आज पहली जीत दर्ज करे। टॉस हो चुका है, टॉस भाई को नहीं पता किसी भाई को, टॉस यहां पर जो है सिडनी सिक्सर जीत चुकी है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बस 5 मिनट में मुकाबला शुरू हो रहा है, थोड़ी देर में बल्लेबाज जो हैं वो ग्राउंड के अंदर होंगे, गेंदबाज ग्राउंड के अंदर होंगे, हम ग्राउंड के अंदर होंगे, आप ग्राउंड के अंदर होंगे क्रिकेट लाइव हिंदी के थ्रू। तो ज्वाइन करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और कोई भाई
कोई भाई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, आज बिल्कुल जबरदस्त मैच होगा क्योंकि दो मुकाबले होने आज वुमेन बिग बैश के, दो मुकाबले आज होने हैं, एक मुकाबला अभी है, एक मुकाबला 1:30 बजे शुरू होगा, दोनों मैच कवर करेंगे और वुमेन बिग बैश के अंदर अंदर साथ साथ हम नजर रखेंगे और यहाँ पर इंडिया वर्सेज श्रीलंका के मुकाबले में जहाँ पर आपको कॉमेंट्री जो है दोनों मैचों की एक साथ देखने को मिल सकती है हमारे साथ। तो जाइए ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, जैसे ही लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। आज वुमेन बिग बैश के दो मुकाबले हैं तो चाहेंगे कि दो जैकपॉट आपको यहां पर दें, अच्छी ट्रेडिंग मैच आपको दें और आपको जो है विनिंग विन करवाएं। हारने वाले बंदे तो वैसे ही बताते हैं, विनिंग वाले हमारे बंदे बहुत कम हैं, तो विन वाले बंदे को हम सपोर्ट करेंगे भाई, जो बंदे हमारे जीते यार पैसे से कमाए थोड़ा सा। भाई कौन जीतेगा आज भाई? एडिलेड को सपोर्ट कर रहे हैं टोनी शर्मा भाई, टोनी शर्मा जी हम सपोर्ट कर रहे हैं, एडिलेड स्ट्राइकर को पसंद है यार, पर्सनली पसंद है। टाइला मैकग्रैथ इस टीम के अंदर है, मगर देखिए बल्लेबाजी में लॉरा वुलवेट, टाइला मैकग्रैथ और डविंदर डॉटिन के ऊपर होगा। यहाँ पर पहले यहाँ पर जो है सिडनी सिक्सर को रोकना पड़ेगा, कम से कम स्कोर पर रोकना पड़ेगा। अब क्या रोक पाएंगी वो देखने वाली बात होगी। 250 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 117 लाइक हो चुके हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। 4 मिनट के अंदर ये मुकाबला शुरू हो रहा है, 4 मिनटों के अंदर ये मुकाबला शुरू हो जाएगा, 10:10 भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला शुरू होगा। तो ज्वाइन करते रहिए आप सब लोग, जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। बस थोड़ी ही देर में लाइव विजुअल जो है वो आने शुरू हो जाएंगे हमारे पास भी और आपको भी कमेंट्री जो है ऑन होती हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि अभी मुकाबला शुरू होने में सिर्फ 3 मिनट है, इसीलिए कमेंट्री अभी शुरू नहीं हुई है। देखते हैं अब यहाँ से किस तरीके से गेम बढ़ता है। मेरे हिसाब से यार बढ़िया मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो पिछले दो मुकाबले हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं, काफ़ी प्रॉफिटेबल हुए हैं यहाँ पर। नासिर भाई कह रहे थैंक यू, विल्सन संतोषन, विल्सन भाई बड़ा ज़बरदस्त नाम है, मुश्किल हो रहा है मुझे लेने के लिए, मगर मैं विल्सन भाई को कहूँगा। विल्सन भाई कह रहे गुड मॉर्निंग भाई, विल्सन भाई गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं यहाँ पर। जावेद हैदर भाई कह रहे हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, भाई थैंक यू, पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, बड़ी दूर से जुड़े हैं आप हमारे साथ, देखकर अच्छा लग रहा है सुबह सुबह के टाइम पे। किशन भाई कह रहे हैं विन इंडिया, इंडिया भाई बिल्कुल इंडिया जीतेगी, टेंशन मत लीजिए भाई। श्रीलंका को अगर हराना है तो उनको कम से कम स्कोर पे आउट करना होगा भारतीय टीम को आज। शबाज कुरेशी भाई कह रहे हैं हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम भाई, नमस्कार सजाद शबाज कुरेशी भाई। टोनी शर्मा कह रहे हैं मार्केट सिडनी सिक्सर को सपोर्ट कर रहा है भाई। टोनी शर्मा भाई मार्केट देखिए किसी को सपोर्ट करे, मगर ध्यान रखिएगा जहां पे मार्केट ओवरलोड होती है तो वही टीम सबसे पहले हारती है, तो ओवरलोड को पहले कम करेंगे उसके बाद सिडनी सिक्सर जीतेगी। तो ओवरलोड को पहले आप पकड़ लीजिएगा यहां पर एडिलेड को और पकड़ के जो है जिता दीजिएगा। अगर छोटी लगी एडिलेड स्ट्राइकर तो छोटा सा माल जो है वो सिडनी सिक्सर पलट दीजिएगा, आपको दोनों टीम पर प्रॉफिट जो है वो मिल जाएंगे यहां पर। तो बिग बैश ये कौन है स्पैम कर रहा है, हमारे ये सारे मॉनिटर चेंज करने पड़ेंगे, मॉनिटर किसी काम के हमारे यहाँ पे। देवेंद्र सिंह भाई कह रहे हैं जब बारिश का सजना है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप नहीं करना चाहिए भाई। देवेंद्र भाई सिंह भाई क्या कर सकते हैं, हमने तो नहीं बोला वर्ल्ड कप वहाँ करिए, हम तो कहेंगे सारे वर्ल्ड कप इंडिया में करिए यार, इंडिया में वर्ल्ड कप करते रहिए, अपना एंजॉय करते रहेंगे हम। इंडिया में बारिश हो जाती है भाई, अगर इंडिया में कहीं ना कहीं बारिश को रोक नहीं सकता भाई। देवेंद्र सिंह भाई मौसम विभाग को खुद नहीं पता होता कि बारिश होगी कि नहीं, आज के मैच में भी 7% बारिश बताई है, बताओ अब मैं क्या बताऊँ। बारिश नहीं हुई तो अच्छी बात है यार, कल वुमेंस के मैच में कम से कम आप लगा के चलिएगा 40% चांसेस थे बारिश होने के, वुमेंस के मैच में नहीं हुआ मगर ऑस्ट्रेलिया के मैच में हो गया। पाकिस्तान वाले इंडिया में क्या कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान वाले इंडिया में चैट में कर रहे हैं भाई, चैट में बात कर रहे हैं। अभिषेक भाई कर प्लीज से सर, अभिषेक शर्मा भाई 6 ओवर में वेट कर लीजिए, पहली बॉल डालने तो दीजिए। चलिए यहाँ पर प्लेयर अंदर आ चुके हैं, मुकाबला शुरू हो रहा है, यहाँ से बस 1 मिनट के बाद ये मुकाबला शुरू होगा। तो लाइव विजुअल आ चुके हैं, धूप खिली हुई है यहाँ पर, दोनों बल्लेबाज एलिसा हेली और सूजी बेट्स हो सकता है ओपनिंग करने आएंगे यहाँ पर, तो तैयारी कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, धूप खिली हुई है, बल्लेबाज आ चुके हैं, लाइव विजुअल हमें दिखने शुरू हो चुके हैं। तो बल्लेबाजी में पहली गेंद खेलेंगी एलिसा हेली, देखते हैं एलिसा हेली किस तरीके से यहाँ पर हिलाती हैं एडिड स्ट्राइकर के गेंदबाजों को। एलिसा हेली का बेस्ट जो है 112 है नॉट आउट बिग बैश के अंदर, 112 रन नॉट आउट बनाए थे एलिसा हेली ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, धमाकेदार बल्लेबाज है, पहले मैच में 0 के स्कोर पे आउट हो गई थी, मगर आज लग रहा है इनका बल्ला बोलेगा और ज़बरदस्त तरीके से बोलेगा। तो यहाँ पर मुकाबला शुरू हो रहा है और मुकाबले में अगर बात की जाए तो यहाँ से बस कुछ ही देर में आपको मुकाबला शुरू होते नजर आएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। आज मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया होने की उम्मीद है, यहाँ से उम्मीद करेंगे कि यार दोनों टीमें जो हैं वो अच्छा खेलें यहाँ से और
एक टफ फाइट देखने को मिले। मेगन सचेट के हाथ में गेंद थमाई गई। अब तो पहला ओवर कर रही है मेगन सचेट। मेगन सचेट के ओवर की है पहली गेंद। स्ट्राइक पे है अलीसा हिली, कोई स्लिप नहीं रखी है यहाँ पर मेगन सचेट ने। मेगन सचेट के ओवर की पहली गेंद, लेग स्टंप पे गेंद थी, फ्लिक कर दिया इसको स्क्वायर लेग दिशा में। एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर अलीसा हिली को। खाता खुलेगा सिडनी सिक्सर का यहाँ पर। और अलीसा हिली का स्ट्राइक पे आगे हैं सूजी बेट। पिछले मुकाबले में सूजी बेट और अलीसा हिली दोनों जो हैं ज़्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाई थी, क्या आज अपने बल्ले से दोनों जो हैं जवाब देंगी। पिच अच्छी लग रही है बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखना होगा किस तरीके से मुकाबला चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ। एडिलेड स्ट्राइकर को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले को जीते। यहाँ पर बात करते हैं अब अगली गेंदबाजी की तरफ। यहाँ पर मेगन सचेट ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज जो है वो गेंदबाजी कर रही हैं। अगली गेंद मेगन सचेट के ओवर की दूसरी गेंद, इस बार स्ट्राइक पे है सूजी बेट। इस बार ऑस्ट्रेलिया के बाहर ये गेंद एज लगा था, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, चौका मिल जाएगा इस गेंद पर। आउटफील्ड काफी तेज है यहाँ पर, गलती कर दी यहाँ पर। नई गेंद से गेंदबाजी कर रही है मेगन सचेट और स्लिप गेंद, स्लिप पे फील्डर जो है नहीं रखा है यहाँ पर। अब देखते हैं किस तरीके से क्या होगी बल्लेबाजी। तो चौके के साथ खाता खुला यहाँ पर, किस्मत का सहारा मिला यहाँ पर जो है सूजी बेट्स को। अब देखते हैं सूजी बेट्स किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पर। लाइक कर दीजिएगा आप सब, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मेगन सचेट काफ़ी ना खुश रहेंगी कि यार नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रही है, स्लिप नहीं रखी है। चलिए अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप पे गेंद थी, खेल दिया इसको ऑन साइड की तरफ। एक रन मिल जाएगा यहाँ पर जो है अब सूजी बेट्स को। तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर, अगर बात करें स्कोर हो चुका है यहाँ पर 6 रन बिना किसी नुकसान के 3 गेंदों के बाद। देखते हैं मुकाबला किस तरीके से चलता है। लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। स्ट्राइक पर मौजूद है अलीसा हिली। अगली गेंद, चौथी गेंद, कोई भी मौका नहीं रन बनाने का। मिडिल स्टंप पे ये गेंद थी, डिफेंस किया इस गेंद को और अलीसा हिली को कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो 6 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के 4 गेंदों के बाद। शुरुआत हुई है यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर की। अब देखते हैं एडिलेड स्ट्राइकर यहाँ से किस तरीके से अब बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है इस पिच पे पहला मुकाबला जो है वो जीता था सिडनी सिक्सर ने। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। अगली गेंद मेगन सचेट के ओवर के, इस बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के बाहर ये गेंद थी, डिफेंस कर लिया इस गेंद को। कोई भी मौका नहीं यहां पर जो है वो रन बनाने का, कोई भी मौका नहीं मिला रन बनाने का यहाँ पर जो है बल्लेबाज अलीसा हिली को। तो 3 गेंदें खेल चुकी हैं, मात्र 1 रन बनाया है। यहाँ से देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो? अविनाश सिंह राजपूत भाई, देखिए एडिलेड स्ट्राइकर सपोर्ट कर रहे हैं। स्ट्राइकर की तरफ से अगली गेंद, इस बार मेगन सचेट की ऑप्शन के बाहर, हल्का तो खेला इसको शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद है। अब आपको स्कोर क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हमने क्लियरिटी कर दी है और यहाँ पर जो है क्लियरिटी कर दी है मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा क्लियर आपको स्कोर दिख रहा होगा। अगर आप अभी भी किसी को क्लियर ना दिख रहा हो तो भाई मैं अपने मुंह से हर ओवर में आपको स्कोर बताता रहूँगा। यहाँ पर चलते हैं जरा, अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है मेगन सचेट के ओवर के, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 रन बिना किसी नुकसान के, 6 रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर जो है यहाँ पर स्कोर हो चुका है सिडनी सिक्सर का। स्ट्राइक पे होंगी सूजी बेट्स, एक चौका जरूर लगाया था दूसरी ही गेंद पर, पहली ही गेंद पर, मगर वो एज का चौका था। तो यहाँ पर डार्सी ब्राउन को बुलाया गया है, डार्सी ब्राउन को बुलाया गया है यहाँ पर जो है अब गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे, गेंदबाजी करने के लिए। देखते हैं डार्सी ब्राउन यहाँ से किस तरीके से अब गेंदबाजी करती हैं। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम को कर दीजिएगा लाइक, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया होने की उम्मीद है, चाहेंगे कि बढ़िया मुकाबला जो है वो देखने को मिल जाए दोनों टीमों से। स्कोर की बात की जाए तो पहली गेंद डार्सी ब्राउन की ऑस्ट्रेलिया के बाहर ये गेंद थी, कोई भी मौका नहीं सूजी बेट के पास रन बनाने का। यहाँ पर इस बार कट जरूर किया मगर गेंद गई सीधा पॉइंट की दिशा में। देवेंद्र डॉटिन जो है वो मौजूद है पॉइंट की दिशा में, 6 रन बिना किसी नुकसान के 1.1 गेंद के बाद। अगली गेंद इस बार डार्सी ब्राउन के, इस ओवर की अगली गेंद स्ट्राइक पे मौजूद है यहाँ पर सूजी बेट्स। देखते हैं सूजी बेट्स यहाँ पर किस तरीके से खेलेंगे। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम को कर दीजिएगा लाइक, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर हम सपोर्ट कर रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर को, उम्मीद कर रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले जीते। अगली गेंद डार्सी ब्राउन के ओवर की, स्ट्राइक पे है सूजी बेट, फुल टॉस ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद जा रही है गेंदबाज की दिशा से बाउंड्री की तरफ। यहाँ पर मिड ऑन के फील्डर ने दौड़ के गेंद को फील्ड कर लिया है। 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर सूजी बेट्स को और यहाँ पर एक खराब गेंद यहाँ पर डार्सी ब्राउन की और 2 रन जुड़ते हुए खाते में स्कोर हो चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान के 1.2 गेंदें हो चुकी है। देवेंद्र डॉटिन को कैप दी है यहाँ पर मेगन सचेट ने आज पहली बार।
पहली बार यहां पर खेल रही हैं डेविन डॉटिन एलियट स्ट्राइकर से। अब देखते हैं किस तरीके से खेलेंगी। अगली गेंद इस बार डार्सी ब्राउन के ओवर की तीसरी गेंद, इस बार रफल लेंथ की गेंद थी, डिफेंस कर लिया सूजी बेट्स ने, कोई मौका नहीं रन बनाने का। स्कोर अभी भी 8 रन बिना किसी नुकसान के 1.3 गेंदों के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है डार्सी ब्राउन की। अभी तक 3 गेंदें करी हैं, मात्र 2 रन दिए हैं। क्या विकेट निकाल पाएंगे, क्या यहां पर विकेट छटका पाएंगे, देखने वाली बात होगी। चैनल को करिए सब्सक्राइब। चलते हैं सर अगली गेंद की तरफ, डार्सी ब्राउन के ओवर की अगली गेंद, इस बार चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं यहां पर सूजी बेट्स को। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद रखी थी, हल्का सा गेंद स्विंग हुआ, कट करने गई, बीट हो गई इस गेंद पर सूजी बेट्स। स्कोर अभी भी 8 रन बिना किसी नुकसान के 1.4 गेंदों के बाद। डार्सी ब्राउन यहां से विकेट चटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकेट चटकाई जाए और दबाव बनाया जाए सिडनी सिक्सर के ऊपर, क्योंकि एलिसा हीली और सूजी बेट्स दोनों जो है आक्रामक बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट लगाने से हिचकिचाती नहीं है यहां से। डार्सी ब्राउन के ओवर की अगली गेंद 5वीं गेंद, इस बार स्ट्राइक पे है सूजी बेट्स। एक बार फिर से गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, कोई मौका नहीं यहां पर। इस बार कट जरूर किया सूजी बेट्स ने, गेंद गई पॉइंट की दिशा में, पॉइंट पे खड़ी है देविंदर डॉटिन, कोई मौका नहीं दे रही वहां पर सिंगल लेने का सूजी बेट्स को। तो सूजी बेट्स का स्कोर पहुंच गया 7 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए हैं। पहली गेंद पर चौका लगाया था मगर उसके बाद ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है। तो शुरुआत में बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं यहां पर जो है संभल के बल्लेबाजी करें, मगर यहां से एडिलेड स्ट्राइकर की कोशिश यही है कि विकेट चटकाई जाए। चलते हैं अगली गेंद की तरफ, डार्सी ब्राउन कर रही है गेंदबाजी, स्ट्राइक पे है सूजी बेट्स। इस बार सिंगल ले लिया इस आखिरी गेंद पर, बढ़िया ये गेंद थी मगर उससे बढ़िया ये शॉट था, ऑफ स्टंप की तरफ चल के आई थी, कट करा इस गेंद को, गेंद गई सीधा थर्ड मैन की दिशा में, सिंगल मिलता हुआ यहां पर सूजी बेट्स को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के सिडनी सिक्सर वुमेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगी सूजी बेट्स, देखते हैं अब तीसरा ओवर लेके कौन आएगा। डार्सी ब्राउन का एक अच्छा ओवर, 1 ओवर किया है, मात्र 3 रन दिए हैं। मैगन सचेट और डार्सी ब्राउन पर जिम्मेदारी होगी कि शुरुआत में विकेट छटकाई जाए, क्योंकि दोनों जो है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, अगर दोनों टिक गए तो कहीं ना कहीं एडिलेड के लिए काफी मुश्किलें यहां से खड़ी हो जाएंगी। देखते हैं अब किस तरीके से गेम चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को जरूर लाइक करिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। 173 लाइक हो चुके हैं, 750 लाइक हमारे साथ, 750 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 173 लाइक हो चुके हैं यहाँ पर। 27 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा पूरा हो जाएगा यहाँ पर 200 लाइक्स का। अगली गेंद बार मैगन सचेट आई है गेंदबाजी करने के लिए, ऑस्टम पे ये गेंद थी, चल के आई यहाँ पर एलिसा हीली, खेल दिया इसको स्क्वायर लेग दिशा में, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है 10 रन बिना किसी नुकसान के 2.1 गेंद के बाद। करंट रन रेट 4.62 की हो चुकी है। क्या यहाँ से विकेट चटकाते हुए नजर आएंगी, देखना होगा। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगली गेंद इस बार स्ट्राइक पे मौजूद है यहाँ पर एलिसा हीली, इस गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए, तो 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर एलिसा हीली को सिंगल में, माफ कीजिएगा, एलिसा हीली को सिंगल मिल गया है और स्ट्राइक पे आ गए हैं सूजी बेट्स। तो सूजी बेट्स खेलेंगी अब यहाँ पर तीसरी गेंद मैगन सचेट की इस ओवर की। मैगन सचेट अभी तक विकेट निकालने में जो है वो असमर्थ रही हैं। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 11 रन बिना किसी नुकसान के 2.3 गेंदों के बाद। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, और भूलिएगा नहीं आप सब लोग जो है स्ट्रीम को देख रहे हैं क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे आप देख रहे हैं, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए हमें इस चैनल पर। मैगन सचेट की ओवर की अगली गेंद तीसरी गेंद, इस बार कोई भी मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का सूजी बेट्स के पर। सूजी बेट्स थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा हिचकिचा रही है बल्लेबाजी करने में। इस बार अगली गेंद, इस बार मैगन सचेट के ओवर की टॉप एच लगा था, गेंद गई नो मैंस लैंड में, यहाँ पर कोई भी मौका नहीं। टॉप एच जरूर लगा था, थोड़ी सी गेंद हवा में जरूर गई थी मगर वहां पर नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, मगर फील्डर मौजूद थे, फील्डर से जस्ट आगे ये गेंद गिरी, कोई भी मौका नहीं रन बनाने का यहाँ पर सूजी बेट्स को। स्कोर हो चुका है 11 रन बिना किसी नुकसान के 2.4 गेंदों के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। भाई टोटल भाई स्टोरेज को 145 ओवर या सुनो निर्मल पटपाले पिल्ले भाई अभी तो नॉट कर दीजिए, अभी नॉट करिए, विकेट आने वाला है। रन कितने को भाई, चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद गई सीधा मैगन सचेट के हाथ में, कोई भी मौका नहीं यहां पर रन बनाने का। स्कोर अभी भी 11 रन बिना किसी नुकसान के 2.5 गेंदों के बाद। वुमेन बिग बैश 2022 के सारे मुकाबले आपको क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे आपको कमेंट्री मिलती रहेगी। मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा, मैं हूं दिल्ली से आपके लिए कमेंट्री लेके आया हूं इस मुकाबले की। अगली गेंद मैगन सचेट के ओवर की, स्ट्राइक पे है सूजी बेट, बड़ा शॉट खेलने गए इस बार, स्वीप जरूर किया था, टॉप एज लगा था, गेंद गई सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर फील्डर से काफी दूर ये गेंद गिर गई, मगर 1 ही रन मिलेगा सूजी बेट्स को। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 12 रन बिना किसी नुकसान के
सिडनी सिक्सर वुमेन्स का स्कोर है, स्ट्राइक पे होंगी अब सूजी बेट्स, देखते हैं चौथा ओवर लेके कौन आएगा। पावर प्ले की शुरुआत काफ़ी धीमी हुई है यहाँ पर सिडनी सिक्सर की, 3 ओवर खेले हैं अभी तक 12 रन दिए हैं, मगर अच्छी बात यह है कि विकेट अभी तक कोई नहीं गिरा है, विकेट नहीं गिरा है कोई भी। भाई कोई मुझे बता सकता है कि क्या मैच कितने ओवर का है? गुड्डू कश्यप भाई ये मैच 20-20 ओवर का है, महिलाओं का ये मैच है, वुमेन्स मैच है, ये वुमेन बिग बैश लीग चल रही है, उसका ये तीसरा मुकाबला है, आज 2 मुकाबले होने हैं, इंडिया का मुकाबला भी है, तो इंडिया का मुकाबला जो है सेकंड बिग बैश मैच में ही कवर कर लेंगे, साथ साथ में दोनों मैच आपको दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा। डार्सी ब्राउन जो है 1 ओवर किया है अभी तक, क्या यहाँ पर बॉलिंग चेंज देखने को मिलेगा? जी नहीं, डार्सी ब्राउन आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, 4th ओवर की पहली गेंद, सूजी बेट्स को सीधे बल्ले से खेला, जरूर गेंद गई सीधा मिड ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है यहाँ पर, कोई भी रन नहीं मिलेगा, स्कोर हो चुका है 12 रन बिना किसी नुकसान के 3.1 गेंद के बाद। डार्सी ब्राउन का पिछला ओवर भी काफ़ी अच्छा गया था, 3 रन दिए थे उस ओवर में, अब देखते हैं अगली गेंद किस तरीके से करती हैं। डार्सी ब्राउन की दूसरी गेंद, स्ट्राइक में है सूजी बेट्स, एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने गई और गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में, कोई भी मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का सूजी बेट्स के लिए, 15 गेंदें खेल चुके हैं सूजी बेट्स, अभी तक 9 रन बनाए हैं, शुरुआत काफ़ी धीमी है, मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, धूप खिली हुई है, तो क्या अब अगले ओवर में हमें स्पिन गेंदबाजी देखने को मिल जाएगी? यहाँ पर आपको 4 ओवर का पावर प्ले देखने को मिलेगा, 2 ओवर का पावर सर्च होगा, जो बल्लेबाज टीम चाहेगी जब चाहेगी जब लेगी यहाँ पर, तो पावर प्ले का समझ लीजिए आखिरी ओवर है यहां पर। डार्सी ब्राउन की अगली गेंद, बार सूजी बेट्स को खेल दिया, इसको ऑन साइड की तरफ, 1 रन मिल जाएगा सूजी बेट्स को, स्ट्राइक पे आ जाएंगे एलिसा हीली, स्कोर हो चुका है 13 रन बिना किसी नुकसान के 3.3 गेंदों के बाद। यहां पर मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है, मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, देखते हैं किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है। यहाँ पर काफ़ी हद तक सूजी बेट्स पर दबाव बना के रखा हुआ है, सूजी बेट्स को कोई मौका नहीं दे रहे हैं अब बड़ा शॉट खेलने के लिए, और कोशिश ये रही है सूजी बेट्स की कि यार शॉट्स लगाए जाएँ, चौके बटोरे जाएँ, मगर अभी तक सिर्फ 1 ही चौका लगा है जो कि सूजी बेट्स से बल्ले से लगा था, वो भी एज लग के चौका आया था, मगर अगर आप ओवर टाइम लाइन देखेंगे तो ज़्यादातर डॉट गेंदे जो हैं यहाँ पर खेलते नजर आए हैं दोनों बल्लेबाज, खासकर सूजी बेट्स। डार्सी ब्राउन के ओवर की अगली गेंद है, 4th गेंद है यहाँ पर, थोड़ा सा देख रही है किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है यहाँ पर एलिसा हीली, अगली गेंद डार्सी ब्राउन के इस ओवर के स्ट्राइक पे हैं एलिसा हीली, क्या हीली के बल्ले से कुछ बड़ा शॉट नजर आएगा, देखना होगा इस बार। चौथी गेंद पर भी सिंगल ले लिया यहाँ पर, लेग स्टंप पे ये गेंद थी, खेल दिया इसको स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर, तेजी से 1 रन पूरा किया यहाँ पर एलिसा हीली ने, क्या ओवर थ्रो होगा? अच्छी नहीं, सिंगल नहीं लिया वहाँ पे, मना किया सूजी बेट्स ने, क्योंकि सूजी बेट्स तैयार नहीं थी सिंगल के लिए यहाँ पर, और सूजी बेट्स जो है वो जाके बात करती हुई एलिसा हीली से, शायद गेंद जाके लगी है, क्या हुआ है देखना होगा यहाँ पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो 13 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 3.4 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर, देखना होगा। जी हाँ, एलिसा हीली के शायद पैर में ये गेंद लगी है, काफ़ी तेज़ लगी है, फिजियो का वेट कर रही हैं, फिजियो यहाँ पर आते हुए ग्राउंड के अंदर देख रही हैं, शायद चोट लगी है यहाँ पर एलिसा हीली को, गेंद काफ़ी अच्छी थी, गेंद जाके सीधा पैर से टकराई है तो चोट लगी है, इस वजह से थोड़ा सा गेम जो है वो रुक गया है, पता नहीं थर्ड अंपायर रनआउट भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि एलिसा हीली भागी थी उसके बाद वापस जरूर आई थी और उसके बाद डायरेक्ट हिट भी लगी थी यहाँ पर, देखना होगा कि आउट है कि नहीं यहाँ पर। चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, इस बार देखना होगा, थोड़ा सा लेजीपन दिखाया था, जी नहीं बैट पहुंच गया था, बैट पहुंच चुका था, नॉट आउट रहेंगी, थोड़ा सा पैर में भी चोट लगी थी यहाँ पर एलिसा हीली के, तो यहाँ पर नॉट आउट रहेंगी एलिसा हीली। लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा, देखते हैं किस तरीके से गेम यहाँ पर चलता है। एलिसा हीली तैयार हैं, थोड़ा सा पैर पे गेंद लगी थी मगर ठीक है, नॉट आउट रहेंगी यहाँ पर। चलते हैं जरा अगले मुकाबले की अगली गेंद की तरफ, यहाँ पर स्ट्राइक पे मौजूद हैं एलिसा हीली, अगली गेंद डार्सी ब्राउन के इस ओवर की क्रीज से थोड़ा सा बाहर खड़ी हुई है यहाँ पर एलिसा हीली, अगली गेंद पर डार्सी ब्राउन की तो कोई मौका नहीं, 5वीं गेंद भी डॉट गेंद, इस बार बढ़िया गेंद थी, फ्रंट की गेंद थी, पैड पे ये गेंद थी, खेल दिया इसको ऑन साइड की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई भी मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का, स्कोर अभी भी 13 रन बिना किसी नुकसान के, 3.5 गेंदें हो चुकी है। एलिसा हीली 7 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रही है, 7 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रही हैं, अब देखते हैं यहाँ से गेम किस तरीके से आगे बढ़ता है। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, यहाँ पर मुकाबला काफ़ी बढ़िया है, अगली गेंद तो यहाँ पर डार्सी ब्राउन के ओवर की आखिरी गेंद सामने है एलिसा हीली, इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, अंपायर ने इसको वाइड करार दिया, एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ यहाँ पर सिडनी सिक्सर के खाते में, 14 रन बिना किसी नुकसान के, 3.5 गेंदें हो चुकी है। डार्सी ब्राउन अच्छा ओवर किया है, इस बार सिर्फ मात्र 1 रन दिया था मगर एक वाइड के साथ 1 रन और जुड़ जाएगा इनके खाते में, 2 रन दे चुकी हैं इस ओवर में। स्कोर की अगर बात की जाए तो
14 रन यहां पर जो है बिना किसी नुकसान के 3.5 गेंदों के बाद अगली गेंद डार्सी ब्राउन के इस बार बोल्ड कर दिया यहां पर एलिसा हिली को। बढ़िया ये गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, रूम बनाया था एलिसा हिली ने बड़ा शॉट खेलने का, मगर यॉर्कर ये गेंद एलिसा हिली हो गई है बोल्ड। तो लग गया है सिडनी सिक्सर को पहला झटका 14 रन एक विकेट नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद एलिसा हिली 8 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन जाती हुई, पहला झटका लगता हुआ सिडनी सिक्सर की टीम को। डार्सी ब्राउन ने दिला दी है पहली सफलता, एलिसा हिली 8 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन जाती हुई और सिडनी सिक्सर को लग गया है पहला झटका। देखते हैं यहां से मुकाबला किस तरीके से आगे बढ़ता है। मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है और शुरुआत में डार्सी ब्राउन ने कर दिया है एलिसा हिली का काम तमाम। अगर बात करें स्कोर की तो स्कोर हो चुका है यहां पर सिडनी सिक्सर का 14 रन एक विकेट नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब बल्लेबाज एलिसा पैरी आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए, मगर स्ट्राइक पे होंगी सूजी बेट्स भी 16 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं। अब देखते हैं यहां से किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर दबाव बना के रखा हुआ है सूजी बेट्स के ऊपर। सूजी बेट्स भी कोशिश कर रही हैं कि बड़े शॉट लगाएं, मगर बल्लेबाज गेंदबाज जो है कोई मौका नहीं दे रही हैं। क्या 5वें ओवर में भी मैगन सचेट गेंदबाजी करने आएंगी या फिर किसी और बल्लेबाज को भेजा जाएगा यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। देखते हैं किस तरीके से अब गेम चलता है यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा, देखते हैं यहाँ से मुकाबला किस तरीके से आगे बढ़ता है। आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा डेल्टिन 7 ऐप को, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिए डेल्टिन 7 पे। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 100 रुपये का है और ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। फास्ट विड्रॉल है, 15 से 20 मिनट के अंदर विड्रॉल आपको मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। विकेट ओवर है सर अभी, बिल्कुल सही बात है भाई, ओवर खत्म हो चुका है। एमिंडा जेंड वेलिंगटन आ चुकी है, पहली गेंद कैच छूट गया यहाँ पर सूजी बेट्स का, एक और विकेट जाते जाते बच गया सिडनी सिक्सर का। यहाँ पर सूजी बेट्स का कैच छोड़ दिया फील्डर ने, यहाँ पर बहुत ही खराब निर्णय, एक कोशिश जरूर की फील्डर ने, मिड ऑन के फील्डर ने यहाँ पर कैच को पकड़ने की, मगर वहाँ पर कैच छूट गया। कप्तान खुद थी वहां पर फील्डिंग कर रही है टाइला मैग्रैथ। एमिंडा जेल वेलिंगटन की अगली गेंद, स्ट्राइक पे है एलिसा पैरी, अपील हुई है जोरदार अपील, क्या ये आउट होगा? बिल्कुल एक बार रिव्यू लेना चाहिए क्योंकि गेंद पड़ने के बाद स्पिन हुई और पैड पे लगी है, मगर यहां पर देखना होगा पिचिंग, जो पिचिंग की है वो लेग स्टंप के बाहर की है क्या? जी नहीं, अपील करी है बस रिव्यू नहीं लिया। चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। अगली गेंद इस बार एमिंडा जेल वेलिंगटन की, इस बार एलिसा पैरी को स्टेप आउट किया, ड्राइव लगाया, गेंद गई सीधा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट था एलिसा पैरी के बल्ले से, खाता खुलता हुआ एलिसा पैरी का, 2 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रही है यहां पर। देखते हैं यहां से किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम को करिए लाइक, जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। शुरुआत इस मैच की भी एलिसा पैरी ने चौके के साथ करी है। स्कोर हो चुका है 19 रन एक विकेट नुकसान पर, 4.3 गेंदें हो चुकी है। एमिंडा जेड वेलिंगटन की अगली गेंद, एलिसा पैरी को कोई मौका नहीं रन बनाने का, इस बार लेग स्पिन गेंद थी, कट करा था इस गेंद को, गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया, कोई भी मौका नहीं रन बनाने का एलिसा पैरी के पास। स्कोर अभी भी 19 रन एक विकेट नुकसान पर, 4.4 गेंदें हो चुकी हैं। एमिंडा जेड वेलिंगटन की अगली गेंद, स्ट्राइक पर मौजूद है एलिसा पैरी, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे इस गेंद पर। 5वीं गेंद, इस बार सिंगल लिया एलिसा पैरी ने, इस 5वीं गेंद पर ड्राइव लगाया और रन दौड़ गई यहां पर एलिसा पैरी। स्ट्राइक पे आ गए हैं सूजी बेट्स, स्कोर हो चुका है सिडनी सिक्सर का 20 रन एक विकेट नुकसान पर, 4.5 गेंदें हो चुकी हैं। स्ट्राइक पे है सूजी बेट्स, सूजी बेट्स काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रही हैं, 17 गेंदें खेली हैं, मात्र 11 रन बनाए हैं, एक चौका लगाया है। अब देखते हैं यहाँ से किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है। तो लाइक करते रहिए आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। चलते हैं सर अगली गेंद की तरफ। एमिंडा जेड वेलिंगटन के ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक में है सूजी बेट्स, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे देखना होगा। अगली गेंद सूजी बेट्स को, इस बार खेल दिया इसको डीप मिड विकेट दिशा में, लॉन्ग ऑन का फील्डर जो है गेंद को फील्ड कर लेगा, मात्र 1 रन से संतुष्ट करना होगा यहां पर सूजी बेट्स को। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 21 रन एक विकेट नुकसान पर सिडनी सिक्सर वुमेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगी सूजी बेट्स, 18 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रही है, एक चौका लगाया है एमिंडा जेड वेलिंगटन। बढ़िया ओवर, पहला ओवर सिर्फ 7 रन दिए और कहीं ना कहीं इन पे जिम्मेदारी होगी मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने की। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करिएगा। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अब देखते हैं आगे 6वें ओवर की गेंदबाजी जो है वो कौन करेगा।
एलिसा पेरी और सूजी बेट दोनों मेरी टीम में नहीं है, आउट हो जाओ भाई। ओहो, सोमद राजपूत भाई कह रहे हैं दोनों की टीम में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी कराएंगे। 256 लाइक हो चुके हैं यहाँ पर और 44 भाई और लाइक कर दीजिए, 300 लाइक पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब देवेंद्र डॉटिन, वेस्ट इंडीज़ की ऑलराउंडर देवेंद्र डॉटिन जो है वो गेंदबाजी करने के लिए आई हैं। बढ़िया गेंदबाजी करती हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करती हैं। अगर इनकी इकोनॉमी की बात की जाए तो थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर कहीं ना कहीं डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करती हैं। पहली गेंद देवेंद्र डॉटिन की, स्ट्राइक पर मौजूद हैं सूजी बेट्स, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे। जी हाँ, पहली गेंद डॉट गेंद, बढ़िया सटीक लाइन पर यह गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, फील्ड कर लिया गेंदबाज ने इस गेंद को। बढ़िया फील्डर हैं डेविड डॉटिन, अपने जूते से गेंद को रोका और कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर सूजी बेट्स को। स्कोर हो चुका है 21 रन एक विकेट नुकसान पर, 5.1 गेंद हो चुकी है। स्ट्राइक पे मौजूद है यहाँ पर सूजी बेट्स। सूजी बेट्स का आज बल्ला जो है बिल्कुल बैठ सा गया है, शायद शॉट्स मारना लग रहा कि भूल ही गई हैं सूजी बेट्स। यहाँ पर अगली गेंद इस बार डॉटिन की, स्ट्राइक पर मौजूद है सूजी बेट्स। बढ़िया ये गेंद थी, ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, थोड़ा बाउंसर लगाया था, पुल किया था इस गेंद पर सूजी बेट्स ने, मगर कोई भी मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का। स्कोर अभी भी 21 रन एक विकेट नुकसान पर, 5.2 गेंदें हो चुकी हैं। आप देखते हैं यहाँ से मुकाबला किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। देवेंद्र डॉटिन ज़बरदस्त फील्डर है ये और बढ़िया गेंदबाजी करती हैं, वेस्ट इंडीज़ की बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं। चलते हैं अगली गेंद की तरफ। देवेंद्र डॉटिन की तीसरी गेंद, स्ट्राइक पे है सूजी बेट्स। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, गेंद को गेंद जा रही है डीप मिड विकेट दिशा में, फील्डर मौजूद, एक रन मिल जाएगा सूजी बेट्स को। स्ट्राइक पे आ जाएंगे एलिसा पेरी, पिछले मैच की हीरो, कहीं ना कहीं पिछले मैच में 50 रन लगाए थे। क्या यहाँ पर देवेंद्र डॉटिन जो है एलिसा पेरी को आउट कर सकती है? कौन जीतेगा भाई? कंप्लीट गेमिंग भाई एडिलीड स्ट्राइकर को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं एडिलीड स्ट्राइकर जो है इस मुकाबले को जीते। देवेंद्र डॉटिन कर रही है गेंदबाजी, अगली गेंद ओवर की, स्ट्राइक पे मौजूद हैं एलिसा पेरी, क्या बड़ा शॉट लगाएंगी, देखना होगा। अगली गेंद बाद चौथी गेंद, कोई भी मौका नहीं एलिसा पेरी के पास रन बनाने का। डॉट गेंद आता हुआ यहाँ पर, एक और डॉट गेंद यहाँ पर डेविड डॉटिन के इस ओवर की। मात्र इस ओवर में अभी तक जो है 4 गेंदें करी हैं, 1 रन दिया है। स्ट्राइक पर मौजूद हैं एलिसा पेरी। स्कोर हो चुका है 22 रन एक विकेट नुकसान पर, 5.4 गेंदें हो चुकी है। देविड डॉटिन की अगली गेंद ओवर की है 5वीं गेंद, स्ट्राइक पर मौजूद हैं एलिसा पेरी, क्या एक और बड़ा शॉट लगाने का निश्चय करेंगी? जी नहीं, इस बार भी गेंद को ड्राइव लगाया, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहाँ पर, 1 रन दौड़ लिया एलिसा पेरी ने, थोड़ा सा कट करने गई थी पॉइंट के फील्डर से, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और 1 रन मिल गया यहाँ पर एलिसा पेरी को। स्ट्राइक पे आ गए हैं सूजी बेट्स। 5.5 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर, स्कोर हो चुका है 23 रन एक विकेट नुकसान पर 5.5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद है इस ओवर की डॉटिन के, इस ओवर मात्र 2 रन आए हैं। स्ट्राइक पर मौजूद हैं सूजी बेट्स। शुरुआत काफ़ी धीमी हुई है, करंट रन रेट 3.94 की हो चुकी है। क्या यहाँ से मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा? चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक करिएगा। यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ। फूल हसन भाई कह रहे हैं यहाँ पर तुम्हारी टीम में नहीं है, हमारी टीम में और कौन है पता नहीं भाई, फूल हसन भाई कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए अगली गेंद सूजी बेट को, शॉट पिच गेंद थी, पुल कर दिया, गेंद को गेंद जा रही है सीधा डीप मिड विकेट दिशा में, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है 24 रन एक विकेट नुकसान पर यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। देखते हैं यहाँ से किस तरीके से गेम चलता है। शुरुआत काफ़ी धीमी हुई है, अभी भी 2 ओवर बचे हैं पावर सर्च के। अब देखते हैं अगले 10 ओवर के बाद पावर सर्च को लिया जाएगा या फिर मुकाबले में कब लेंगे यहाँ पर पावर सर्च। 24 रन बन चुके हैं यहाँ पर, शुरुआत काफ़ी धीमी हुई है खासकर सूजी बेट्स की। 22 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर खेल रही हैं। एक चौका लगाया था वो भी पहली गेंद पर लगाया था चौका, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर इस मुकाबले में। थोड़ा सा जो है अब सूजी बेट्स को अच्छी तरीके से खेलना होगा, रन गति को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आपने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है। आप चाहेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा बल्लेबाजी जो है वो तेज़ की जाए। तो टाइलर मैकग्रैथ को बुलाया गया है गेंदबाजी, टाइलर मैकग्रैथ खुद गेंदबाजी करने आई है, कप्तान है इस टीम की। टाइलर मैकग्रैथ आ चुकी हैं गेंदबाजी करने के लिए। एमिंडा जेरविंटन को सिर्फ 1 ही ओवर मिला और उसके बाद उनको रोक दिया गया है। सही सोच नहीं है, क्योंकि एमिंडा जेरविंटन बढ़िया गेंदबाज है और आपके लिए मिडिल ओवर में गेंदबाजी कर सकती हैं। टाइलर मैकग्रैथ के ओवर की पहली गेंद, स्ट्राइक पर मौजूद है यहाँ पर सूजी बेट्स। फाइनल की दिशा में खेलने गई, ऑस्टन की तरफ चल के आई मगर बीट हो गई इस गेंद पर, गेंद जाके शरीर से टकराई और कोई भी मौका नहीं मिला इस गेंद पर रन बनाने का। डॉट गेंद है पहली गेंद, डॉट गेंद, स्कोर हो चुका है 24 रन एक विकेट नुकसान पर।
जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। क्रिकेट लाइव हिंदी टू पे आप हमारा कमेंट्री जो है वो सुन रहे हैं। इस मुकाबले की स्ट्राइक पर मौजूद हैं यहाँ पर सूजी बेट्स। देखते हैं अगली गेंद, टाइलर मिंग्रात के ओवर की दूसरी गेंद, आप थोड़ा सा छटपटा रहे हैं यहाँ पर। इस बार लो फुल टॉस, ये गेंद थी, खेल दिया इसको डीप मिड विकेट दिशा में, फील्डर ने डाइव लगाई मगर गेंद को रोक नहीं पाई, चौका मिल जाएगा इस गेंद पर सूजी बेट्स को। तो काफ़ी देर के बाद रनों का वनवास जो है वो टूटा है सूजी बेट्स का, चौका जुड़ गया है उनके खाते में, स्कोर पहुंच गया यहां पर सिडनी सिक्सर का 28 रन एक विकेट नुकसान पर। यहां पर 6.2 गेंदें हो चुकी हैं। मुकाबले में अगर रन बनाने हैं तो बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे और वही काम कर रही हैं सूजी बेट्स, मगर काफ़ी देर के बाद कुछ रन जो है वो जुड़े हैं। अगली गेंद अमंडा जेड मैगन सचट की टाइलर मैग्राथ की, इस बार ऑन साइड की तरफ खेल दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर सूजी बेट्स को। तो सूजी बेट्स का स्कोर पहुंचा 19 रन, गेंदें खेली 25, स्ट्राइक पे होंगी एलिसा पैरी। और यहां पर आप सबके साथ जुड़ेंगे शशांक भाई करेंगे कमेंट्री आप कुछ ओवर्स की यहां पर। तो चलिए भाई, सभी व्यूअर्स को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस मुकाबले में। सिडनी सिक्सर्स वर्सेज एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। सिडनी सिक्सर का जो स्कोर है वो है 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं मुकाबला किस प्रकार से चलता है। हालांकि अभी तक की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए सिडनी सिक्सर्स की, तो काफ़ी स्लो बल्लेबाजी की है। जी हाँ, एलिस पैरी खेल रही है 7 गेंदों में 7 रन बनाकर, दूसरी तरफ सूजी बेट्स 19 रन बनाकर खेल रही है 25 गेंदों में। हालांकि क्षमता है इस बल्लेबाज के पास, ये कभी भी अपना रन रेट बढ़ा सकती हैं। उम्मीद करेंगे थोड़ा सा आखिर तक यहाँ से टिकेंगी, रन गति को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाते हुए चलेंगी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर तहिला मैग्राथ की अगली गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से यहाँ पर दिशा दिखाई थी स्क्वेयर लेग की तरफ, फील्डर ने किया फील्ड, एक रन यहां से मिल जाएगा। इस एक रन जुड़ने के साथ ही सिडनी सिक्सर्स का स्कोर है हो गया 31 रन एक विकेट के नुकसान पर 6.5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो भाई वेट कर रहे हैं एंट्री का, एंट्री आपको बिल्कुल एकदम सही समय पर दी जाएगी। जैसे ही सही वक्त आएगा एंट्री लेने का तो आपको बता दिया जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, बस मुकाबले का यहां पर मजा लीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए इसी के साथ ताहिला मैग्राथ की यहां पर अगली गेंद सूजी बेट्स के लिए, बिल्कुल एकदम 3 स्टंप्स के बीच में यह गेंद थी, वापस गेंदबाज की दिशा में खेलकर एक रन चुराने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से यहां पर असफल, कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई सिडनी सिक्सर का स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन एक विकेट के नुकसान पर। एलिस पैरी खेल रही है 7 रन बनाकर, 8 गेंदों का किया है सामना। सूजी बेट्स खेल रही है 20 रन बनाकर, 26 गेंदों का किया है सामना। तो चलिए देखते हैं आगे मुकाबला किस प्रकार चलता है। हालांकि शुरुआत बड़ी ही धीमी की है सिडनी सिक्सर ने भाई, अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगी तो कैसे बढ़ेगा वुमन क्रिकेट। थोड़ा सा यार T20 के अंदाज में खेलना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होती है T20 क्रिकेट की कि आपको 6 रन प्रति ओवर की जो रन रेट है वो बना के यहाँ से रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि बाकी के बचे हुए 13 ओवर में थोड़ा बेहतर तरीके से रन बनाएंगे। अगर प्रिडिक्शन यहाँ पर की जाए 20 ओवर में कितने रन यहाँ से बना सकती है सिडनी सिक्सर, तो अभी जो हिसाब किताब भाई चल रहा है मेरे ख्याल से 130 तक जाने की यहाँ से कोशिश जरूर करेगी सिडनी सिक्सर की टीम, 130-135 तक की। हालांकि हमारी जो टीम है वो एडिलेड स्ट्राइकर थी, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ से आपको बढ़िया तरीके से एंट्री दी जाए और प्रॉफिट के साथ इस मैच से निकलवाया जाए। चलिए इस बार गेंदबाजी करने आ गई है जेमा बार्स भी सामने होंगी यहाँ पर। सूजी बेट्स इस गेंद को यहाँ पर बढ़िया तरीके से दिशा दिखाई थी पॉइंट के फील्डर की तरफ, यहाँ पर तेजी से दौड़कर एक रन चुरा लिया, रन आउट होने का यहाँ पर पूरा चांस था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विकेट्स को मिस कर दिया फील्डर ने। चलिए एक रन यहाँ पर जुड़ता हुआ सिडनी सिक्सर का स्कोर है 32 रन एक विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर होंगी अब एलिस पैरी, देखना होगा एलिस पैरी कब बड़े शॉट्स लगाना शुरू करती हैं, थोड़ा तेजी दिखानी पड़ेगी दोनों में से कम से कम एक बल्लेबाज को। सूजी बेट्स अगर यहाँ पर थोड़ा स्लो बल्लेबाजी कर रही है एक छोर संभाल कर, तो दूसरी तरफ एलिस पैरी को यहाँ पर थोड़े बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। चलिए एक बार फिर से यहां पर अगली गेंद, इस बार गेंद को उठाकर खेला था यहां पर लॉन्ग ऑफ की तरफ जाते हुए, गेंद पीछे फील्डर मौजूद है, एक सिंगल यहां पर भी आसानी के साथ मिल जाएगा। जी हां, बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश तो कर रही है एलिस पैरी, लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। सिडनी सिक्सर का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 33 रन एक विकेट के नुकसान पर। चलिए देखते हैं जैमा बार्स भी की अगली गेंद पर क्या होता है सूजी बेट्स को। जैमा बार्स भी की अगली गेंद, इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में है, जी हाँ जा रही है, नीचे फील्डर मौजूद है, लेकिन फील्डर से थोड़ा सा पहले गेंद गिर जाएगी। यहां पर अब दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश हो रही है, देखना होगा यहां पर या तो रन गति बढ़ेगी या फिर विकेट्स आपको जाते हुए दिखाई देंगे। अब देखते हैं यहां से क्या होता है। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। बार्स भी की अगली गेंद, बार्स भी अगली गेंद यहां पर डालेंगे, इस बार गेंद हल्का सा टर्न होते हुए गेंद को यहां पर पोल कर दिया है स्क्वेयर लेग की दिशा में जाते हुए, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन यहां से भी मिल जाएगा। इस एक रन के साथ ही सिडनी सिक्सर का स्कोर है 35 रन एक विकेट के नुकसान पर 7.5
चार ओवर की समाप्ति के बाद। जी हाँ, करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 4.57 का अभी चल रहा है। कोशिश करेंगे इसको कम से कम 6, 6.5, 7 रन प्रति ओवर तक लेके जाए यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज। चलिए एक बार फिर से कदमों का किया इस्तेमाल, यहाँ पर सीधा गेंदबाज की दिशा में खेलते हुए गेंदबाज ने यहाँ पर डाइव लगाते हुए गेंद को किया फील्ड, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर दिखते हुए जैमा बार्सबी की तरफ से। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 35 रन एक विकेट के नुकसान पर। 7.5 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर की आखिरी गेंद पर देखते हैं क्या यहाँ पर होता है, किस प्रकार का शॉट यहाँ पर खेलेंगी सूजी बेट्स। स्वीप लगा दिया है इस गेंद को, जी हाँ, बेहतरीन तरीके से, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, स्क्वेयर लेग की दिशा में एक सिंगल यहां से भी मिल जाएगा। तो चलिए इस ओवर के अंदर आए हैं 5 रन, जेमी बार्सबी का ओवर समाप्त होते हुए सिडनी सिक्सर का स्कोर है 36 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो हाँ, सभी लोग यार सवाल भेजते रहिएगा, सभी लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मुकाबला काफी बेहतरीन होने की उम्मीद है। वैसे भी वुमेन बिग बैश की लीग है, आप सभी को पता है काफी अनप्रिडिक्टेड गेम होते हैं, जो टीम लगती है कि जीत जाएगी अंत में आते आते वो टीम कई बार हार भी जाती है, तो काफी अनप्रिडिक्टेड गेम होते हैं। तो कोशिश करेंगे इसी अनप्रिडिक्टेबल जो गेम होते हैं उसी का फायदा उठाया जाए, यहां से भाई प्रॉफिट कमाया जाए, एंट्री कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल सही टाइम पर आपको दी जाए, तो उसके लिए भाई जुड़े रहिएगा हमारे साथ। टीम का स्कोर है 36 रन एक विकेट के नुकसान पर, 8 ओवर हो चुके हैं समाप्त। अब अमेंडा जेड वेलिंगटन आई है गेंदबाजी करने के लिए, इससे पहले भी एक ओवर डाला था, 7 रन दिए थे। हालांकि एक ओवर में 7 रन देना काफी कम होता है, लेकिन जिस प्रकार की यहां पर पारी चल रही है एक ओवर में 7 रन में महंगा ओवर कहना चाहूंगा अमेंडा जेड वेलिंगटन का। चलिए इसी के साथ यहाँ पर सूजी बेट्स यहाँ पर सामना करेंगी पहली गेंद का, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को यहाँ पर उठा दिया है सीधा, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई, चौका होगा छक्का होगा देखना होगा, जी हाँ 6 रन आते हुए। चलिए सूजी बेट्स ने यहाँ पर अब भाई डिसाइड कर लिया है, निश्चय कर लिया कि बड़े शॉट अब उनको खेलने ही खेलने हैं, क्योंकि 31 गेंदें खेल चुकी हैं सूजी बेट्स, और 31 गेंदें खेलने के बाद निगाहें गेंद पर पूरी तरह से जम चुकी है। चलिए छक्का आता हुआ, इस मैच का पहला छक्का आता हुआ सूजी बेट्स के बल्ले से, सिडनी सिक्सर का स्कोर थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हुए 42 एक विकेट के नुकसान पर, 8.1 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए इसी के साथ यहां पर अमेंडा जेड वेलिंगटन की अगली गेंद, इस बार गेंद को स्वीप कर दिया है, गेंद जा रही है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चलिए एक और चौका यहां पर आते हुए, ऐसा लग रहा है कि शायद इसी ओवर में यही ओवर है जहां से यह मैच बदल जाएगा, पलट जाएगा। अब तक जो रन रेट हमें दिख रहा था 4 के लगभग आता हुआ, 4 रन प्रति ओवर, वो उसने 6 की तरफ भाई निशाना बांध लिया है, 6 की तरफ यहां पर बढ़ते हुए शायद इस ओवर में देखते हैं एक और बड़ा शॉट यहां पर आ सकता है। कोशिश करेंगे यहां पर सूजी बेट्स, अब 33 रन पर पहुंच गई है 32 गेंदों का सामना करते हुए। अमेंडा जेड वेलिंगटन यहां पर थोड़ा सा फील्ड सेट करते हुए एक फील्डर को यहां पर एक्स्ट्रा भेजा है लोंगोन की तरफ, कवर्स को थोड़ा सा यहां पर आगे बुलाया है बल्लेबाज की तरफ, तो शायद यहां से कोशिश करेंगी एक बार फिर से स्वीप शॉट लगवाने की। चलिए इसी के साथ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है यहां पर, डाइव लगाकर गेंद को किया फील्ड, लेकिन तब तक मौका था सूजी बेट्स के पास, एक सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस दे दी है एलिस पेरी को। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 47 रन एक विकेट के नुकसान पर, 8.3 ओवर की समाप्ति के बाद। देखते हैं एलिस पेरी भी क्या बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास करेंगी या फिर एक छोर संभाल के अब एलिस पेरी खेलेंगी और सूजी बेट्स यहां पर बड़े शॉट्स लगाएंगी। चलिए ये गेंद यहां पर अमेंडा जेड वेलिंगटन की एलिस पेरी को, इस गेंद को यहां पर फुल टॉस गेंद थी, उठा दिया है कदमों का इस्तेमाल करते हुए, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। लीजिए एलिस पेरी के बल्ले से भी एक चौका, देख लीजिएगा इस ओवर में बड़े शॉट्स की झड़ी लग चुकी है। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 51 रन एक विकेट के नुकसान पर, 8.4 ओवर की समाप्ति के बाद। बात की जाए रनों की, 15 रन इस ओवर में आ चुके हैं, 15 रन अकेले 4 गेंदों में आ चुके हैं। इससे पहले 15 रन आए थे, 3-4 ओवर लगे थे 15 रन आने में, इससे पहले 4 ओवर लगे थे 15 रन आने में, और यहां पर 4 गेंदों में 15 रन आ चुके हैं। चलिए अमेंडा जेड वेलिंगटन की अगली गेंद, इसी के साथ एलिस पेरी ने इस गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिखाई थी, गेंद गई है पॉइंट के फील्डर के पास, कोई रन लेने का यहां पर मौका नहीं। जी हां, इस गेंद पर यहां पर ये डॉट गेंद आएगी, अमेंडा जेड वेलिंगटन यहां पर अगली गेंद, ये अपने इस ओवर की आखिरी गेंद यहां पर डालेगी। जी हाँ, इस गेंद को भी यहाँ पर दिशा दिखाई थी, खेलना चाहती थी यहाँ पर एलिस पेरी, बैकफुट पर जाकर थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन गेंद गई सीधा पॉइंट के फील्डर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। तो आखिरी दो गेंदों में अमेंडा जेड वेलिंगटन ने बेहतरीन वापसी की है, लेकिन जो चाहिए था सिडनी सिक्सर को, जो चाहिए था एक बूस्ट चाहिए था, एक ओवर जो चाहिए था बड़े रन वाला जहां से मोमेंटम मिल सके, शायद वो ओवर आ चुका है सिडनी सिक्सर के पास। सिडनी सिक्सर के 50 रन भी पूरे हो चुके हैं, यहां पर 51 रन है स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद। तो अब यहां से उम्मीदें बढ़ती हुई कि आखिरी के 11 ओवर में अगर इसी प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करती हैं तो भाई ये स्कोर 140 के पार भी जा सकता है, ये स्कोर 145 के पार भी जा सकता है, और आश्चर्य नहीं होगा अगर यहां से 150 रन टच कर जाए सिडनी सिक्सर की टीम। अगर 150 रन यहां से बन जाते हैं तो इस मैच को जीतना एडिलेड स्ट्राइकर के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। जी हां, चेज 150 रन इस मैदान के ऊपर 150 रन चेज करना आसान नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं मुकाबला किस प्रकार से आगे चलता है। सवाल आपके भाई कुछ ले लेते हैं,
डेस्पेसिटो मिलान ने लिखा विकेट, गोविंद शुक्ला आप ही करो कमेंट्री, वो गोविंद भाई, इसको भाई गोविंद भाई को एक बार जरा भाई निकालो जरा। सोनू तिवारी ने लिखा है ब्रिस्टी आकर हेलो, गुणराज भाई ने लिखा है, गुणराज भाई ने लिखा त्यागी भाई नीड जैकपॉट एंट्री फ्रॉम यू, गुणराज भाई बिल्कुल भाई, गुणराज भाई आप जुड़ चुके हैं, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जैकपॉट एंट्री ना है तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता और उम्मीद करेंगे देखिए जैकपॉट एंट्री ही आपको यहां से दी जाए, तभी वेट कर रहे हैं। अगर जैकपॉट एंट्री नहीं देनी होती तो अब तक हम यहां से आपको भाई मैच के अंदर एंट्री दे चुके होते, मैच के अंदर एंट्री आपको दे चुके होते अब तक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जैकपॉट एंट्री का यहां पर इंतजार है। तो चलिए देखते हैं, रोमन हुसैन भाई ने लिखा विकेट नीड, इंदर सिंह दहिया ने लिखा है कौन करेगा 10th ओवर, भाई इंदर सिंह भाई 10th ओवर शुरू हो चुका है, एक बार आपके बस सवाल ले ले जाए उसके बाद सीधा चलते हैं मैच की तरफ। सुनील सिंह चौहान भाई कैसे हो भाई, बहुत बढ़िया। चंदन कुमार हेलो भैया जी, चंदन भाई हेलो। मुन्ना कुमार सूजी को आउट करवाओ भाई, मुन्ना कुमार भाई क्यों भाई क्यों लंका लगाने पे लगे हो, इस टीम की थोड़े बहुत रन बना रही है, मजा आएगा मैच में, 140-150 रन बन जाने दीजिएगा मुन्ना कुमार भाई। बृष्टि अख्तर ने लिखा एक, प्रभात सुमन ने लिखा वाह क्या बात है, इंदर सिंह डॉट इन कितने ओवर करेगी। एसपी ग्लोबल सर्विस ने लिखा मैं बांग्लादेश हो भाई, क्रिक गुरु ने भाई 29 रुपये सुपर चैट किया है, तो क्रिक गुरु भाई हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सभी लोग जुड़े रहिएगा सपोर्ट करते रहिएगा। तो भाई क्रिक गुरु भाई जुड़े रहिएगा, उम्मीद करते हैं मुकाबले में बेहतरीन एंट्री मिलेगी। कुंदन कुमार भाई ने लिखा 160+ डेस्पेसिटो मिलान, सूजी की कैच ड्रॉप कर दिया, अब मारेगी ना डेस्पेसिटो मिलान भाई, बिल्कुल मारेगी भाई, बिल्कुल मारेगी। सूजी बेट्स की शक्ल देखकर आप बता सकते हैं अभी जिस प्रकार के उनके हालात हैं, जिस प्रकार का उनका बॉडी लैंग्वेज है, आप बता सकते हैं यहां से तगड़ा पेलेगी। अगर आउट नहीं किया ना एडिलेड स्ट्राइकर के गेंदबाजों ने यहां से सूजी बेट्स को, तो शायद आज सूजी बेट्स के बल्ले से आप 70-75 रन से कम क्या ही देखेंगे। चलिए इस ओवर में भी चौका आ चुका है, 5 गेंदें हो चुकी हैं, जेमा बार्स भी की यहां पर इस ओवर की अगली गेंद सूजी बेट्स के लिए डालेंगी, देखते हैं किस प्रकार सामना करती है यहां पर सूजी बेट्स। जी हां, ये गेंद इस बार यहां पर बढ़िया तरीके से गेंदबाज की दिशा में गेंद को खेलते हुए गेंद जा रही है, यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ पीछे फील्डर मौजूद है, आखिरी गेंद पर एक सिंगल मिल जाएगा। इस ओवर की अगर बात की जाए तो इस ओवर में आ गए हैं 9 रन, पिछले ओवर में आए थे 15 रन, इस ओवर में आ गए हैं 9 रन, तो धीरे धीरे यहां पर आगे पारी बढ़ती हुई। करंट रन रेट अब आ चुका है 6 रन प्रति ओवर का, सिडनी सिक्सर्स का स्कोर है 60 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। तो देखिए करंट रन रेट भाई 6 रन प्रति ओवर का यहां से आ चुका है, कोशिश करेंगे कि अगले 2 से 3 ओवर में यहां पर ये इसको 7-7.5 तक अगर पहुंचा दे तो काफी बढ़िया रहेगा। ड्रिंक्स ब्रेक यहां पर हो चुका है, जब तक ड्रिंक्स ब्रेक होता है भाई तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि डेल्टिन 7 पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लाइव चैट के अंदर आपको मैसेज के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइएगा रजिस्टर कीजिएगा, डिपॉजिट अपना कीजिएगा, इस मैच में खेलिएगा, जहां मर्जी आप खेलिएगा, पहली बैट अगर आप हार जाते हैं तो आपको पहली बैट का पूरा पैसा रिफंड मिलेगा, अगर आप जीत जाते हैं तो वो पैसा आपका है, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो पहली बैट का पूरा पैसा आपको रिफंड मिलेगा। तो अभी के अभी जाइएगा डेल्टिन 7 पर और देखिएगा, और खासकर अगर आप लाइव मुकाबला देखना चाहते हैं, लाइव क्रिकेट मुकाबला देखना चाहते हैं, तो डेल्टिन 7 पर सभी क्रिकेट के मुकाबले आप लाइव देख सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए, तो देखिएगा लाइव मुकाबले और साथ के साथ बैट कीजिएगा क्योंकि पहली बैट बिल्कुल फ्री है, पहली बैट आपकी डेल्टिन 7 के ऊपर है। तो चलिए यहां से लेंगे आपके कुछ सवाल, ड्रिंक्स ब्रेक यहां पर हो चुका है। चंदन कुमार भाई ने लिखा है डोटिन जान गई तो मजा आ जाएगा, बृष्टि अख्तर माई टीम सिडनी, मुन्ना कुमार भाई सूजी को आउट करवाओ, मुन्ना कुमार भाई अभी मुश्किल है, थोड़ा सा अभी मुश्किल है, हाफ सेंचुरी तक तो देखिए आउट होगी नहीं सूजी, हाँ हाफ सेंचुरी के बाद पूरा यहां से चांस बनेगा कि सूजी बेट्स आपको आउट होते हुए दिख जाए। संजय कुमार 15 ओवर में कितना रन बनेगा, संजय कुमार भाई जिस प्रकार की अभी पारी चल रही है कम से कम 15 ओवर में 100 रन के पार जाइएगा, 100 रन के कम से कम पार जाइएगा, एक बार आप सेशन बता दीजिएगा कितना आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 100 रन के पार जाएगी यहां पर 15 ओवर में ये पारी। नवीन कुमार भाई ने लिखा भाई एंट्री ले क्या, नवीन कुमार भाई अभी रुक जाइएगा, अभी रुक जाइएगा, थोड़ा सा एंट्री आपको दे दी जाएगी, बिल्कुल यहीं पर दी जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। रंजीत रोमन भाई ने लिखा 128+ रंजीत फ्रेशर भाई एंट्री कब दोगे, रंजीत भाई बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा सर। नवीन कुमार ने लिखा बोले सर, मनोज कुमार हाय सर कैसे हैं, मनोज भाई बहुत बढ़िया हूं आप बताइएगा। रोमन हुसैन विकेट नीड, डीके इन्फॉर्मर ने लिखा मैंने एडिलेड पर 10,000 लगाए हैं, हार जाऊंगा क्या, नहीं भाई नहीं हारेंगे, एडिलेड पर भरोसा रखिएगा, एडिलेड की टीम बड़ी बेहतरीन टीम है वुमेन्स क्रिकेट की, जहां पर बात आती है आप ये कहिएगा यहां से अगर 150 रन भी बना लेती है ना सिडनी सिक्सर्स की टीम, तो तब भी चांस रहेगा कि एडिलेड की टीम उस स्कोर को चेज कर लेगी। सोहन नूर ने लिखा है हु इज विन सुमन राजपूत नेक्स्ट ओवर में, सूजी बेट्स आउट होगी गारंटेड, सोमत ने लिखा नेक्स्ट ओवर में आउट होगी, सुमत भाई बिल्कुल देखते हैं यहां से। चलिए डियोंड्रा डॉटिन आ चुकी है गेंदबाजी करने के लिए, काफी बेहतरीन गेंदबाज है, तो याद किया है यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर ने इस गेंदबाज को, देखते हैं क्या ये यहां से विकेट लेगी, क्या इस पार्टनरशिप को तोड़ पाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप हो चुकी है 47 रन की 37 गेंदों के अंदर, तो
अब खतरे की घंटी यहाँ पर बजते हुए एडिलेड स्ट्राइकर के लिए। देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर फील्ड सेट करते हैं और कैसा यहाँ पर रहता है गेंदबाजी डिएंड्रा डॉटिन का। चलिए डॉटिन यहाँ पर एलिस पेरी को डालेगी ये गेंद, देखते हैं एलिस पेरी किस प्रकार से करती है सामना, क्या बड़े शॉट्स लगाएंगी डॉटिन पर भी। ये गेंद यहाँ पर छोटी गेंद थी, इस गेंद को यहाँ पर कट कर दिया है, गेंद जा रही है मिड ऑफ की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक रन यहाँ से मिल जाएगा। दौड़कर स्ट्राइक अब आ गई है सूजी बेट्स के पास, 42 रन पर खेल रही है सूजी बेट्स। देखना होगा क्या इस ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की अभी पिछले दो ओवर से पारी खेल रही है लग तो रहा है कि यहाँ से एक आधा चौका लगना चाहिए। और हालांकि बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में जब भी कोई बल्लेबाज बड़े शॉट्स लगाने जाता है वहां पर चांसेस रहते हैं आउट होने के हमेशा, तो वो भी यहां पर पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए इसी के साथ डॉटिन की अगली गेंद, इस गेंद पर छोटी गेंद पर पोल करने का प्रयास, गेंद ले लिया बल्ले का ऊपरी किनारा, लेकिन फील्डर से थोड़ा सा दूर गेंद गिरते हुए, जी हां गेंद गई थी फाइन लेग की दिशा में और तेजी से दो रन लेने का प्रयास और यहां पर रन आउट भी बचते हुए। एक बल्लेबाज एक गेंद पर दो बार आउट होने से कैसे बच सकता है, अगर आपको देखना है तो आप सूजी बेट्स को देखिए इस गेंद को खेलते हुए। पहले यहां पर गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, फील्डर से बिल्कुल थोड़ा सा पास गिरी, उसके बाद यहां पर बाल बाल बचते हुए रन आउट के तौर पर यहां पर पूरा मौका था एडिलेड स्ट्राइकर के फील्डर्स के पास, लेकिन मौका गवा दिया एक बार फिर से। चलिए डॉटिन यहां पर अगली गेंद डालेंगी, सामना करेंगी सूजी बेट्स से, सिडनी सिक्सर का स्कोर है 64 रन एक विकेट के नुकसान पर। देखते हैं अगली गेंद का सामना किस प्रकार से करती है सूजी बेट्स, ऐसा लग रहा है कि भाई अब यहां पर पूरी तरह से तैयार है। चलिए यह गेंद यहां पर थोड़ा सा फुलर लेंथ की, यह गेंद तेज गेंद पर करारा प्रहार करते हुए सूजी बेट्स, गेंद को निकाला है लॉन्गोन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए कोई मौका नहीं फील्डर के पास। फील्डर हालांकि मौजूद थे ऑन की तरफ, लेकिन काफी फाइन शॉट ये खेलते हुए सूजी बेट्स के बल्ले से आता हुआ ये दमदार बेहतरीन चौका। तो चलिए इस 4 रन के साथ ही सिडनी सिक्सर का स्कोर है 68 रन, सूजी बेट्स पहुंच गई है 48 रन पर। तो देखते हैं भाई मुकाबला किस प्रकार से यहां पर चलता है। डॉटिन के यहां पर अगली गेंद सूजी बेट्स को डालेंगे, देखना होगा क्या यहां पर भी बड़ा शॉट लगाने का करेंगी प्रयास। ये गेंद, जी हां बढ़िया गेंद थी इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन अंपायर ने बाजुए खोली, वाइड गेंद का इशारा यहां से अंपायर के द्वारा। चलिए एक अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ, दबाव साफ तौर पर दिखता हुआ एडिलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर्स के ऊपर। पिछले 3 ओवर्स के अंदर जिस प्रकार की पारी खेली है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, चाहे वो एलिस पेरी हो चाहे वो सूजी बेट्स हो, दबाव पूरी तरह से अब एडिलेड स्ट्राइकर के बॉलर्स के ऊपर आ चुका है। चलिए डॉटिन यहां पर अपनी अगली गेंद डालेंगे, सामने होंगी सूजी बेट्स, खड़ी हुई है थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर बड़ा शॉट लगाने के लिए तैयार है। ये गेंद निकल गई, बल्ले निकालिया वो बाहरी किनारा लेकर गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में। जी हां बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई थी थर्ड मैन की दिशा में, कोई स्लिप मौजूद नहीं थी लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन यहां से मिल जाएगा। चलिए एलिस पेरी के पास आ गई है स्ट्राइक, सूजी बेट्स पहुंच गई है 49 रन पर, गेंदें खेली है 41, टीम का स्कोर है 70 रन एक विकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आखिरी गेंद खेलती है एलिस पेरी, क्या एलिस पेरी भी बड़ा शॉट लगाएंगी डॉटिन के ऊपर, उम्मीद तो है यहां से, क्योंकि 11 ओवर होने वाले। चलिए लेकिन इस बार एलिस पेरी ने समझदारी के साथ गेंद को पूरा बल्ले का फेस खेलते हुए गेंद को टकराने दिया बिल्कुल बल्ले के बीच में, रन लेने का यहां पर कोई मौका नहीं। तो चलिए डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ, बात की जाए इस ओवर में रनों की तो इस ओवर में आए हैं 10 रन, जी हाँ 10 रन इस ओवर में आए हैं। तो चलिए काफ़ी पिछले तीन चार ओवर काफ़ी बेहतरीन जाते हुए यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स से लिए, और सबसे बड़ी बात है विकेट नहीं गंवाई है, अब तक सिर्फ एक विकेट है। तो यहाँ से सिडनी सिक्सर्स के पास मौका रहेगा चार्ज करने का, पूरी तरह से वो तैयार हैं, सभी बल्लेबाज आकर यहाँ पर अपने बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 9 ओवर का खेल बचा हुआ है और 9 विकेट हाथ में है सिडनी सिक्सर्स के। तो दबाव पूरी तरह से मेरे ख्याल से आखिरी के कुछ ओवर्स में आप देखेंगे, एडिलेड स्ट्राइकर के बॉलरों की भाई काफ़ी पिटाई होने वाली है यहाँ पर। चलिए ताहिला मैग्राथ को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है, देखना होगा इनके ऊपर भी क्या बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करते हैं। सूजी बेट्स को ये गेंद थी थोड़ा सा स्लोअर गेंद थी, सूजी बेट्स ने इस गेंद को हल्के हाथों से गेंदबाज की दिशा में खेला, कोई रन लेने का मौका नहीं। चलिए एक सिंगल यहां पर लेने की कोशिश जरूर की थी लेकिन पूरी तरह से यहां पर नाकामयाब। चलिए ताहिला मैग्राथ यहाँ पर अपनी अगली गेंद डालते हुए सूजी बेट्स करेंगे सामना, इस बार यहाँ पर थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ शफल करते हुए गेंद को हवा में खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, पकड़ लिया है, जी नहीं मिसफील्ड होते हुए लॉन्गोन के फील्डर के द्वारा बिल्कुल गेंद हाथ में थी, यहाँ पर मिसफील्ड का चौका मिलते हुए। चलिए यहाँ पर 4 रन पूरे होते हुए, जी हाँ 4 रन मिलते हुए, इन 4 रनों के साथ सूजी बेट्स का अर्धशतक पूरा हो चुका है। एलिस पेरी ने जाकर बधाई दी है गले मिलकर सूजी बेट्स को, और काफ़ी खुश लग रही हैं सूजी बेट्स, हो भी क्यों ना, जी हाँ मुश्किल स्थिति में आई थी यहाँ पर एक समय, 4 रन प्रति ओवर का रन रेट चल रहा था सिडनी सिक्सर्स की टीम का, लग रहा था कि क्या 100 रन भी ये टीम बना पाएगी, लेकिन अब यहाँ से 150 यहाँ से साफ नज़र आ रहा है अगर इसी प्रकार से सूजी बेट्स बल्लेबाजी करती रही तो। चलिए ताहिला मैग्राथ की यहाँ पर अगली गेंद, इस गेंद को एक बार फिर से गेंदबाज की दिशा में खेलते हुए कदम
कदमों का इस्तेमाल अब हर गेंद पर कर रही है सूजी बेट्स। जी हाँ, हर गेंद पर कदमों का इस्तेमाल कर रही हैं, बैक फुट पर जा रही हैं, फ्रंट फुट पर आ रही हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से कदम ताल करते हुए शॉट लगा रही हैं सूजी बेट्स। चलिए, ताहिला मैकग्रा यहाँ पर अपनी अगली गेंद डालेंगे, सामना करेंगे सूजी बेट्स, थोड़ा संभल कर खेलेंगे या फिर बड़ा शॉट आएगा इस गेंद पर भी। चलिए, एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था हाई बैक लिफ्ट से ये शॉट लगाते हुए, लेकिन इस बार गेंद बढ़िया तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई बल्ले पर, तो सीधा गई है लॉन्गोन के फील्डर के पास, एक रन यहां से मिल जाएगा। तो चलिए, काफी देर के बाद अब स्ट्राइक आएगी एलिस पेरी के पास। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 75 रन, एक विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की समाप्ति के बाद। करंट रन रेट की अगर बात करें तो 6.43 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन बना रही है ये टीम। चलिए, ताहिला मैकग्रा यहाँ पर गेंद डालेंगी, दौड़ते हुए सामने होंगी एलिस पेरी। ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन आखिरी समय पर अपने शॉट को चेक किया। जी हाँ, हल्के हाथों से यहाँ पर खेलते हुए, जी हाँ, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा, कोई रन लेने की संभावना नहीं इस गेंद के ऊपर। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 75 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अगर मैं डेल्टिन 7 के ऊपर चेक करूँ तो यहाँ से भाई सिडनी सिक्सर फेवरेट है, सिडनी सिक्सर फेवरेट है 54.55 पैसे। तो थोड़ा सा इंतजार और करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इंतजार करेंगे यहाँ पर। चलिए, इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर, इस बार गेंद को उठा दिया एलिस पेरी ने। जी हाँ, खेलना चाहती थी लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन गेंद ने बल्ले का लिया बाहरी किनारा, जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में निकल जाएगी। कोई फील्डर मौजूद नहीं, कोई मौका नहीं 4 रन यहां पर मिलते हुए। 4 रनों के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई। इस ओवर में भी ताहिला मैकग्रा के 2 चौके आ चुके हैं। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 79 रन, एक विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद। सिडनी सिक्सर फेवरेट है भाई 48 पैसे 49 पैसे। तो चलिए, देखते हैं मुकाबला आगे किस प्रकार से यहां पर चलने वाला है। एंट्री आपको बहुत जल्द यहां से दी जाएगी, एंट्री आपको बहुत जल्द यहां से दी जाएगी। हालांकि अभी भी जो स्कोर है 47.48 पैसे है, रेट डेल्टिन 7 के ऊपर मैं चेक कर रहा हूं सिडनी सिक्सर्स का। तो अपनी 50% लिमिट आप यूज़ यहां से कर लीजिएगा, खाइएगा यहां से सिडनी सिक्सर्स को, आप यहां से खाइएगा एडिलेड स्ट्राइकर को, यहां से विन कीजिएगा इस मुकाबले में। चलिए, 12 ओवर हो चुके हैं, 12 ओवर के बाद सिडनी सिक्सर का स्कोर है 79 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बात अगर की जाए यहां पर स्कोरिंग एरियाज़ की इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं लेग साइड पर, लेग साइड पर आए हैं 40% रन, लॉन्गोन की तरफ आए 14% रन। तो चलिए, यहां से देखते हैं अमेंडा जेड वेलिंगटन एक बार फिर से आ गई है गेंदबाजी करने के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरी समय पर गेंद को दिशा दिखाई थर्ड मैन की तरफ, कोई रन लेने का यहां पर मौका नहीं। सूजी बेट्स ऐसा लग रहा है कि अब गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रही है, गेंदबाज भी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा कदमों की मूवमेंट कर रही है सूजी बेट्स क्रीज के ऊपर, तो काफी ज्यादा हैरान परेशान है यहां पर गेंदबाज। अमेंडा जेड वेलिंगटन के पहले 2 ओवर काफी महंगे साबित हो चुके हैं, देखते हैं इस बार यहां पर क्या होता है। चलिए, ये गेंद यहाँ पर, इस गेंद पर यहाँ पर पुल शॉट लगाते हुए गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन यहाँ से मिल जाएगा। स्ट्राइक अब आ गई है एलिस पेरी के पास। जी हाँ, देखते हैं एलिस पेरी किस प्रकार से सामना करती है स्पिन गेंदबाजों का। सामना करने में एलिस पेरी को महारत हासिल है, काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पिन गेंदबाजी को खेलती हैं। तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है अमेंडा जेड वेलिंगटन का एलिस पेरी के सामने। चलिए, एलिस पेरी को ये गेंद, इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद काफ़ी ऊपर और उतनी ही दूर भी यहाँ पर प्राप्त करेगी, ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी मिलेगी। काफ़ी तगड़ा शॉट, काफी करारा प्रहार यहां पर 6 रन आते हुए एलिस पेरी के बल्ले से। अमेंडा जेड वेलिंगटन 3रा ओवर करने आई है, लेकिन देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे पहले 2 ओवर पीटे हैं, ऐसे ये 3रा ओवर भी ऐसा लग रहा है कि बड़ा ओवर होने वाला है। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 86 रन, एक विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की समाप्ति के बाद। अगली गेंद करने के लिए तैयार होती हुई अमेंडा जेड वेलिंगटन, सामने होंगी एलिस पेरी। जी हाँ, इस बार गेंदबाज की दिशा में हल्के हाथों से खेलते हुए तेजी से दौड़कर एक रन यहां से पूरा कर लिया। ओवर थ्रो भी यहां पर हो चुका है। जी हाँ, ओवर थ्रो का भी एक रन यहां पर ले लिया तेजी से दौड़कर। तो चलिए, यहां पर 2 रन मिलते हुए ऐसा लग रहा है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स के फील्डर्स और बॉलर्स के हाथ पैर फूल चुके हैं। जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है एलिस पेरी और सूजी बेट्स ने यहां पर, काफी कमाल की बल्लेबाजी। जी हाँ, एक समय लग रहा था जिस समय 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से ये टीम रन बना रही थी, उस समय लगा था कि यहां से शायद कोलैप्स ना हो जाए, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को संभाला, मुश्किल स्थिति से टीम को बाहर निकाल चुकी हैं ये दोनों बल्लेबाज। चलिए, एक बार फिर से यहां पर अमेंडा जेड वेलिंगटन, इस बार ये गेंद सूजी बेट्स के लिए। यहां पर आसानी के साथ गेंद को खेला लॉन्गोन की तरफ, फील्डर ने दूर से दौड़कर गेंद को किया फील्ड, एक रन यहां से मिल जाएगा, एक रन यहां से मिल जाएगा। टीम का स्कोर है 89 रन, एक विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए, देखते हैं आखिरी गेंद यहां पर खेलेंगी सूजी बेट्स खेलेंगी आखिरी गेंद अमेंडा जेड वेलिंगटन की। इस बार एक बार फिर से यहां पर कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़कर गेंद को हवा में यहां पर खेला है, फील्डर नीचे मौजूद है, लेकिन कैच छूट जाएगी। जी हां, यहां पर कैच छोड़ते हुए सूजी बेट्स का एक और काफी मुश्किल कैच था। गेंद काफी ऊपर थी हवा में, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद थी, जंप किया, जंप कर यहां पर कैच लेने की कोशिश। प्रयास के लिए 100 में से 100 नंबर देने होंगे, लेकिन शॉट इतना बेहतरीन था, शॉट के अंदर इतनी ताकत थी
थी कि कहां रुकने वाला था ये शॉट बाउंड्री लाइन से पहले। तो चलिए सूजी बेट्स के बल्ले से एक और छक्का यहां पर आते हुए ओवर की होती हुई समाप्ति। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 95 रन एक विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद। करंट रन रेट देखिएगा 7.31 रन प्रति ओवर के हिसाब से और सिडनी सिक्सर आ चुकी है 32 पैसे 33 पैसे यहां पर फेवरेट है, 30 पैसे फेवरेट आ चुकी है यहां से सिडनी सिक्सर। तो भाई जिस भाई ने एंट्री लिया बहुत बढ़िया है, जिसने नहीं लिया यहां से एंट्री ले लीजिएगा, यहां से एंट्री ले लीजिएगा सिडनी सिक्सर को, यहां से खाना चालू कर दीजिएगा, विन कीजिएगा यहां से एडिलेड की टीम को, एडिलेड स्ट्राइकर को यहां से विन कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मुकाबला आगे किस प्रकार से यहां पर चलता है। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 95 रन एक विकेट के नुकसान पर, अभी भी 7 ओवर्स का खेल बचा हुआ है, 7 ओवर्स इसका मतलब 42 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। जी हाँ, 42 गेंदों पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी चल रही है इन दोनों के द्वारा, तो भाई 42 गेंदों पर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। 80 रन भी आ सकते हैं, 75 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, और यहाँ से अगर 100-150 के ऊपर चाहे कितना भी स्कोर बनाए सिडनी सिक्सर की टीम, 150 के ऊपर कितना भी स्कोर यहाँ से बनाए आसान नहीं रहने वाला है एडिलेड की टीम के लिए, आसान नहीं है। हालांकि टीम एडिलेड की भी काफ़ी बढ़िया है, मुकाबले में मज़ा आने वाला है। एक बात तय हो चुकी है, जिस प्रकार की बल्लेबाजी सूजी बेट्स और एलिस पेरी ने की है मुकाबला काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, मुकाबले में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सभी लोग जुड़ते रहिएगा। बैट भाई ने लिखा है पिच पे स्पिन को मारेगा पैस बॉलिंग पिच, विजय भाई ने लिखा 160, संजय कुमार ने लिखा है मोम, प्राइवेट भाई ने लिखा है रेट नीचे जा रहा है। प्राइवेट भाई रेट नीचे जा रहा है तो भाई बढ़िया बात है, तभी तो खाने का मौका मिलेगा, रेट को नीचे जाने दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से नया ओवर शुरू होते हुए, इस बार क्या बेहतरीन शॉट यहां पर खेला है, सीधे बल्ले से ये शॉट लगाते हुए भाई देखकर शॉट मजा आ गया यहां पर। एलिस पेरी के बल्ले से गेंद को बिल्कुल शीशा दिखाते हुए, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, इससे सीधा कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही बेहद सीधा सीधा गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए जाते हुए। हालांकि फील्डर लॉन्ग ऑन पर भी मौजूद था, लॉन्ग ऑफ पर भी मौजूद था, लेकिन कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 99 रन एक विकेट के नुकसान पर। डार्सी ब्राउन आई है गेंदबाजी करने के लिए। चलिए एक बार फिर से, इस बार डार्सी ब्राउन ने इस गेंद को बढ़िया तरीके से यॉर्कर लेंथ पर डाला था, यॉर्कर ये गेंद थी, यहां पर एलिस पेरी के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को निकालने का, खेलने का, अपने से दूर किया सिर्फ, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। डार्सी ब्राउन ने यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी की आज, अब तक 2.2 ओवर किए हैं, 9 रन दिए हैं, सिर्फ एक विकेट हासिल किया है, लेकिन देखना होगा। पहले 2 ओवर इन्होंने जब किए थे, जब टीम का जो रन रेट है वो 4 रन प्रति ओवर के दर से चल रहा था। चलिए इसी के साथ यहां पर एक बार फिर से यहां पर गेंद सीधा जाकर पैड पर टकराते हुए अपील होती हुई गेंदबाज के द्वारा, विकेट कीपर के द्वारा, क्या अंपायर की उंगली उठेगी? जी नहीं, यहां पर अंपायर ने यहां पर मना कर दिया, अंपायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस अपील के ऊपर, और शायद यहां पर दौड़कर 1 रन भी पूरा कर लिया है, 1 रन यहां पर दौड़ा जरूर था, लेकिन देखते हैं पूरा कर पाई है या नहीं कर पाई है, लेकिन काफी तगड़ी अपील की थी यहां पर। जी हां, अपील के अंदर यहां पर ऐसा लगा उत्साह ज्यादा था, विश्वास की कमी थी, लेकिन अंपायर ने यहां पर नकार दिया। चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहां पर आते हुए, छोटी गेंद, 30 गेंद को यहां पर पुल कर दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है, स्क्वेयर लेग का फील्डर ने गेंद को किया फील्ड, थोड़ी सी मिसफील्ड होते हुए, जी हाँ मिसफील्ड एक बार फिर से होते हुए, जिसके चलते जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन मिल जाएंगे। सिडनी सिक्सर के 100 रन पूरे होते हुए, भाई सिडनी सिक्सर की सेंचुरी पूरी होती हुई, 101 रन हो चुका है स्कोर टीम का एक विकेट के नुकसान पर। दर्शक दीर्घा में कुछ लोग तालियां बजाते हुए टीम के लिए, और भाई बजानी भी चाहिए, जहां से उठकर ये टीम आई है इस मुकाबले में काबिले तारीफ है। अब ऐसा लग रहा है कि ये टीम यहां से कितने भी रन बना सकती है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, 150 से ऊपर, 160 170 कुछ भी यहां से हो सकता है इस मुकाबले के अंदर। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर बढ़िया गेंद, छोटी गेंद यहाँ पर डार्सी ब्राउन की। डार्सी ब्राउन की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो इस ओवर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बढ़िया तरीके से गुड लेंथ पर यहाँ पर गेंदबाजी की है, गुड लेंथ को पकड़ के रखा है, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, ना ही ज़्यादा छोटी गेंदबाजी कर रही है, तो थोड़ा सा परेशानी जरूर हुई है एलिस पेरी और सूजी बेट्स दोनों को, थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई है यहाँ पर डार्सी ब्राउन की गेंदों को खेलने में। चलिए डार्सी ब्राउन के यहाँ पर इसी के साथ अगली गेंद एलिस पेरी को, ये गेंद एक बार फिर से छोटी गेंद, स्लोअर गेंद, गेंद को यहाँ पर दिशा दिखाई है स्क्वेयर लेग की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद हैं, 1 रन यहाँ से भी मिल जाएगा। ओवर की होती हुई समाप्ति, 14 ओवर हो चुके हैं समाप्त, सिडनी सिक्सर का स्कोर है 102 रन एक विकेट के नुकसान पर। यहां से अगर बात की जाए करंट रन रेट की तो काफ़ी बढ़िया, 7.29 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलता हुआ सूजी बेट्स खेल रही हैं 61 रन पर, एलिस पेरी खेल रही हैं 36 रन पर। डार्सी ब्राउन के 3 ओवर हो चुके हैं, इनका एक ओवर डार्सी ब्राउन का काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये रन नहीं देंगी आज, डार्सी ब्राउन आज रन नहीं देंगी, अभी भी 3 ओवर में 12 रन दिए हैं, तो उम्मीद है कि अगले ओवर में भी शायद 5, 6, 7 से ज्यादा रन नहीं देंगी, तो इनका एक ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम के लिए। बात की जाए सिडनी सिक्सर की, स्कोर है उनका 102 रन, देखते हैं अगले ओवर में यहां पर किस प्रकार से होती है शुरुआत। तो यहां से भाई एंट्री दे दी है, सभी लोगों को बता दिया है कि यहां से खा लीजिएगा सिडनी सिक्सर को, यहां से खाइएगा एडिलेड पर, यहां पर विन कीजिएगा, आधी लिमिट से खाना है आधी लिमिट से खाइएगा, एक लिमिट से खाना है एक लिमिट से खाइएगा।
लेकिन यहाँ से देख रहे हैं, यासिर टैकी भाई ने लिखा हेलो शशांक जी, यासिर भाई ने लिखा मजा आ रहा है मैच में। भाई यासिर भाई बिल्कुल मजा आ रहा है मैच, भाई बन चुका है अब मैच, अब बन चुका है। शुरुआत में ऐसा लगा था जब मैच शुरू हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच कहीं भाई बोरिंग ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने भाई बढ़िया तरीके से इस मैच को बनाया है और हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कर दिया। चलिए यार सभी लोग यार लाइक करते रहेगा स्ट्रीम को, लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, 379 अब तक लाइक हुए हैं यार, लाइक्स का जो आंकड़ा है वो 500 तक पहुँचाइएगा। सभी लोग एक बार थोड़ा सा वक्त निकालकर स्ट्रीम को सबसे पहले लाइक कीजिएगा। धनंजय भाई ने लिखा है टेल मी हु इज वन। धनंजय भाई एंट्री दे दिए, देखिए एंट्री दे दी, अगर आपको एडिलेड पर यहाँ से प्लस करवा रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारी टीम रहने वाली है आज की वो एडिलेड रहने वाली है। टॉप 5 ज्ञान ने लिखा 160 होगा। फिर प्राइवेट भाई सूजी है मारे में बट कैप्टन पैरी को बनाया हूँ। प्राइवेट भाई निश्चिंत रहिएगा, सूजी तो अभी आउट होकर चली जाएगी, आखिर में जो मारेगी वो पैरी ही मारेगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, सूजी का काम यहाँ से हो चुका है। चलिए मेघांश कुट आई हैं गेंदबाजी करने के लिए और ये देखिए बेहतरीन चौका एक और सूजी बेट्स के बल्ले से। जी हाँ, थोड़ी सी छोटी गेंद थी, पूरा फायदा यहाँ पर उठाते हुए गेंद को यहाँ पर भेजा है लॉन्गोन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 107 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की समाप्ति के बाद। तो मेघांश कुट यहाँ पर अपनी अगली गेंद डालेंगे, इस बार यहाँ पर अजीब गरीब शॉट खेलते हुए स्कोप शॉट लगाने का किया था प्रयास यहाँ पर, लेकिन पूरी तरह से मिस किया, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाते हुए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, सूजी बेट्स बोल्ड भी हो सकती, कैच आउट भी हो सकती थी, लेकिन किस्मत आज पूरी तरह से सूजी बेट्स के साथ है। 65 रन बनाकर खेल रही है 50 गेंदों के अंदर, सिडनी सिक्सर का स्कोर है 107 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए मेघांश कुट यहां पर अगली गेंद डालेंगी, अगली गेंद यहां पर डालते हुए कोई रन नहीं, सूजी बेट्स को यहां पर जी हां एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया था जी हां, लेकिन सीधा गेंद फील्डर के पास जाते हुए, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर देखते हुए हम 30 गज के दायरे के अंदर। सिडनी सिक्सर का स्कोर अभी भी 107 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो भाई पहले ही बता रहा हूं एंट्री दे चुके हैं भाई, एंट्री दे चुके हैं तो एंट्री भाई सभी लोग ले लीजिएगा यहां से मुकाबले के अंदर, जिसको भाई आधी लिमिट लेनी है आधी लिमिट, जिसको पूरी लिमिट लेनी है यहां से पूरी लिमिट। सिडनी सिक्सर का अभी भी जो रेट है वो 32.33 पैसे चल रहा है। चलिए मेघांश कुट यहां पर अपनी अगली गेंद डालेंगे, सामने होंगे यहां पर सूजी बेट्स, देखना होगा किस प्रकार की यहां पर होती है बल्लेबाजी। इस बार यहां पर थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ शफल करके गेंद को यहां पर खेला था, 1 रन यहां पर मिल जाएगा, स्ट्राइक आ गई है भाई। अब आप सबकी फेवरेट एलिस पैरी के पास, एलिस पैरी के पास अब आ गई है स्ट्राइक। हंटर बॉय ने लिखा 2 ओवर बाकी है। यासिर टैकी भाई ने लिखा है WBBL ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट में क्रिकेट हिंदी लाइव का सब्सक्राइबर रहेंगे। यासिर भाई बिल्कुल सही रहा भाई, देखिए क्योंकि हमने इस सीरीज के अंदर WBBL के अंदर डिसाइड कर लिया है, देखिए खराब एंट्री नहीं देनी है, चाहे मैच में एंट्री ही ना दो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन खराब एंट्री नहीं देंगे, ऐसी एंट्री नहीं देंगे जहां पर व्यूअर्स का नुकसान हो। 70 पैसे पे खा लीजिएगा, 90 पैसे पे लगा दीजिएगा, वो नहीं करना है। छोटे रेट पे एंट्री देंगे, जहां पर आपका नुकसान भी अगर होता है तो वो इतना नहीं होगा कि पिछले दिन का आपका प्रॉफिट भी गायब हो जाए। नोबिता गेमी ने लिखा विकेट भाई, रोमन भाई ने लिखा विकेट नीड, कन्हैया कामत ने लिखा है पैरी मारेगी 60 रन। कन्हैया भाई बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं मैं, पैरी मारेगी यहां से, पैरी के पास क्षमता है बड़े शॉट्स लगाने की, लेकिन आखिर में अब देखिएगा, आखिर में देखते हैं भाई किस प्रकार का ये मुकाबला चलता है। मूवी टाइम्स ने लिखा है लाइव, इरविन रोमल ने लिखा है पैरी सो मार, अरविन भाई नहीं मारेगी, सो नहीं यार, बातें सिर्फ इतनी ही करेंगे जितनी सर जायज हो, क्योंकि नाजायज बातें हम करते नहीं है क्रिकेट लाइव हिंदी के ऊपर, चाहे वो किसी प्लेयर के बारे में हो चाहे वो फिर रेट के बारे में हो। सरेश जमा ने लिखा लास्ट 5 ओवर 50 नीड, रोमन भाई ने लिखा विकेट नीड, रोमन भाई कहां विकेट की तलाश में हो, कहां विकेट की तलाश में हो। तो चलिए यहां से एक बार फिर से कैच छूटते हुए, कैच यहां पर फिर से, अच्छा मेघांश कुट यहां पर गेंदबाजी कर रही है, बॉलर यहां पर थोड़ी देर के लिए रुकते हुए, जी हाँ जैमा बार्सबी यहाँ पर ओवर अपना समाप्त, अगला ओवर शुरू हो चुका है जैमा बार्सबी का ओवर शुरू हो चुका है, 2.1 ओवर की समाप्ति, 2.1 ओवर अब तक डाले हैं, 15 रन दिए, सामने होंगी एलिस पैरी, देखना होगा क्या बड़े शॉट्स इस ओवर में आएंगे। आखिरी के पाँच ओवर यहाँ पर बचे हुए हैं, सिडनी सिक्सर ने यार कमाल की बल्लेबाजी की है, अब देखना होगा आखिरी के 5 ओवर में क्या यहाँ से 50 रन बना पाएगी, चांसेज हैं, ये दोनों बल्लेबाज अगर जमी रही तो 50 रन यहाँ से डेफिनेटली बन सकते हैं आखिरी के 5 ओवर्स के अंदर। चलिए देखते हैं, जेमा बार्स भी यहां पर अपनी अगली गेंद डालेंगे, सामने होंगी एलिस पैरी, इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गिर गई, ओधे मुंह गिरी एलिस पैरी ग्राउंड के ऊपर, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, गिर गई, 1 रन भी लेने का मौका था लेकिन गिर गई थी, फिसल गई ऐसा लगा, सामने वाला पैर यहां पर फिसल गया, विकेट कीपर ने आकर सहारा दिया, हाथ पकड़कर उठाया यहां पर सूजी बेट्स को। चलिए यहाँ पर इसी के साथ जेमा बार्सबी की अगली गेंद, इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गेंद सीधा जाते हुए यहाँ पर लॉन्गोन के फील्डर के पास, डाइव लगाकर गेंद को किया फील्ड, जी हाँ
डाइव लगाकर गेंद को किया फील्ड, एक रन यहां पर मिलते हुए स्ट्राइक अब आ गई है वापस एलिस पेरी के पास। 37 रन बनाकर खेल रही है, 30 गेंदों का किया है सामना। सिडनी सिक्सर का स्कोर 111 रन, एक विकेट के नुकसान पर। जेमा बार्स भी यहां पर, ये गेंद यहां पर एलिस पेरी को, गेंद को यहां पर खेला है बढ़िया तरीके से, स्वीप लगाते हुए गेंद हवा में थी, जा रही है स्क्वेयर लेग की तरफ, पीछे से फील्डर ने दौड़कर गेंद को किया फील्ड। 2 रन यहां से मिल जाएंगे, जी नहीं माफ़ कीजिएगा, सिर्फ 1 रन मिलेगा, सिर्फ 1 रन यहाँ पर मिलेगा। मौका था दूसरा रन लेने का लेकिन एलिस पेरी ने मना कर दिया। चलिए सिडनी सिक्सर का स्कोर 112 रन, एक विकेट का नुकसान पर। अगली गेंद देखेंगे किस प्रकार से सूजी बेट्स यहाँ पर करेगी सामना। जेमा बार्स भी यहाँ पर गेंदबाजी करती हुई सामने है सूजी बेट्स। ये गेंद इस बार एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने का किया था प्रयास, लेकिन इस बार बढ़िया टाइमिंग नहीं, टाइमिंग के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा इस बार कमी रह गई, तो गेंद सीधा जाती हुई लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास। 1 रन यहाँ से मिल जाएगा, सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक चेंज होती हुई एलिस पेरी के पास अब स्ट्राइक आ गई है। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 113 रन, एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगर बात की जाए तो इस ओवर में थोड़ा सा रन गति पर लगाम जरूर लगाई है बार्सबी ने। एक बार फिर से चली अगली गेंद, यहां पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, यहां पर अपील की, अपील यहां पर होते हुए जेमा बार्सबी के द्वारा, लेकिन अंपायर एक बार फिर से इंटरेस्टेड नहीं इस अपील के अंदर, यहां पर बचते हुए एलिस पेरी। एलिस पेरी भी पहुंच गई है, पता ही नहीं लगा। एलिस पेरी भी 38 रन बनाकर खेल रही है 32 गेंदों में। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 113 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 16 ओवर की हो चुकी है समाप्ति यहां से, तो देखते हैं आगे का मुकाबला किस प्रकार से चलता है। सभी लोग जुड़े रहिएगा भाई, स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेल्टिन 7 पर जाना भूलिएगा मत, क्योंकि आज का यह मुकाबला दिन का पहला मुकाबला जरूर है लेकिन यादगार मुकाबला रहेगा। रात तक आप इस मुकाबले को आज भूलेंगे नहीं, क्योंकि इतना बढ़िया यह मुकाबला होने वाला है। चलिए आप कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ भाई दिवाकर मिश्रा, स्वागत करते हैं दिवाकर मिश्रा का। आखिरी के 4 ओवर्स की कमेंट्री लेकर आपके साथ आएंगे यहां पर दिवाकर मिश्रा। एंट्री सभी को दे चुके हैं, बाकी की अगर एंट्री लेनी है तो वो भी आपको बताएंगे दिवाकर भाई। मुकाबले में जुड़ चुके हैं इस मुकाबले में, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहाँ पर अगर मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो खड़ा कर दिया है सिडनी सिक्सर ने। 114 रन, एक विकेट नुकसान पर, 16.1 गेंद हो चुकी है। अगर बात करें यहाँ पर सूजी बेट्स 70 रन बनाकर खेल रही हैं। अब देखते हैं यहाँ से किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। बात करें टाइलर मैग्रैथ, खुद कप्तान गेंदबाजी करने आई हैं डेथ ओवर में। यहाँ से कोशिश ये है कि रनगति को जो है रोका जाए, यहाँ से ज़्यादा बड़े शॉट्स ना दिए जाएँ। अगली गेंद बाद टाइलर मैग्रैथ के ओवर की स्ट्राइक पर मौजूद है यहाँ पर जो है। अब एलिसा पेरी, पेरी को ये गेंद, पेरी ने खेल दिया इसको शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ जाएंगे सूजी बेट्स। स्कोर हो चुका है 115 रन, एक विकेट नुकसान पर, 16.2 गेंदें हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ से मुकाबला किस तरीके से आगे बढ़ता है। यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है सिडनी सिक्सर की टीम। टाइलर मैग्रैथ के ओवर की अगली गेंद, इस बार भी बड़ा शॉट लगाने गई सूजी बेट्स, सिंगल ही हाथ में आएगा क्योंकि यहाँ पर इस बार स्लोअर गेंदों का फायदा उठा नहीं पा रही है सूजी बेट। बड़ी चलाकी से गेंदबाजी कर रही है टाइलर मैग्रैथ, इस ओवर में 3 गेंदें करी हैं, मात्र 3 सिंगल दिए हैं, स्ट्राइक पे हैं एलिसा पेरी। स्कोर की अगर बात की जाए तो 116 रन बन चुके हैं, एक विकेट नुकसान पर, 16.3 गेंदें हो चुकी हैं। बात करें 21 गेंदें बची हैं इस पारी के, क्या 150 तक पहुँच पाएंगे देखना होगा। अगली गेंद टाइलर मैग्रैथ के ओवर की स्ट्राइक पर मौजूद है एलिसा पेरी, इस बार बढ़िया गेंद टाइलर मैग्रैथ की, फुल टॉस ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद गई सीधा मिड ऑफ की तरफ, 1 रन तेजी से दौड़ लिया यहाँ पर जो है एलिसा पेरी ने, स्ट्राइक पे आ गए हैं सूजी बेट। अब जो है फुल टॉस गेंद पर भी बड़े शॉट लगाने मुश्किल हो रहे हैं एलिसा पेरी को, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और शायद गर्मी से डिहाइड्रेशन जो है वो हो रही है, बड़े शॉट लगाना आसान नहीं हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। टाइलर मैग्रैथ के ओवर की अगली गेंद, 5वीं गेंद, स्ट्राइक पे है सूजी बेट्स, इस गेंद को खेल दिया है हवा में, देखना होगा, जी हाँ, नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी, 1 रन मिलेगा, स्वीप जरूर लगाया था स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर से जस्ट आ गई है गेंद गिरी, 1 रन मिल गया इस गेंद पर भी सूजी बेट्स को, स्ट्राइक पे आ गए हैं एलिसा पेरी। स्कोर हो चुका है 118 रन, एक विकेट नुकसान पर, 16.5 गेंदें हो चुकी हैं। आखिरी गेंद टाइलर मैग्रैथ के ओवर की, स्ट्राइक पर मौजूद है एलिसा पेरी, 17वें ओवर की आखिरी गेंद, देखते हैं क्या बड़ा शॉट लगाएंगे इस गेंद पर यहां पर एलिसा पेरी। टाइलर मैग्रैथ की गेंद इस बार स्ट्राइक पे है एलिसा पेरी, गेंद को खेला है हवा में, यहां पर देखना होगा, जी हां, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया, गेंद गई सीधा यहां पर जो है
लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए बढ़िया ओवर जा रहा था, मगर आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया यहां पर एलिसा पेरी ने, तो एलिसा पेरी का स्कोर पहुंचा 46 रन, 35 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 2 छक्के यहां पर लगा चुकी हैं, मगर अब स्ट्राइक पे होंगी सूजी बेट्स। ये पार्टनरशिप जो है वो 78 गेंदों में 110 रन की हो चुकी है, 124 रन एक विकेट नुकसान पर। सिडनी सिक्सर वुमेन्स का स्कोर है, 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, धूप काफी खिली हुई है, गर्मी से डिहाइड्रेट हो रही है यहां पर बल्लेबाज, कोशिश कर रही है यहाँ पर बड़े शॉट लगाने की, मगर अब 18 गेंदें बची हैं, अब देखते हैं 18 गेंदों में कितने रन और जोड़ते हैं, अगर 30 रन और जोड़ते हैं तो 154 तक पहुँच सकती है सिडनी सिक्सर्स की टीम। मगर ध्यान रखिएगा इस पिच पे जो हाईएस्ट चेज है वो 155-156 रन का हाईएस्ट चेज है, जो चेज हुआ है तो पिच जो है बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, ज़्यादा स्पिन जो है देखने को मिली नहीं है अमेंडा जेड वेलिंगटन से, तो हो सकता है यहाँ पर बल्लेबाजी करना काफ़ी आसान रहे। डार्सी ब्राउन को बुलाया गया है अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए, 18वां करेंगे डार्सी ब्राउन, स्ट्राइक में है सूजी बेट्स, 73 रन बनाकर खेल रही हैं, पहली गेंद 18वें ओवर की सामने है यहां पर सूजी बेट्स, क्या बड़ा शॉट लगाएंगी पहली गेंद पर देखना होगा। जी हां, पहली गेंद सटीक लाइन पे ये गेंद डार्सी ब्राउन की, कोई भी मौका नहीं सूजी बेट्स को रन बनाने का, सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद गई सीधा यहां पर मिड ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 124 रन एक विकेट नुकसान पर, 17.1 गेंद हो चुकी है। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम को कर दीजिएगा लाइक, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, 445 लाइक हो चुके हैं, 5 भाई और लाइक कर देंगे तो आंकड़ा पूरा हो जाएगा यहां पर 450 लाइक का। अगली गेंद इस बार डार्सी ब्राउन के ओवर की दूसरी गेंद, फुल टॉस ये गेंद थी, स्वीप करने गई जरूर, स्वीप करा भी और डीप मिड विकेट दिशा में गेंद गई, फील्डर मौजूद, क्या 2 रन ले पाएंगे देखना होगा। जी हां, 2 रन पूरे कर लिए यहां पर सूजी बेट्स ने और स्कोर पहुंचा दिया सिडनी सिक्सर वुमेन्स का 126 रन एक विकेट नुकसान पर 17.2 गेंदों के बाद। यहां से बढ़िया पार्टनरशिप हुई है एलिसा पेरी और सूजी बेट्स के लिए, शुरुआत में काफी स्लो बल्लेबाजी हो रही थी मगर उसके बाद बड़े शॉट लगाने जो है वो शुरू कर दिए हैं डार्सी ब्राउन की अगली गेंद, बार फिर से बड़ा शॉट लगाने गई सूजी बेट्स, हवा में खेला जरूर था मगर गेंद गई सीधा मिड विकेट फील्डर के पास, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ जाएंगे एलिसा पेरी। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, मात्र 3 रन दिए हैं, 15 गेंदें बची हैं इस पारी की, सिडनी सिक्सर का स्कोर है 127 रन एक विकेट नुकसान पर 17.3 गेंदों के बाद। जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि 170 रन तक पहुंच सकती है आज सिडनी सिक्सर वुमेन्स की टीम, मगर कम बैक किया यहां पर एडिलेड की गेंदबाजी ने, अगली गेंद बार डार्सी ब्राउन की, उसको खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद है, वहां पर सिर्फ 1 ही रन मिलेगा एलिसा पेरी को। पेरी जो है वो 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से, स्कोर की अगर बात की जाए सिडनी सिक्सर की 128 रन एक विकेट नुकसान पर 17.4 गेंदें हो चुकी है, क्या यहां से इस पार्टनरशिप को तोड़ पाएंगे देखना होगा। डार्सी ब्राउन के ओवर की 5वीं गेंद, स्ट्राइक पे हैं सूजी बेट्स, क्या इस गेंद पर बड़ा प्रहार करेंगे, हमेशा से बड़ा प्रहार कर रही हैं मगर कहीं ना कहीं गर्मी से परेशान हो रही हैं। अगली गेंद बाद शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने गई, बीट हो गई इस गेंद पर यहां पर सूजी बेट, यहां पर 5वीं गेंद डॉट गेंद है। डार्सी ब्राउन की अगर बात की जाए बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी है, 3.5 गेंदें करी हैं, 16 रन दिए हैं, मात्र 1 विकेट चटकाया है मगर कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है, 4.17 का इकोनॉमी रहा है यहाँ पर। और डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करती हैं डार्सी ब्राउन और मैगन सचेट को भी बुलाया जाएगा अगले ओवर करने के लिए, मेरे हिसाब से 19वां ओवर करते नजर आएंगी यहाँ पर डार्सी ब्राउन के। ओवर की अगली गेंद, स्ट्राइक पे है सूजी बेट्स, ओवर की आखिरी गेंद, क्या बड़ा प्रहार कर पाएंगे सूजी बेट्स, 76 रन बनाकर खेल रही हैं, 63 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के और 7 चौके लगा चुकी हैं। अगली गेंद सूजी बेट्स को, इस बार आखिरी गेंद, थोड़ा सा गुड लेंथ पे ये गेंद थी, खेल दिया उसको डीप मिड विकेट दिशा में 4 रन के लिए। इस बार लॉन्ग ऑन का फील्डर जो है वो मिड ऑन पे रखा हुआ था, डीप मिड विकेट का फील्डर जो है मिड विकेट की तरफ था, उन दोनों फील्डरों के बीच से बाउंड्री बटोरती हुई यहां पर सूजी बेट्स, खराब फील्डिंग यहां पर सेट करी हुई टाइलर मैकग्रैथ ने। इस टाइम पे लॉन्ग ऑन का फील्डर जो है कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन पे होना चाहिए मिड ऑन का फील्डर जो है, मगर यहां पर थोड़ी सी गलती करी और चौका भुगतना पड़ा यहां पर एडिलेड की टीम को। तो इस ओवर में आ चुके हैं टोटल 8 रन, 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 32 रन एक विकेट नुकसान पर, 12 गेंदें बची हैं इस पारी की, देखते हैं अब 12 गेंदों को किस तरीके से यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। स्ट्राइक पे होंगे एलिस पेरी जो है वो 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से, क्या अर्धशतक लगा देंगे यहां पर, 470 लाइक हो चुके हैं, 30 भाई और लाइक कर देंगे तो आंकड़ा पूरा हो जाएगा 500 लाइक का, 1400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।
यहाँ पर जो है पावर सर्च यहाँ पर लेने की कोशिश करी है। जी हाँ, आखिरी के दो ओवर में पावर सर्च ले लिया गया है, तो यहाँ पर एडिलेड के लिए थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ती हुई। पावर सर्च टेकन, पावर सर्च ले लिया गया है, तो यहाँ पर अब सिर्फ तीन ही फील्डर जो है बाउंड्री पर रख पाएंगी सिडनी सिक्सर के एडिलेड की टीम। अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर खेलते हैं। पावर सर्च ले लिया गया है भाई, पावर सर्च में आपको पता है कि फील्डर काफ़ी जो बाउंड्रीज पे होते हैं वो सर्कल के अंदर आते हैं, बड़े शॉट लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। अब यहाँ से देखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। देवेंद्र डॉटिन को बुलाया गया है 19वां ओवर करने के लिए, बढ़िया गेंदबाज है, यॉर्कर अच्छी करती है, क्या यहाँ से 19वां ओवर बचा पाएंगे। सर्कल में सारे फील्डर सर्कल में आ चुके हैं, पावर सर्च ले लिया गया है। पहली गेंद अलीसा पैरी को, लेग स्टंप पे गेंद थी, फ्लिक कर दिया उसको स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए, बेहतरीन ये शॉट है। कलाइयों का पूरा उपयोग किया यहाँ पर एलिसा पैरी ने, लेग स्टंप पे गेंद फ्लिक कर दिया उसको स्क्वायर लेग की दिशा में, बाउंड्री बटोरती हुई यहाँ पर एलिसा पैरी, बढ़िया ये शॉट था और बढ़िया ये बल्लेबाजी है एलिसा पैरी की। एलिसा पैरी के 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर 51 रन की ये पारी खेली है, नाबाद है अभी तक, 37 गेंदों का सामना किया है, 5 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। ये पार्टनरशिप काफी लंबी हो रही है, 122 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। अगली गेंद है तो डॉटिन की, क्या यॉर्कर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर एलिसा पैरी को, डॉटिन दौड़ रही है गेंद को लेकर, इस बार स्ट्राइक पे है एलिसा पैरी, यॉर्कर ये गेंद थी, इसके इनको कलाइयों के सहारे खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, एक रन मिल जाएगा एलिसा पैरी को, स्ट्राइक पे आ जाएंगे सूजी बेट्स, स्कोर हो चुका है 137 रन एक विकेट नुकसान पर, 18.2 गेंदें हो चुकी हैं। देखते हैं यहाँ से मुकाबला जो है किस तरीके से आगे बढ़ता है। सिडनी सिक्सर ने आज टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। एलिसा हिली अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी, आज सस्ते में आउट हो गई, मगर उसके बाद सूजी बेट्स और एलिसा पैरी की ये पार्टनरशिप बहुत खतरनाक हुई है। स्ट्राइक में है सूजी बेट्स, देवेंद्र डॉटिन की ये गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, तीसरी गेंद बिल्कुल ऑस्टन के बाहर रखी थी, रूम बनाया जरूर था सूजी बेट्स ने, मगर मिस कर गई इस गेंद को और तीसरी गेंद जो है वो डॉट गेंद रही। 137 रन एक विकेट नुकसान पर, 18.3 गेंदें हो चुकी हैं। अब देखते हैं यहाँ से मुकाबला किस तरीके से आगे बढ़ता है। 496 लाइक हो चुके हैं, चार भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा पर हो जाएगा 500 लाइक्स का, मुकाबला बहुत बढ़िया चल रहा है। चलते हैं जरा यहां पर अगली गेंद, बार सूजी बेट्स को क्रॉस बैटरी शॉट खेला, मगर गेंद गई सीधा डीप मिड विकेट के फील्डर के पास, एक रन मिल जाएगा सूजी बेट्स को, स्ट्राइक पे आ जाएंगे यहां पर बल्लेबाज एलिसा पैरी। इस ओवर में 6 रन आ चुके हैं 4 गेंदों के अंदर, एक बाउंड्री की और तलाश रहेगी एलिसा पैरी और सूजी बेट्स को, कम से कम 10 रन बटोरना चाहेंगे इस ओवर से। अगली गेंद, पांचवी गेंद, इस बार डेविड डॉटिन चल रही है गेंद को लेकर, गेंद को लेकर चलती हुई यहां पर एलिसा पैरी के सामने, एलिसा पैरी तैयार है, क्या बड़ा प्रहार करेंगे, इस बार ऑस्टन के बाहर रखी थी गेंद को फाइनल की दिशा में खेलने की कोशिश, मगर अंत में शॉट को चेक किया यहां पर और खेल दिया पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद है, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस पांचवी गेंद पर। 138 रन एक विकेट नुकसान पर, 18.5 गेंदें हो चुकी हैं। देवेंद्र डॉटिन इस ओवर में पूरी जी जान झोंकती हुई नजर आ रही है, इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए हैं, 5 गेंदों का सामना हो चुका है। आखिरी गेंद 19वें ओवर की, क्या यह डॉट गेंद रहेगी, क्या यह विकेट निकाल सकती है। देवेंद्र डॉटिन तैयार है यहां पर आखिरी गेंद करने के लिए, पावर सर्च चल रहा है यहां पर, आखिरी गेंद, फर्स्ट स्टेप आउट किया पैरी ने, खेल दिया इसको डीप मिड विकेट दिशा में, बाउंड्री लाइन के तरफ गेंद जा रही है, 2 रन मिल जाएंगे एलिसा पैरी को, फील्डर की वहां पर बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, 2 रन मिल गए यहां पर एलिसा पैरी को, 19 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 140 रन एक विकेट नुकसान पर सिडनी सिक्सर वुमेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगी अब सूजी बेट्स, देखते हैं आखिरी की 6 गेंदे, आखिरी की 6 गेंदे जो है वो कौन करते नजर आएगा। मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में क्रिकेट लाइव हिंदी 2 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब एंड स्ट्रीम को जरूर लाइक करिएगा, मुकाबला काफी बढ़िया है। देखते हैं यहां से किस तरीके से आखिरी की 6 गेंदे जो है वो होंगी यहां पर मुकाबले में। कहीं ना कहीं आज जिस तरीके की बल्लेबाजी एलिस पैरी और सूजी बेट्स ने की है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है, 90 गेंदों में 126 रन की ये पार्टनरशिप रही है, और ऐसे नहीं है कि धीमी पार्टनरशिप है, लंबी पार्टनरशिप है और ताबड़तोड़ पार्टनरशिप है। यहाँ पर 8 चौके यहाँ पर सूजी बेट्स लगा चुकी हैं, 2 छक्के लगा चुकी हैं, 81 रन पर खेल रही हैं, 66 बॉल्स का सामना किया है। स्ट्राइक रेट पर नजर रखिएगा, 123 का स्ट्राइक रेट रहा है, 135 के स्ट्राइक रेट पर एलिस पैरी बल्लेबाजी कर रही हैं। तो आखिरी ओवर दिया है यहाँ पर मैगन सोचेट को, दिया है यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए, मैगन सोचेट कर रही है गेंदबाजी। आखिरी 6 गेंदें, 3 ओवर किए हैं, 14 रन दिए हैं मैगन सोचेट ने। पहली गेंद इस बार सूजी बेट्स को, 20 ओवर की पहली गेंद, स्ट्राइक में है सूजी बेट्स, बार स्लो
लो फुल टॉस ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिल जाएगा। सूजी बेट्स को स्ट्राइक पे आ गई हैं एलिसा पैरी। एलिसा पैरी और मैगन सचर दोनों एक ही टीम में खेलती हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम में, दोनों एक दूसरे की कमजोरी और मजबूती जानती हैं। क्या एलिसा पैरी इस ओवर में 9 रन और जोड़कर अपनी टीम का स्कोर 150 पार लेके जा सकती हैं? देखना होगा क्या एलिसा पैरी इस ओवर में कुछ बड़े शॉट लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, 547 लाइक हो चुके हैं, 3 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा प्रो हो जाएगा 550 लाइक। अगली गेंद, इस बार राउंड द स्टंप गई है गेंदबाजी करने के लिए, लो फुल टॉस यह गेंद थी, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट दिशा में, फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया, 2 रन लेने की कोशिश और 2 रन आसानी से मिल जाएंगे एलिसा पैरी को। स्कोर पहुंच जाएगा यहां पर सिडनी सिक्सर्स का 143 रन एक विकेट नुकसान पर। बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी, अब देखते हैं किस तरीके से यहां पर अगली 4 गेंदों को खेलते हुए नजर आएंगे। 150 रन से 7 रन दूर हैं, क्या विकेट निकाल पाएंगे मैगन सचेट? मैगन सचेट ओवर द विकेट जाती हुई यहां पर एलिसा पैरी के लिए। अब यहां पर अगली गेंद, तीसरी गेंद, इस बार यॉर्क करिए गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद गई कवर के फील्डर के पास और यहां पर कोई भी रन नहीं मिला है, कोई भी रन नहीं मिला है इस तीसरी गेंद पर। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया सटीक यॉर्कर काफ़ी अच्छी तरीके से करती हैं। 565 लाइक हो चुके हैं, 35 भाई और लाइक कर दीजिएगा, 600 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, 1600 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिकेट लाइव हिंदी 2 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक करिएगा। मैगन सचेट की अगली गेंद, ओवर की चौथी गेंद, इस बार फिर से स्लो रन गेंद थी, कवर की दिशा में खेला जरूर, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट दिशा में, आउटसाइड एज लगा, बाउंड्री तक ये गेंद नहीं जाएगी मगर 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर एलिसा पैरी को। तो स्कोर पहुँच गया यहां पर सिडनी सिक्सर का 145 रन एक विकेट नुकसान पर। बात करें यहां पर ओवर्स की तो 19.4 गेंदे हो चुकी हैं, सिर्फ 2 गेंदे बची हैं यहां पर जो है काफी बढ़िया मुकाबला चल रहा है, मुकाबला काफ़ी बढ़िया है। देखते हैं किस तरीके से अब चलता है इस मुकाबले में। आप सब लोग जो है जुड़ रही है, राउंड द स्टंप जा रही है मैगन सचेट गेंदबाजी करने के लिए। 5वीं गेंद इस ओवर की सामने है, एलिस पैरी इस बार फिर से यॉर्कर करने की फिराक में थी मगर यहां पर स्लोअर गेंद करी, ऑस्टन के बाहर टॉप एच लगा और यहां पर विकेट जाता हुआ एलिसा पैरी का। दूसरा झटका यहां पर सिडनी सिक्सर का, विकेट तो नहीं मानेंगे मगर कहीं ना कहीं यहां पर एक गेंद भी डॉट आई है साथ में। अब 1 गेंद बची है इस ओवर की और यहां पर एलिसा पैरी हो गई है कैच आउट। 44 गेंदों में बनाए 58 रन एलिसा पैरी ने, 5 चौके और 2 छक्के लगाए थे। स्कोर हो चुका है सिडनी सिक्सर का 145 रन 2 विकेट नुकसान पर 19.5 गेंदों के बाद। लग रहा था कि 160-170 तक पहुंच पाएंगे मगर कहीं ना कहीं एडिलेड ने आखिरी के जो 4 ओवर किए हैं बड़े जबरदस्त करे हैं। यहां पर मैगन सचेट हो, डार्सी ब्राउन हो या फिर देवेंद्र डॉटिन हो, इन तीनों ने मिलकर जिस तरीके से रोका है यहां पर सिडनी की इस पारी को काफी अच्छा लगा है। मगर यह भी स्कोर कम नहीं होगा, 145 रन कम नहीं होगा 2 विकेट नुकसान पर। इसी पिच में 145 रन बनाए थे सिडनी सिक्सर ने चेस करते हुए, तो क्या आखिरी गेंद भी डॉट कर पाएंगे? एशली गार्डनर आ चुकी हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बढ़िया ऑलराउंडर हैं, ऑस्पिन गेंदबाजी करती हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं। आखिरी गेंद यहां पर मैगन सचेट के इस ओवर के सामने है, एशली गार्डनर क्या बड़ा शॉट लगाएंगे? जी हां, लेग स्टंप पे गेंद थी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया ये शॉट है, पहली गेंद पर आके ही छक्का जड़ दिया यहां पर एशली गार्डनर ने और स्कोर पहुंचा दिया सिडनी सिक्सर का 151 रन 2 विकेट नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद। यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर अगर बात करें एलिसा पैरी, सूजी बेट्स की और आते ही एशली गार्डनर ने आखिरी गेंद पर छक्का बटोरा है। तो यहां पर आपको बताएंगे पूरे मैच की बात, तो पूरे मैच का सूरत हाल ये रहा कि टॉस जीता यहां पर सिडनी सिक्सर ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए यहां पर सिडनी सिक्सर ने बनाए 151 रन 2 विकेट नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद। यहां पर टारगेट दिया है एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स को 152 रन बनाने के लिए 120 गेंदों के अंदर, 20 ओवर मिलेंगे 152 रन बनाने होंगे एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स को। तो स्कोर कार्ड किस तरीके से रहा है यहाँ पर जो है सिडनी सिक्सर का वो आपको ज़रा बता दें, गेंदबाजी किस तरीके से रही है एडिलेड की वो आपको बता दें। यहाँ पर स्कोर कार्ड इस प्रकार से रहा है, एलिसा हीली और सूजी बेट्स ओपनिंग करने आई थी, एलिसा हीली जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, 8 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर सूजी बेट्स नाबाद रहीं, 67 बॉल्स खेली, 82 रन बनाए, 8 चौके और 2 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट जो है 123 का रहा। सूजी बेट्स का ज़बरदस्त पारी खेली, एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, उनका साथ दिया एलिसा पैरी ने। 44 गेंदे खेली, 58 रन बनाए यहां पर, 5
चौके और दो छक्के लगाए, उनका स्ट्राइक रेट जो है 132 का रहा। एशली गार्डनर को आखिरी की एक गेंद मिली तो उसकी गेंद पर भी छक्का जो बटोरा, यहाँ पर एक छक्का लगाया यहाँ पर एशली गार्डनर भी। टोटल 5 छक्के इस मुकाबले में लगे और 13 चौके लगे यहाँ पर। एक्स्ट्रा जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड गेंदबाजी हुई एडिलेड स्ट्राइकर की, एक्स्ट्रा सिर्फ 3 रन मिले यहाँ पर और सिडनी सिक्सर ने बढ़ाए 151 रन 2 विकेट नुकसान पर 20 ओवर के अंदर। अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो कम से कम 6 गेंदबाज यहाँ पर यूज़ किए एडिलेड की टीम ने गेंदबाजों के लिए। मैगन सचेट 4 ओवर किए, 25 रन दिए, 1 विकेट मिला उनको। इकॉनमी जो है वो 6.25 का रहा। डार्सी ब्राउन ने 4 ओवर किए, 20 रन दिए, 1 विकेट छटकाया यहाँ पर। इकॉनमी जो है वो 5 का रहा यहाँ पर, 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन दिए। अमेंडा जेड वेलिंगटन ने आज थोड़ी सी महंगी रही, 3 ओवर किए, 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। इकॉनमी जो है 12.67 का रहा यहाँ पर। रविंद्र डॉटिन ने 3 ओवर किए, 21 रन दिए, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला रविंद्र डॉटिन को। टाइलर मैकग्रैथ ने 3 ओवर किए, 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला यहां पर टाइलर मैकग्रैथ को। और इकॉनमी जो है वो 9 की रही यहां पर। जे बार्सबी यहाँ पर ने गेंदबाजी करी है, 3 ओवर किए, 19 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। इकॉनमी काफ़ी अच्छा था, 6.33 का इकॉनमी था यहाँ पर। और उसके बाद टारगेट मिल गया है अब एडिलेड स्ट्राइकर को 152 रन का, जो कि 120 गेंद में बनाना है। तो बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अब किसके पास रहेगी एडिलेड के सामने? एडिलेड की बल्लेबाजी रहेगी केटी मैक के ऊपर, देवेंद्र डॉटिन के ऊपर, लॉरा वुलवर्ट के ऊपर। टाइलर मैकग्रैथ इस टीम के अंदर है। अगर बात करें मैंडलिना पैना इस टीम के अंदर है, ब्रिजेट पैटरसन इस टीम के अंदर है, तो ये बल्लेबाजी रहेगी। साथ में अगर बात करें मैकफ्लिन जो है बल्लेबाज है, कम से कम अगर बात की जाए तो 6-7 नंबर तक बल्लेबाजी है यहां पर। कहीं ना कहीं एडिलेड स्ट्राइकर के पास टारगेट को चेज करना है, मैच को जिताना है, तो 152 रन बनाने पड़ेंगे 20 ओवर के अंदर। इस पिच पे चेज हो जाता है, चेज हो जाएगा ऐसा लग रहा है, पिच अच्छी लग रही है बल्लेबाजी करने के लिए। आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोग जो है डेल्टिन 7 ऐप के साथ जुड़ जाइएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइचर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिए डेल्टिन 7 पे। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है यहाँ पर। 700 रुपये डिपॉजिट करने पे आपको 250 रुपये का इंस्टेंट बोनस मिलता है, साथ ही साथ विड्रॉल जो है 15 से 20 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाता है। डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो खेलिए और जीतिए डेल्टिन 7 पे, हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करिएगा, क्योंकि लिंक के थ्रू अगर ज्वाइन करेंगे तो पहली बैट अगर आप हार जाएंगे तो पहली बैट का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। यहां पर हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिए। आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है आपको, यूजर नेम बनाना है, पासवर्ड बनाना है, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी डेल्टिन 7 पे। मान लीजिए आप पहली बैट करते हैं डेल्टिन 7, पहली बैट हार जाते हैं, तो पहली बैट हारने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप एडमिन से जो है अपने ग्रुप एडमिन को जो है अपनी बैट स्लिप दिखानी होगी। ग्रुप एडमिन कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैं दे रहा हूं आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस लिंक को क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ग्रुप एडमिन को अपनी बैट स्लिप दिखाइए, बैट स्लिप जो है वो चेक करेंगे और आपको रिफंड देंगे आपकी पहली बैट का पैसा। अगर आप हार जाते हैं तो 777 रुपए तक का रिफंड आपको मिल सकता है। जाके ज्वाइन कर लीजिए डेल्टिन 7 पो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेसन में पिन कर दिया है, लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्ट्रीम को लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी 2 के साथ। मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा, शशांक भाई भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट्री करेंगे। यहां पर इनिंग ब्रेक हो चुका है, कुछ ही देर में जो है इनिंग जो है वो शुरू होने वाली है। अब देखते हैं कितनी देर में ये इनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर टारगेट की बात की जाए तो 152 रन का यहां पर टारगेट दिया है एडिलेड स्ट्राइकर को सिडनी सिक्सर वुमेन ने। देखते हैं यहाँ से मुकाबला आप किस तरीके से होता है। लाइक करिएगा, आप सब लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। थोड़ा सा सवाल लेंगे आपके और सवाल के साथ जवाब देंगे। एक बार फिर से आपको मैच का पूरा सूरत हाल यहाँ पर बता देते हैं और दिखा देते हैं आपको किस तरीके से स्कोर कार्ड रहा है, किस तरीके से स्कोर जो है अब बनाया है यहाँ पर। मुकाबला आप देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर मुकाबला जो है वो शुरू होने वाला है, इनिंग ब्रेक जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो पूरे मैच का सूरत हाल ये रहा कि टॉस जीता यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने बनाए 151 रन 2 विकेट नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद। यहाँ पर टारगेट दिया है एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स को 152 रन बनाने के लिए 120 गेंदों के अंदर। 20 ओवर मिलेंगे, 152 रन बनाने होंगे एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स को। तो स्कोर कार्ड किस तरीके से रहा है यहाँ पर जो है सिडनी सिक्सर का वो आपको ज़रा बता दें। गेंदबाजी किस तरीके से रही है एडिलेड की वो आपको बता दें। यहाँ पर
स्कोर कार्ड इस प्रकार से रहा है। एलिसा हीली और सूजी बेट्स ओपनिंग करने आई थी। एलिसा हीली जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, 8 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर सूजी बेट्स नाबाद रही, 67 बॉल्स खेली, 82 रन बनाए, 8 चौके और 2 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट जो है 123 का रहा आज सूजी बेट्स का। ज़बरदस्त पारी खेली, एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, उनका साथ दिया एलिसा पेरी ने। 44 गेंदें खेली, 58 रन बनाए यहाँ पर, 5 चौके और 2 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट जो है 132 का रहा। एशली गार्डनर को आखिरी की एक गेंद मिली तो उस गेंद पर भी छक्का झटोरा, यहाँ पर एक छक्का लगाया यहाँ पर एशली गार्डनर भी। टोटल 5 छक्के इस मुकाबले में लगे और 13 चौके लगे यहाँ पर। एक्स्ट्रा जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड गेंदबाजी हुई एडिलेड स्ट्राइकर की, एक्स्ट्रा सिर्फ 3 रन मिले यहाँ पर। और सिडनी सिक्सर ने बढ़ाए 151 रन, 2 विकेट नुकसान पर 20 ओवर के अंदर। अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो कम से कम 6 गेंदबाज यहाँ पर यूज़ किए एडिलेड की टीम ने गेंदबाजों के लिए। मैगन सचेट 4 ओवर किए, 25 रन दिए, 1 विकेट मिला उनको। इकॉनमी जो है वो 6.25 का रहा। डार्सी ब्राउन ने 4 ओवर किए, 20 रन दिए, 1 विकेट छटकाया यहाँ पर। इकॉनमी जो है वो 5 का रहा यहाँ पर, 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन दिए। अमेंडा जेड वेलिंगटन ने आज थोड़ी सी महंगी रही, 3 ओवर किए, 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। इकॉनमी जो है 12.67 का रहा यहाँ पर। रविंद्र डॉटिन ने 3 ओवर किए, 21 रन दिए, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला रविंद्र डॉटिन को। टाइलर मैकग्रैथ ने 3 ओवर किए, 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला यहां पर टाइलर मैकग्रैथ को। और इकॉनमी जो है वो 9 की रही यहां पर। जे बार्सबी यहाँ पर ने गेंदबाजी करी है, 3 ओवर किए, 19 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। इकॉनमी काफ़ी अच्छा था, 6.33 का इकॉनमी था यहाँ पर। और उसके बाद टारगेट मिल गया है अब एडिलेड स्ट्राइकर को 152 रन का, जो कि 120 गेंद में बनाना है। तो बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अब किसके पास रहेगी एडिलेड के सामने? एडिलेड की बल्लेबाजी रहेगी केटी मैक के ऊपर, देवेंद्र डॉटिन के ऊपर, लॉरा वुलवेट के ऊपर। टाइलर मैकग्रैथ इस टीम के अंदर है। अगर बात करें मैंडलिना पैना इस टीम के अंदर है, ब्रिजेट पैटरसन इस टीम के अंदर है, तो ये बल्लेबाजी रहेगी। साथ में अगर बात करें मैकफ्लिन जो है बल्लेबाज हैं, कम से कम अगर बात की जाए तो 6-7 नंबर तक बल्लेबाजी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं एडिलेड स्ट्राइकर के पास टारगेट को चेज करना है, मैच को जिताना है, तो 152 रन बनाने पड़ेंगे 20 ओवर के अंदर। इस पिच पे चेज हो जाएगा ऐसा लग रहा है, पिच अच्छी लग रही है बल्लेबाजी करने के लिए। आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोग जो है डेल्टिन 7 ऐप के साथ जुड़ जाइएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइचर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिए डेल्टिन 7 पे। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है यहाँ पर। 700 रुपये डिपॉजिट करने पे आपको 250 रुपये का इंस्टेंट बोनस मिलता है। साथ ही साथ विड्रॉल जो है 15 से 20 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाता है। डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो खेलिए और जीतिए डेल्टिन 7 पे, हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करिएगा। क्योंकि लिंक के थ्रू अगर ज्वाइन करेंगे तो पहली बैट अगर आप हार जाएंगे तो पहली बैट का पैसा को वापस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। यहां पर हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिए। आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है आपको, यूजर नेम बनाना है, पासवर्ड बनाना है, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी डेल्टिन 7 पे। मान लीजिए आप पहली बैट करते हैं डेल्टिन 7, पहली बैट हार जाते हैं, तो पहली बैट हारने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप एडमिन से जो अपने ग्रुप एडमिन को जो है अपनी बैट स्लिप दिखानी होगी। ग्रुप एडमिन कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर दे रहा हूं आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस लिंक को क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ग्रुप एडमिन को अपनी बैट स्लिप दिखाइए, बैट स्लिप जो है वो चेक करेंगे और आपको रिफंड देंगे आपकी पहली बैट का पैसा। अगर आप हार जाते हैं तो 777 रुपए तक का रिफंड आपको मिल सकता है। जाके ज्वाइन कर लीजिए डेल्टिन 7 पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल पिन कर दिया है, लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्ट्रीम को लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी 2 के साथ। मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा, शशांक भाई भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट्री करेंगे। यहां पर इनिंग ब्रेक हो चुका है, कुछ ही देर में जो है इनिंग जो है वो शुरू होने वाली है। अब देखते हैं कितनी देर में ये इनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर टारगेट की बात की जाए तो 152 रन का यहां पर टारगेट दिया है एडिलेड स्ट्राइकर को सिडनी सिक्सर वुमेन ने। तो पूरे मैच का सूरत हाल ये रहा कि टॉस जीता यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने बनाए 151 रन, 2 विकेट नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर टारगेट दिया है एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स को 152 रन बनाने के लिए 120 गेंदों के अंदर। 20 ओवर मिलेंगे, 152 रन बनाने होंगे एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स को। तो स्कोर कार्ड
स्कोर कार्ड किस तरीके से रहा है यहाँ पर जो है सिडनी सिक्सर का, वो आपको जरा बता दें। गेंदबाजी किस तरीके से रही है एडिलेड की, वो आपको बता दें। यहाँ पर स्कोर कार्ड इस प्रकार से रहा है। एलिसा हीली और सूजी बेट्स ओपनिंग करने आई थी। एलिसा हीली जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, 8 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर सूजी बेट्स नाबाद रहीं, 67 बॉल्स खेली, 82 रन बनाए, 8 चौके और 2 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट जो है 123 का रहा। सूजी बेट्स का जबरदस्त पारी खेली, एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, उनका साथ दिया एलिसा पेरी ने। 44 गेंदे खेली, 58 रन बनाए यहां पर, 5 चौके और 2 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट जो है 132 का रहा। एशली गार्डनर को आखिरी की एक गेंद मिली तो उस गेंद पर भी छक्का जो बटोरा यहां पर, एक छक्का लगाया यहां पर एशली गार्डनर भी। टोटल 5 छक्के इस मुकाबले में लगे और 13 चौके लगे यहां पर। एक्स्ट्रा जो है वो काफी कंट्रोल्ड गेंदबाजी हुई एडिलेड स्ट्राइकर की, एक्स्ट्रा सिर्फ 3 रन मिले यहां पर। और सिडनी सिक्सर ने बढ़ाए 151 रन, 2 विकेट नुकसान पर 20 ओवर के अंदर। अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो कम से कम 6 गेंदबाज यहां पर यूज किए एडिलेड की टीम ने गेंदबाजों के लिए। मैगन सचेट 4 ओवर किए, 25 रन दिए, 1 विकेट मिला उनको। इकॉनमी जो है वो 6.25 का रहा। डार्सी ब्राउन ने 4 ओवर किए, 20 रन दिए, 1 विकेट छटकाया यहाँ पर। इकॉनमी जो है वो 5 का रहा यहाँ पर, 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन दिए। अमेंडा जेड वेलिंगटन ने आज थोड़ी सी महंगी रही, 3 ओवर किए, 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। इकॉनमी जो है 12.67 का रहा यहाँ पर। रविंद्र डॉटिन ने 3 ओवर किए, 21 रन दिए, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला रविंद्र डॉटिन को। टाइलर मैकग्रैथ ने 3 ओवर किए, 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला यहां पर टाइलर मैकग्राथ को। और इकॉनमी जो है वो 9 की रही यहां पर। जे बार्सबी यहां पर ने गेंदबाजी करी है, 3 ओवर किए, 19 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। इकॉनमी काफी अच्छा था, 6.33 का इकॉनमी था यहां पर। और उसके बाद टारगेट मिल गया है अब एडिलेड स्ट्राइकर को 152 रन का, जो कि 120 गेंद में बनाना है। तो बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अब किसके पास रहेगी एडिलेड के सामने? एडिलेड की बल्लेबाजी रहेगी केटी मैक के ऊपर, देवेंद्र डॉटिन के ऊपर, लॉरा वुलवेट के ऊपर। टाइलर मैकग्राथ इस टीम के अंदर है। अगर बात करें मैंडलिना पैना इस टीम के अंदर है, ब्रिजेट पैटरसन इस टीम के अंदर है, तो ये बल्लेबाजी रहेगी। साथ में अगर बात करें टेगन मैकफ्लिन जो है बल्लेबाज है, कम से कम अगर बात की जाए तो 6-7 नंबर तक बल्लेबाजी है यहां पर। कहीं ना कहीं एडिलेड स्ट्राइकर के पास टारगेट को चेज करना है, मैच को जिताना है, तो 152 रन बनाने पड़ेंगे 20 ओवर के अंदर। इस पिच पे चेज हो जाएगा ऐसा लग रहा है, पिच अच्छी लग रही है बल्लेबाजी करने के लिए। आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोग जो है Deltin7 आपके साथ जुड़ जाइएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिए Deltin7 पे। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है। यहाँ पर 700 रुपये डिपॉजिट करने पे आपको 250 रुपये का इंस्टेंट बोनस मिलता है। साथ ही साथ विड्रॉल जो है 15 से 20 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाता है। डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो खेलिए और जीतिए Deltin7 पे, हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करिएगा। क्योंकि लिंक के थ्रू अगर ज्वाइन करेंगे तो पहली बैट अगर आप हार जाएंगे तो पहली बैट का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। यहां पर हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिए। आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है आपको, यूजर नेम बनाना है, पासवर्ड बनाना है, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी Deltin7 पे। मान लीजिए आप पहली बैट करते हैं Deltin7, पहली बैट हार जाते हैं, तो पहली बैट हारने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप एडमिन से जो है अपने ग्रुप एडमिन को जो है अपनी बैट स्लिप दिखानी होगी। ग्रुप एडमिन कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैं दे रहा हूं आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस लिंक को क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ग्रुप एडमिन को अपनी बैट स्लिप दिखाइए, बैट स्लिप जो है वो चेक करेंगे और आपको रिफंड देंगे आपकी पहली बैट का पैसा। अगर आप हार जाते हैं तो 777 रुपए तक का रिफंड आपको मिल सकता है। जाके ज्वाइन कर लीजिए Deltin7 पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक पिन कर दिया है, लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्ट्रीम को लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी 2 के साथ। मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा, शशांक भाई भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट्री करेंगे। यहां पर इनिंग ब्रेक हो चुका है, कुछ ही देर में जो है इनिंग जो है वो शुरू होने वाली है। अब देखते हैं कितनी देर में ये इनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर टारगेट की बात की जाए तो 152 रन का यहां पर टारगेट दिया है एडिलेड स्ट्राइकर को सिडनी सिक्सर वुमेन ने। अब इनिंग ब्रेक जो है वो समाप्त हो चुकी है और देवेंद्र डॉटिन और केटी मॉक जो है वो ओपनिंग बल्लेबाजी करने आई हैं। गेंद थमाई गई है लॉरेन चेटली के हाथ में। लॉरेन चेटली ने पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। अब देखते हैं यहाँ से गेंदबाजी जो है वो किस तरीके से चलेगी। लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। 152 रन बनाने हैं जीतने के लिए एडिलेड स्ट्राइकर को। क्या एडिलेड स्ट्राइकर इस मुकाबले को जीत पाएगी? देवेंद्र डॉटिन पे जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर टाइमर शुरू हो चुका है और गेम भी ऑन हो चुका है। देखते हैं गेम किस तरीके चलता है। पहली गेंद डॉटिन को
लॉरेंस चटली की कोई मौका नहीं रन बनाने का। बढ़िया ये गेंद थी, लेग स्टंप पे ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद गई सीधा मिड ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद यहां पर, कोई भी मौका नहीं रन बनाने का। दिंदु डॉटिन के पास रिक्वायर्ड रन रेट 7.66 की है, शुरुआत काफी अच्छी करनी होगी इस मुकाबले में रन चेज में। देखते हैं किस तरीके से ये रन चेज रहता है। लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एडिलेड को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं एडिलेड जो है इस मुकाबले को जीते। तो क्या यहां से कुछ कमाल हो पाएगा, क्या यहां पर धमाल मच पाएगा। स्पैमर को ब्लॉक कर दीजिए भाई, नीलेश भाई टेंशन मत दीजिए, स्पैमर को बंद कर दीजिए जब वो स्पैम कर रहा है, हाइड कर दीजिए चैनल से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली गेंद, इस बार चटली की, इस बार स्ट्राइक पहने डॉट इन, सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद जा रही है सीधा मिड लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर डॉट इन को, खाता खुला एडिलेड स्ट्राइकर का, स्ट्राइक पे आ गई है मैक। देखते हैं मैक किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। यहां से देवेंद्र डॉट इन पे जिम्मेदारी ज्यादा है कि यहां से शुरुआत के 6 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, रन जोड़े यहां पर। अब मुकाबले में काफ़ी बढ़िया स्कोर हो चुका है, अगर बात करें 152 रन आसान नहीं होता है वुमेन क्रिकेट के अंदर, मगर ये पिच जो है बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, यहाँ से संभल के बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पर जो है अभी बता रही हैं एशली गार्डनर, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच दिख रही है। यहाँ पर लॉरेंस चटली की अगली गेंद, तीसरी गेंद इस ओवर की, स्ट्राइक पे है मैक, ऑस्टन के बाहर ये गेंद कट करा, गेंद को, गेंद जा रही है सीधा पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद यहाँ पर, कोई भी मौका नहीं रन बनाने का। स्कोर अभी भी 1 रन बिना किसी नुकसान के एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है। मैक जो है वह अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेती हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लेती हैं। क्या यहाँ पर शुरुआत में लॉरेंस चटली के ऊपर कुछ बड़े प्रहार करते नजर आएंगे। बात करें अगर स्कोर की तो यहाँ पर 1 रन बना हुआ है, 3 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की। लॉरेंस चटली की अगली गेंद इस बार सामने है मैक बड़ा प्रहार करेंगे, इस बार फिर से ऑस्टन के बाहर ये गेंद, ड्राइव लगाया इस गेंद को, गेंद जा रही है सीधा कवर की दिशा में, फील्डर दौड़ रही है गेंद के पीछे, सूजी बेट्स गेंद को फील्ड कर लेंगी और 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर मैक को। तो मैक का भी खुल गया है खाता, स्कोर हो चुका है एडिलेड का 3 रन बिना किसी नुकसान के। यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है, 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से बनाने हैं। क्या यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रहार करते नजर आएंगे, क्योंकि देखिए देवेंद्र डॉटिन अगर अंत तक बल्लेबाजी करती हैं, 10 ओवर या 11 ओवर तक बल्लेबाजी करती हैं तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकती हैं। यहां से मैक को थोड़ा सा प्रेशर जो है वो हटाना पड़ेगा देवेंद्र डॉटिन के ऊपर। यहां पर मैक को अगली गेंद, चौथी गेंद, इस बार मिडल स्टंप पे ये गेंद थी, खेल दिया इसको स्क्वायर लेग दिशा में, 1 रन तेजी से पूरा कर लिया मैक ने, स्ट्राइक पे आ गए हैं डॉटिन। स्कोर हो चुका है 5 गेंदों के बाद 4 रन बिना किसी नुकसान के एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है। देखते हैं यहां से रन चेज जो है किस तरह चलता है, मुकाबला काफी बढ़िया है। आप देखते हैं एडिलेड को सपोर्ट कर रहे हैं, एडिलेड को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं एडिलेड जो है इस मुकाबले को जीते या फिर लॉस कट बुक सेट तो कम से कम करवाए। यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए काफी बढ़िया माहौल चल रहा है इस मुकाबले में। अगली गेंद बार लॉरेंस चटली की ओवर की आखिरी गेंद, सामने है डॉटिन, क्या बड़ा प्रहार होगा। जी हाँ, बड़ा प्रहार किया डॉटिन ने, खेल दिया इस गेंद को सीधा यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रन के लिए। फील्डर मौजूद था, फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई 6 रन के लिए। कोशिश जरूर करी फील्डर ने मगर गेंद को रोक नहीं पाएंगी और 10 रन बन चुके हैं यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर के बिना किसी नुकसान के। देवेंद्र डॉटिन ने यहां पर अपने हाथ और बाजुएं खोलना शुरू कर दिया है। इस ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया है छक्का, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइक पे होंगी मैक, यहां पर शुरुआत इसी तरीके से करनी होगी आज देवेंद्र डॉटिन और मैक को। मैक भी यहां से चाहेंगे कि बड़े शॉट लगाए, कम से कम 6 ओवर में 45 से 50 रन जोड़े जाएं जिससे दबाव जो है वो सिडनी सिक्सर के गेंदबाजों के ऊपर आ जाए। एलिसा पैरी फील्ड को सेट कर रही हैं, अब देखते हैं किसको ओवर देंगे या फिर खुद गेंदबाजी करने आएंगी। यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट 7.47 का है यहां पर। यहाँ पर अगर स्कोर की बात की जाए तो 142 रन चाहिए जीतने के लिए 114 गेंदों में। तो यहाँ पर ब्राउन को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, पिछले मुकाबले में इसी पिच पे काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी थी। अब देखते हैं यहाँ से किस तरीके से मुकाबला चलता है, मुकाबला काफ़ी बढ़िया होगा। चलते हैं ज़रा यहाँ पर मुकाबले की तरफ। अगली गेंद ब्राउन के इस ओवर की, पहली गेंद मैक है स्ट्राइक पर, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड करार देंगे अंपायर, एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ खाते में एडिलेड के, 11 रन बिना किसी नुकसान के। यहां से धीरे धीरे तैयारी कर लीजिएगा लॉस कट बुक सेट करने के लिए, क्योंकि यहां से हमें लग रहा है कि ऑड्स जो है वो सही तरीके से ऊपर जाएगा, वहां पर हम लॉस कट और बुक सेट करेंगे। उम्मीद करेंगे ये ओपनिंग बल्लेबाज जो है यहाँ से थोड़े से ताबड़तोड़ रन बनाए। स्ट्राइक पे मौजूद है मैक, देवेंद्र डॉटिन नॉन स्ट्राइक रन पे मौजूद है। मैक को अगली गेंद, इस बार पहली गेंद दूसरे ओवर की, इस बार लेग स्टंप से फिर से एक बार फिर से बाहर गेंद, ये 2 लगातार 2 वाइड गेंदें यहाँ पर कर दी हैं ब्राउन ने। स्ट्राइक पे मौजूद है मैक, स्कोर हो चुका है एडिलेड का 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है,
हेडलेस स्ट्राइकर वुमेन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर वुमेन्स का ये मुकाबला है। 152 रन का टारगेट दिया है यहाँ पर जो हेडलेस स्ट्राइकर को। शुरुआत अच्छी हुई है, 12 रन बन चुके हैं 6 गेंदों के अंदर। इस ओवर में 2 वाइड आ चुकी है। पहली गेंद इस बार फिर से मिडल स्टंप पे, गेंद इस बार हल्का तो खेला, इसको ऑन साइड की तरफ 1 रन दौड़ लिया मैक ने। स्ट्राइक पे आ गए हैं देवेंद्र डॉटिन। डॉटिन अपना पहला मुकाबला खेल रही है इस WBBL का, तो क्या यहां से कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आएंगे देवेंद्र डॉटिन। गेंदबाजी काफी अच्छी करी है आज, बल्लेबाजी जो है वो ताबड़तोड़ करती हैं। वेस्ट इंडीज की ओपनर बल्लेबाज हैं, डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करती हैं, प्लस छोटी सी हाइट है मगर जो ये कहते हैं ना बल्लेबाजी बिल्कुल ताबड़तोड़ है। अगली गेंद इस बार देखते हैं, दूसरी गेंद दूसरे ओवर की, स्ट्राइक पे है डॉटिन। ब्राउन की ये गेंद सामने है डॉटिन, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ा सा डिफेंस कर लिया इस गेंद को, कोई भी मौका नहीं रन बनाने का। 13 रन बिना किसी नुकसान के, 1.2 गेंदे हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा। चलते हैं जरा, 652 लाइक हो चुके हैं, 48 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा पहुंच जाएगा यहाँ पर 100 लाइक्स का। चलते हैं जरा यहाँ पर मुकाबले की तरफ, आगे देखते हैं क्या होगा इस मुकाबले में। अगली गेंद, तीसरी गेंद इस बार डॉटिन को, फुलन की गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद को गेंद जा रही है हवा में, यहाँ पर देखना होगा, फील्डर दौड़ जरूर रही है मगर कोई फायदा नहीं है। गेंद गई है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एक और छक्का डॉटिन के बल्ले से, खूबसूरत ये शॉट था, 18 रन बन चुके हैं भी। यहाँ पर 1.3 गेंदें हो चुकी है और एडिलेड फेवरेट आ चुकी है। जो भाई ने लॉस लगाया है लॉस को जीरो कर लीजिएगा इस सिचुएशन के मुकाबले में। यहाँ पर डॉटिन ने 78 मीटर की ये बाउंड्री लगा दी है, छक्का बड़ा जबरदस्त था। जब भी गेंद फुल लेंथ की हो रही है सीधे बल्ले से खेल रही है और बाउंड्री के बाहर छक्का बटोर रही है। 2 छक्के लगाए हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में। अगली गेंद इस बार चौथी गेंद ब्राउन के इस ओवर के सामने है डॉटिन। शॉर्ट पिच गेंद करी थी, जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के पास एली सहीली के पास। इस ओवर में भी 8 रन आ चुके हैं, गेंदे हुई हैं 3। मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है। एडलीड स्ट्राइकर को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं इस मुकाबले को जिताएं यहां पर देवेंद्र डॉटिन। क्या जिता पाएंगी देखना होगा। पावर प्ले में कम से कम 40 से 45 रन बनाने पड़ेंगे अगर दबाव डालना है तो यहां पर सिडनी सिक्सर वुमेन्स के ऊपर। देवेंद्र डॉटिन पावरफुल बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाज। अगली गेंद पांचवी गेंद ब्राउन के इस ओवर के सामने है डॉटिन। इस बार फिर से फुल की गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। लॉन्ग ऑन का फील्डर जो है गेंद को फील्ड कर लेगा, 2 रन मिल जाएंगे देवेंद्र डॉटिन को। स्ट्राइक पे आ जाए रखेंगे अपने पास डॉटिन। 21 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम को कर दीजिएगा लाइक। मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है। 21 रन बन चुके हैं एडिलेड स्ट्राइकर के और स्ट्राइक पे मौजूद है डॉटिन। 131 रन चाहिए जीतने के लिए अभी भी 109 गेंदों में। अगली गेंद डॉटिन को इस बार पांचवी गेंद शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया, गेंद को गेंद जा रही है सीधा पॉइंट की दिशा में। रन लेने की मंशा यहां पर थी नहीं डॉटिन की और डॉट गेंद हो गई है। आखिरी गेंद 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना किसी नुकसान के एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। स्ट्राइक पे होंगी मैक। अब देखते हैं मैक को गेंदबाजी करने कौन आता है तीसरे ओवर के। 666 लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है 666 लाइक्स हो चुके हैं। 34 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा पूरा हो जाएगा यहाँ पर 700 लाइक्स का। टॉटिन जो है समझ बूझ के बल्लेबाजी कर रही है, अच्छी सोच है कि जो गेंद ऊपर रह रही है उसको बड़े शॉट्स में तब्दील कर रही हैं और जो गेंद शॉर्ट पिच रह रही है उसे डिफेंस कर ले रही हैं। तो सोच अच्छी है कि एक इन्हें एक खराब गेंद मिलती है उस खराब गेंद का पूरा फायदा उठा रही हैं देवेंद्र डॉटिन। लॉन्ग ऑन लगाया हुआ है मगर गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकल जाती है और 6 रन मिल जाते हैं यहाँ पर डॉटिन को। 21 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्ट्राइक पे होंगी मैक। अब देखते हैं यहाँ से गेंदबाजी करने कौन आएगा। अगले 2 ओवर और बचे हैं पावर प्ले के। 4 ओवर का पावर प्ले होता है, 2 ओवर का पावर सर्च होता है। ग्रुप एडमिन यहाँ पर मैं एडमिन से कहूँगा, जितने भी हमारे जो है मेंबर्स हैं यार, जो अरुण भाई यार जो स्पैम कर रहा है उन सबको जो है हाइड कर दीजिए। टिंडर इंडर वाले भाई को सबको हाइड कर दीजिएगा। यहाँ पर बुला लिया गया है लॉरेंस चटली को अगले ओवर करने के लिए। लॉरेंस चटली के ओवर की अगली गेंद पहली गेंद बार लेग स्टंप पे गेंद थी, खेल दिया इसको फाइन लेग की दिशा में। एली सहीली दौड़ रही है गेंद के पीछे, 1 रन मिलेगा सिर्फ इस गेंद पर। यहाँ पर स्कोर पहुँच गया एडिलेड का 22 रन बिना किसी नुकसान के। 2.1 गेंद हो चुकी है। यहाँ से डेविन डॉटिन स्ट्राइक पर मौजूद है, हमेशा वी में
खेलती हैं, इसलिए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों जो है बाउंड्री पर रखा गया है। अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा शायद शॉट्स को चेंज करना होगा। डेविड डॉटिन को पावरफुल हिटर बल्लेबाज है, मगर थोड़ा सा केयरफुल खेलना होगा। अगली गेंद बार लॉन चटली के ओवर की दूसरी गेंद सामने है डॉटिन, फिर से फुल रन की गेंद, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, गेंद गई सीधा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई भी मौका नहीं मिलेगा यहां पर रन बनाने का। तो दो गेंदें हो गई हैं इस ओवर की, स्कोर हो चुका है एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स का 22 रन बिना किसी नुकसान के। जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ, क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे आप हमारे स्ट्रीम को देख रहे हैं। मजा आ रहा है इस मुकाबले में, मुकाबला काफी बढ़िया है। अगली गेंद पर डॉटिन को शॉर्ट पिच, गेंद पोल कर दिया, गेंद को गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर के, एक और छक्का यहां पर लगाती हुई देंद्र डॉटिन, इस बार डीप मिड विकेट दिशा में। टारगेट बिल्कुल सही है, दिमाग में बिल्कुल टारगेट सेट कर लिया कि जो भी खराब गेंद मिलेगी उस पर बड़ा प्रहार करेंगे देंद्र डॉटिन। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद करी, पुल करके छक्का बटोर लिया लॉरेंस चटली के इस ओवर में, स्कोर पहुंच गया यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर का 28 रन बिना किसी नुकसान के। डेविड डॉटिन क्या पावरफुल हिटर बल्लेबाज है, पहला मुकाबला खेल रही है बेवन बिग बैश का और छाप छोड़ रही है इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट के अंदर अपना 3 छक्के लगा चुकी हैं अभी तक। स्कोर पहुंच गया डॉटिन का यहां पर 21 रन, 10 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से ऊपर का है। लॉरेंस चटली थोड़े से फील्ड में तब्दीली कर रही हैं यहां पर। ओवर की अगर बात की जाए तो 3 गेंदें करी हैं अभी तक, स्कोर हो चुका है 28 रन, थोड़ी सी महंगी साबित हो रही है। लॉरेंस चटली आज 16 रन दे चुकी हैं। अगली गेंद बार लॉरेंस चटली के इस ओवर की राउंड 10 थम गई है गेंदबाजी करने डॉटिन को, इस बार ऑस्ट्रेलिया के बाहर। ये गेंद फिर से खेल दिया कवर की दिशा में 4 रन के लिए, एक और बाउंड्री यहां पर डॉटिन के बल्ले से, इस बार ऑस्टन के बाहर रखी थी गेंद को, सीधा बल्ला चलाया यहां पर कवर की दिशा में, हवाई फायर किया और किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं बाउंड्री को रोकने का। एक और चौका यहां पर डॉटिन के बल्ले से, 32 रन बन चुके हैं यहां पर बिना किसी नुकसान के। यहां पर अगर बात की जाए 2.4 गेंदें हो चुकी हैं, लग रहा है कि पावर प्ले में ही काम सा तमाम कर देंगे यहां पर सिडनी सिक्सर के गेंदबाजों का। डॉटिन खड़ी हुई है और डॉटिन पे काफी भरोसा है यहां पर एडिलेड की टीम को। लॉरेंस चटली की अगले ओवर की अगली गेंद बार, इस बार स्टम्प टू स्टम्प फेंकी थी गेंद को, हल्के तो खेला जरूर ऑन साइड की तरफ, एक रन लेने की कोशिश की मगर मना कर दिया वहां पर मैक ने, अच्छी सोच यहां पर। 32 रन बन चुके हैं यहां पर, 2.5 गेंदें हो चुकी हैं, आखिरी गेंद बची है यहां पर। कहीं ना कहीं अब यहां पर लॉस कट बुक सेट करने का टाइम आ चुका है और अब लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं, दोनों टीम पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने कहा था वुमेन बिग बैश आपको मालामाल बनाएगा भाई। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, इस बार आखिरी गेंद है, तीसरे ओवर की, स्ट्राइक पे मौजूद है देंद्र डॉटिन, क्या एक और बड़ा प्रहार कर सकती हैं इस ओवर में। अगली गेंद बार फिर से फुल रन की गेंद, इस बार हल्का तो खेला इसको फाइनल की दिशा में, फील्डर मौजूद, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 32 रन बिना किसी नुकसान के यहां पर स्कोर है एडिलेड स्ट्राइकर का। एडिलेड स्ट्राइकर की तूफानी बल्लेबाज डेविड डॉटिन जो है वो काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही हैं, 25 रन बना चुकी हैं, 13 गेंदों का सामना किया है, और ऐसी बल्लेबाजी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर जो है मुकाबला ले जाएंगे। लाइव मैच देखना है तो मैच तो बोलो आईडी देता हूँ, रवि भाई लीजिए लाइव मैच, आप देख लीजिए, आप देखिए लाइव मैच। हमारे व्यूअर्स पहले टीवी ऑन करके बैठे हैं भाई साहब, आपको पता ही नहीं रवि भाई, पहले टीवी करके कुछ लोग टीवी ऑन करके हमारी कमेंट्री लगा के सुन रहे हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस यार, लोग बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट लाइव हिंदी 2 को। अभी 687 लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर, 3 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा प्रभु उच्च आएगा यहाँ पर जो है 700 लाइक्स का। स्ट्राइक पर मौजूद है मैक अब क्या है सर, पहले खुद गेंदबाजी करने आएंगे, बढ़िया गेंदबाज हैं एलिसा प्यारी, क्या खुद गेंदबाजी करने आएंगे यहाँ पर। अगर बात करें करंट रन रेट की 10 से ऊपर चल रही है। सोफी एक्स्टन को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पे मौजूद है मैक, और मैक जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं यहाँ पर देंद्र डॉटिन को। अब यहाँ से देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है। स्ट्राइक पे मौजूद है यहाँ पर मैक, सोफी एक्स्टन फील्ड में तब्दीली कर रही हैं थोड़ी सी, शायद स्क्वायर का फील्डर जो है बाउंड्री की तरफ लेके आ रही हैं, अब देखना हो क्या होगा। सर मैं भी टीवी पर आपकी कमेंट्री ऑन कर दी गुनराज भाई, बिल्कुल मैं तो कह तो रहा हूँ, लोग मान लेते हैं बात को यार गुनराज भाई, टेंशन मतलब लॉस कर बुक सेट कर लो गुनराज भाई, एडिलेड स्ट्राइकर है ये। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, यहाँ पर सोफिया कैस्टन की है पहली गेंद, स्ट्राइक पर मौजूद है मैक, फुल लेंथ की गेंद थी, इस गेंद को बैकफुट पर जाकर डिफेंस कर लिया मैक ने, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो 32 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 3.1 गेंद हो चुकी है। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर होगा क्योंकि 2 ओवर का पावर सर्ज होता है जो आप 10 ओवर के बाद ले सकते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या होता है। अगली गेंद इस बार सोफिया कैस्टन के इस ओवर के, इस बार लेग स्टंप ऑफ स्टंप का ये गेंद थी, कट किया गेंद को, गेंद जाएगी सीधा पॉइंट फील्डर के पास, कोई भी मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का। स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर 32 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 3.2 गेंदें हो चुकी है। क्या बड़े शायद
क्या बड़ा शॉट लगा सकती है यहाँ पर सोफी एक्स्टन के ओवर की अगली गेंद इस बार सामने है मैच इस बार फिर से बैक फुट जाके कट कर दिया गेंद को गेंद जा रही है सीधा डीप पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है वहां पर एक रन मिल जाएगा मैक को स्ट्राइक पे आ जाएंगे देवेंद्र डॉटिन 33 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के 3.3 गेंदें हो चुकी हैं क्या यहां से बड़ा प्रहार हो पाएगा मुझे क्या यहाँ पर बड़ा प्रहार हो पाएगा डेविड डॉटिन से सोफिया कैस्टन T20 की नंबर वन गेंदबाज है सामने बल्लेबाज हैं ताबड़तोड़ डेविड डॉटिन चौथी गेंद कर रही हैं यहाँ पर सोफिया कैस्टन इस ओवर की चौथी गेंद सामने है डॉटिन इस बार बैकफुट पर जाकर डिफेंस कर लिया अच्छी सोच यहाँ पर जानती है कि सोफिया कैस्टन एक चलाक गेंदबाज है उनको उनके सामने जो है संभल के अगर बल्लेबाजी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आप दूसरे गेंदबाज पर अटैक कर सकते हैं यहाँ पर बढ़िया सोच अच्छी डिफेंस यहाँ पर देवेंद्र डॉटिन के बल्लेबाजी में 3.4 गेंदें हो चुकी हैं अगली गेंद पांचवी गेंद डॉटिन को यहाँ पर सोफिया कैस्टन की इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी स्वीप करने की कोशिश थी मिस कर गई इस गेंद को डॉटिन और कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर 33 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के इस ओवर में अभी तक एक रन आया है क्या सोफिया कैस्टन के इस ओवर में बड़ा प्रहार लगाना जरूरी है देखते हैं क्या होता है अगली गेंद डॉटिन को सोफिया कैस्टन की सीधा बल्ले से खेला जरूर गेंद गई सीधा मिड ऑफ की तरफ एलिसा पेरी जी नहीं वहां पर कैच पकड़ा फील्डर ने बढ़िया ये कैच था और पहला झटका लगता हुआ एडिलेड की टीम को 33 रन एक विकेट नुकसान पर बड़ा शॉट लगाने गई सीधे बल्ले से खेला जरूर मगर इस बार मिड ऑफ के फील्डर ने कैच पकड़ा और पहला झटका लग गया यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम को डॉटिन यहां पर आउट हो गई है सफलता दिलाई सोफिया कैस्टन ने 4 ओवर के समाप्ति के बाद 33 रन एक विकेट नुकसान पर जरूरत नहीं थी इस बड़े शॉट की मगर यहां पर बड़ा शॉट लगाया और खामियाजा भुगतना पड़ा देवेंद्र डॉटिन को तो डॉटिन ने बनाए यहां पर 16 गेंदों में 25 रन एक चौका और 3 छक्के लगाए थे ये छोटी सी आतिशी पारी जो है वो खत्म हो चुकी है अभी भी 118 रन चाहिए जीतने के लिए 119 रन चाहिए जीतने के लिए डॉटिन ने बनाए 25 रन 16 गेंदों का सामना किया स्ट्राइक पे होंगी मैक अब देखते हैं नई बल्लेबाज कौन होगी क्या लॉरा वुलवेट खुद बल्लेबाजी करने आएंगे यहाँ पर टाइला मैगराज जो है वो खुद बल्लेबाजी करने आएंगे या फिर लॉरा वुलवेट को भेजेंगे यहाँ पर अच्छी सोच यहाँ पर लॉरा वुलवेट को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए क्योंकि मिडिल ओवर्स में लॉरा वुलवेट जो है वो सिंगल डबल निकालकर बड़े शॉट लगाकर गेम को आगे लेके जाती हैं यहाँ पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है एडिट पे थोड़ा सा दबाव जो है वो शिफ्ट हुआ है क्योंकि डेविड डॉटिन जो है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी वो आउट हो गई हैं यहाँ पर फिर से बुला लिया गया है अब ब्राउन को यहाँ पर ब्राउन आ चुकी हैं बल्ले गेंदबाजी करने के लिए लॉरा वुलवेट जबरदस्त मैच विनर बल्लेबाज है इनका आखिर तक खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है एडिलेड स्ट्राइकर के लिए क्योंकि एक लंबी पारी वाली बल्लेबाज हैं लंबी पारी खेलती हैं 100 में भी हमने देखा है अच्छा परफॉर्मेंस रहता है यहाँ से चलते हैं जरा मुकाबला काफ़ी रहेगा ले लाइव देखना है मैच तो बोलो आईडी देता हूँ अरे भाई कितनी आईडी देंगे अभी जो लोग जो तुम्हें बताते हैं हम चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ इस बार ब्राउन की है पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी अपील जरूर कर रही है एलिसा हीली अंपायर ने इसको वाइड करार दे दिया अंपायर ने इस गेंद को एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ एडिलेड के खाते में 34 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 7 के करीब है यहां से थोड़ा सा संभल के बल्लेबाजी करनी होगी ब्राउन कर रही है गेंदबाजी पहला ओवर काफ़ी महंगा गया था दूसरी गेंद यहाँ पर पांचवी ओवर की पहली गेंद माफी जाएंगे स्ट्राइक पे मौजूद है मैक कोई ऑप्शन के बाहर ये गेंद कट कर दिया गेंद को गेंद जा रही है सीधा डीप पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है यहाँ पर एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर यहाँ पर मैक को स्ट्राइक पे आ जाएंगी लॉरा वुलवेट स्कोर पहुँच गया 35 रन एक विकेट नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है धीरे धीरे गाड़ी को आगे लेके जाना होगा इसीलिए लॉरा वुलवेट को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए इनका लास्ट तक रहना काफ़ी बढ़िया रहेगा अगर ये लास्ट तक बल्लेबाजी करेंगी तभी गेम में एडिलेड जो है बनी रहेगी यहाँ पर ब्राउन जो है वो गेंदबाजी कर रही है ब्राउन के ओवर की अगली गेंद बार तीसरी दूसरी गेंद बार शॉर्ट पिच गेंद थी हल्के तो से खेला इसको डी पॉइंट की दिशा में एक रन दौड़ लिया बल्ले से गेंद लगते ही एक रन के लिए दौड़ लिया और स्ट्राइक पे आ गई मैक यहाँ पर खाता खुलता हुआ लॉरा वुलवेट का स्कोर हो चुका है 36 रन एक विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है मैक है स्ट्राइक पर अब मैक को यहाँ से एक पारी बुननी होगी साथ में लॉरा वुलवेट के तो क्या मैक यहाँ से बड़े प्रहार करेंगे या फिर संभली हुई बल्लेबाजी करेंगे अगली गेंद ब्राउन के इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी खेल दिया स्कोर डी पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ देखना होगा फील्डर मौजूद थर्ड मैन के फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को फील्ड किया 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर 2 नहीं 3 मिल जाएंगे लीजिए जी 3 रन दौड़ लिए अच्छी रनिंग बिटवीन यहाँ पर मैक और लॉरा वुलवेट की रनिंग तो काफ़ी अच्छी है ही साथ में मैक ने भी उनका साथ दिया और यहाँ पर 2 मिले हैं 3 जी 2 रन मिले हैं नहीं 3 रन ले लिए हैं
तीन रन ले लिए हैं इस गेंद पर, स्कोर हो चुका है 39 रन एक विकेट नुकसान पर। बढ़िया रनिंग बिटवीन यहां पर, फील्डर ने भी अच्छी डाइव लगाई वहां पर, गेंद को रोका जरूर है, क्या पैर लग गया था। जी हाँ जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री चेक होगी। जी हाँ, बाउंड्री चेक की जा रही है, थर्ड अंपायर देख रहे हैं कि पैर जो है वो लगा है कि नहीं। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर अगर बात करें, अगर ये बाउंड्री आती तो अच्छा शॉट था, बैकफुट पे जाके कट किया था गेंद को, पॉइंट के बाईं तरफ से गेंद को निकाल दिया। थर्ड मैन के फील्डर ने दौड़ कर गेंद को फील्ड जरूर किया। अब एक बार बाउंड्री को चेक किया जाएगा कि बाउंड्री है कि नहीं। यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, 3 रन तो दौड़ लिए हैं, 1 रन की लड़ाई है। अंपायर चेक कर रहे हैं कि चौका है कि नहीं। 39 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर। यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 4.3 गेंदें हो चुकी हैं। मैक भी बड़े प्रहार लगाने की कोशिश करेंगे, मैग भी यहाँ पर बड़े प्रहार लगाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, चौका नहीं दिया है, 3 ही रन मिलेंगे इस गेंद पर। अगली गेंद इस बार ब्राउन के इस ओवर की, यहाँ पर 3 गेंदें कर चुके हैं, 4थी गेंद ब्राउन की इस बार स्ट्राइक पर मौजूद है। लॉरा वुल्वर्ट शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर लॉरा वुल्वर्ट को। स्ट्राइक पर आ गई हैं मैक यहाँ पर 10 गेंदें खेलकर 9 रन बनाकर खेल रही हैं, और मैक पर जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि डॉटरिन आउट हो चुकी हैं। अब यहाँ से कोशिश मैक की रहेगी पारी को लंबा लेके जाया जाए। 4 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की, अभी तक बात की जाए तो कम से कम जो है 7 रन आ चुके हैं इन 4 गेंदों के अंदर, 40 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर जो है वो बाउंड्री पे हैं। यहाँ पर अगली गेंद इस बार 5वीं गेंद ओवर की ब्राउन के सामने है। यहाँ पर मैक का एक और बड़ा प्रहार, जी हाँ, ऑस्टम के बाहर ये गेंद ड्राइव लगाया इस गेंद को, गेंद गई सीधा मिड ऑफ फील्डर की तरफ, 1 रन तेजी से पूरा कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैक आखिरी गेंद पर आया है सिंगल, यहाँ पर 5वीं गेंद पर आया है सिंगल, स्ट्राइक पर आ गए हैं लॉरा वुल्वेट, स्कोर हो चुका है 41 रन एक विकेट नुकसान पर। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है। नाज कबरान भाई कह रहे भाई मेरा नाम ले लिया है भाई आपको, काफ़ी लोग काफ़ी टेंस हैं, ये मुकाबला बड़ा रॉक एंड रोल चल रहा है भाई, रोलर कोस्टर चल रहा है। अगली गेंद लॉरा वुल्वेट को शॉर्ट पिच गेंद थी, कट करने गई, इनसाइड एज लगा, आखिरी गेंद डॉट गेंद रहेगी। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर, 111 रन चाहिए जीतने के लिए 90 गेंदों के अंदर। क्या 90 गेंदों में 111 रन बना पाएंगे यहाँ पर एडिलेड के बल्लेबाज? बल्लेबाजी में अगर बात की जाए तो काफ़ी बल्लेबाज अभी बाकी हैं, अब देखते हैं कौन कौन बल्लेबाज है। टायलर मैकग्रॉथ है, पैना है, यहाँ पर पैटरसन है, वेलिंगटन है, अब देखते हैं मैकफार्लिन इस टीम के अंदर है, देखते हैं किस तरीके से गेम चलता है। अगर बात की जाए तो 111 रन चाहिए जीतने के लिए 90 गेंदों के लिए, अभी रिक्वायर रन रेट जो है वो 7.40 की है। तो यहाँ पर इसमें बहुत, यहाँ पर बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है इस मुकाबले में, अब देखते हैं किस तरीके से गेम चलता है। गेम को जुड़ जाइएगा, गेम में जुड़ रहिएगा यहाँ से, अब देखते हैं किस तरीके से गेम चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, देखते हैं यहाँ से किस तरीके से ये गेम जो है वो आगे बढ़ता है। यहाँ से थोड़ा सा जो है वो कोशिश ज़रूर कर रही हैं, कोशिश ज़रूर कर रही हैं यहाँ पर मुकाबले को आगे ले जाने के लिए। एशली गार्डनर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पे हैं मौजूद यहाँ पर जो है अब मैक को गेंदबाजी करेंगे एशली गार्डनर, देखते हैं किस तरीके से गेम चलता है। पहली गेंद ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है इस बार मैक को, बड़ा शॉट खेलने गई, आउटसाइड एज लगा, गेंद निकल गई सीधा शॉट थर्ड मैन की दिशा में, और यहां पर 2 रन मिल जाएंगे मैक को। तो किस्मत का सहारा बहुत मिल रहा है यहां पर मैक को, 2 रन दौड़ लिए यहाँ पर मैक ने, और स्कोर पहुँचा दिया है एडिलेड का 44 रन एक विकेट नुकसान पर। यहाँ पर मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, 6ठा ओवर चल रहा है इस गेम का। पावर प्ले जो है 4 ओवर का होता है, 2 ओवर पावर सर्च का होता है, देखते हैं यहाँ से किस तरीके से गेम चलता है। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद है लॉरा वुल्वेट, इस बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद कट कर दिया गेंद को, गेंद गई सीधा पॉइंट के फिल्टर के पास, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहाँ पर, 1 रन दौड़ लिया लॉरा वुल्वेट ने, स्कोर पहुँच गया यहाँ पर 45 रन बन चुका है एक विकेट नुकसान पर, 152 रन का टारगेट है और पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ और जुड़ते हैं आप सबके साथ, काफ़ी लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो भाई स्पैम कर रहा है या जो भाई उल्टा सीधा बोल रहा है मार दीजिए, ब्लॉक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एशली गार्डनर जो है वो यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया गेंद को, 3री गेंद थी है, गेंद गई है सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन और मिल जाएगा इस गेंद पर, लॉरा वुल्वेट आ जाएंगे स्ट्राइक पर वापस, 46 रन एक विकेट नुकसान पर। यहाँ पर शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, शुरुआत को आगे लेके जाना होगा खासकर लॉरा वुल्वेट और मैक को। यहाँ पर स्ट्राइक पर मौजूद है लॉरा वुल्वेट, एशली गार्डनर की अगली गेंद ओवर की, इस बार थोड़ा सा फ्लाइट डिलीवरी थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर, इनसाइड एज लग गया, यहाँ पर कोई भी मौका नहीं रन बनाने का,
स्कोर की अगर बात की जाए तो 46 रन बने हुए हैं, एक विकेट नुकसान पर 5.4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की। क्या बड़ा प्रहार होगा, क्या बड़ा प्रहार होगा यहाँ पर देखना होगा। अगली गेंद इस बार स्ट्राइक पे मौजूद है यहाँ पर लॉरा वुलवेट। क्या लॉरा वुलवेट एक चौका बटोरेंगे इस ओवर में, क्योंकि आपको 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। अगली गेंद एशली गार्डनर के इस ओवर के सामने है, लॉरा वुलवेट इस बार थोड़ा सा सीधी ये गेंद थी, पुल कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है सीधा डीप मिड विकेट दिशा में। 1 रन के लिए यहाँ पर 1 रन मिल जाएगा लॉरा वुलवेट को, स्कोर पहुँच जाएगा यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर का 47 रन 1 विकेट नुकसान पर। बात करें यहाँ पर मुकाबले की तो आखिरी गेंद बची हुई है 6th ओवर की, शुरुआत काफ़ी बढ़िया हुई है। क्या मैक यहाँ से कुछ बड़े शॉट्स लगा सकती हैं देखना होगा। अगली गेंद इस बार मैक को शॉट थोड़ा सा स्टेप आउट जरूर किया, मगर सीधे बल्ले से डिफेंस कर लिया इस गेंद को, कोई भी मौका नहीं यहाँ पर। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी एशली गार्डनर के इस ओवर की। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं 47 रन 1 विकेट नुकसान पर। यूं कहें कि पावर प्ले अगर मान के चलिए कि 6 ओवर में 47 रन बनते हैं, आप 150 रन चेस कर रहे हैं, तो एक अच्छा स्कोर है। यहां से अब 7 से लेकर 15 ओवर के फेज में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, गेम को आगे लेके जाना होगा। क्या गेम को आगे लेके जाएंगे यहां पर देखना होगा। 738 लाइक हो चुके हैं, 22 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा पूरा हो जाएगा यहां पर 750 लाइक्स का। असल लोग जो है हमारी कॉमेंट्री सुन रहे हैं क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे। मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा, मैं हूं दिल्ली से। अगर आप कहीं और सुन रहे हैं तो फिर आपकी गलती है, मगर क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे अगर आप जो है जुड़े हुए हैं, आप सभी के मैसेज जो है वो लिए जाएंगे। फनी विशन भाई कह रहे 7 ओवर में 6.5 एजस, भाई ये कहना मुश्किल है, तो लक की बात है यार। फनी वर्जन भाई, अब देखो क्या होता है, बल्लेबाजी तो ठीक ठाक हो रही है, लॉरा वुलवेट जो है संभल के बल्लेबाजी करेंगे। मैक का कुछ लग रहा है कि मैक छोड़ से शायद छटपटा रही है बड़े शॉट खेलने के लिए। सोफिया कैस्टन को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद सीधे बल्ले से जरूर खेला यहाँ पर लॉरा वुलवेट ने, सोफिया कैस्टन ने गेंद को फील्ड किया, कोई भी मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का। पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद 7th ओवर की, स्ट्राइक पे है लॉरा वुलवेट। दूसरी गेंद इस ओवर की सामने है यहाँ पर, सामने है यहाँ पर लॉरा वुलवेट। इस बार ऑस्टम पे गेंद थी, खेला इसको ऑन साइड की तरफ, फील्डर वहाँ पे भी मौजूद। दूसरी गेंद भी डॉट गेंद होती हुई यहाँ पर, 47 रन 1 विकेट नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है। अगली गेंद इस बार सोफी कैस्टन के ओवर की तीसरी गेंद, 7 ओवर की तीसरी गेंद, इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट किया, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद। 1 रन मिल जाएगा, 1 रन और जुड़ता हुआ एडिलेड के खाते में। अगर स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर स्कोर हो चुका है 48 रन 1 विकेट नुकसान पर 7.3 गेंदों के बाद। थोड़ा सा रन गति को जो है कंट्रोल रखना होगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट रेट जो है वो 7.5 की हो चुकी है। बता दें आज एक और मुकाबला है ब्रिस्बेन हीट वर्सेज मेलबर्न स्टार का, दोनों टीमें जो है फिर से ग्राउंड में पहुंच गई हैं। ब्रिस्बेन की हीट की शुरुआत आज खराब हुई थी, पहला मुकाबला हारे थे, क्या आज जीत पाए। अगली गेंद सिडनी सिक्सर को इस बार फाइन लेग की दिशा में खेल दिया यहाँ पर, इस बार दिल स्कूप किया और फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, बाउंड्री मिल जाएगी। शॉर्ट थर्ड मिनट का फील्डर दौड़ रहा था गेंद के पीछे, मगर दर्शक बन के ही रह गया है। चौका मिल जाएगा इस बार मैक को, तो मैक भी एक जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर, अपना नाम जो है बना रही है बिग बैश लीग में। स्कोर हो चुका है 52 रन 1 विकेट नुकसान पर यहाँ पर, 7.4 गेंदें हो चुकी हैं मुकाबले में यहाँ पर, 6.4 गेंदें हो चुकी हैं। 7वां ओवर चल रहा है, 5वीं गेंद इस ओवर की सोफिया कैस्टन की, इस बार फलन की गेंद स्वीप कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है शॉर्ट फाइनल की दिशा में। 1 रन तेजी से पूरा कर लेंगे यहाँ पर मैक, एक और रन जुड़ता हुआ खाते में एडिलेड के। एडिलेड का स्कोर पहुंच गया 53 रन 1 विकेट नुकसान पर। दबाव बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, दबाव बना के रखा हुआ है सिडनी सिक्सर वुमेन्स की गेंदबाजी के ऊपर। स्ट्राइक पे हैं लॉरा वुलवेट, आखिरी गेंद 7वें ओवर की, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे सोफिया कैस्टन इस बार। अगली गेंद आखिरी गेंद सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद को फील्ड कर लिया सोफिया कैस्टन ने, कोई भी मौका नहीं इस गेंद पर रन बनाने का। 53 रन बन चुके हैं 1 विकेट नुकसान पर, 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एडिलेड को सपोर्ट कर रहे थे सुबह से ही, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सिडनी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस कर रही है, मगर मैंने कहा था कि एडिलेड भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रहा है। चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, मुकाबले में कोशिश यही कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज की पार्टनरशिप को आगे लेके जाया जाए। अगले 5-6 ओवर अगर 6 ओवर में अगर 40 रन और जोड़ते हैं तो स्कोर धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। देखते हैं किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। आज डॉटिन ने जिस तरीके से तूफानी पारी खेली है, उसका दबाव जो है वो देखने को मिला है कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर के वुमेन्स के गेंदबाजों के ऊपर। 755 लाइक हो चुके हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगली गेंद बार फिर से स्पिनर गेंदबाज आई है,
यहाँ पर इस गेंद को स्वीप कर दिया। एशली गार्डनर आई है गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद को स्वीप कर दिया यहाँ पर और सिंगल बटोर लिया इसे गेंद पर। स्कोर हो चुका है एडिलेड का 54 रन एक विकेट नुकसान पर। स्ट्राइक पे मौजूद है मैक, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद है यहाँ पर जो है फिर स्ट्राइक पे होंगे लॉरा वुलबेट। लॉरा वुलबेट को अगली गेंद बार थोड़ा सा बैकफुट पे जाके पंच करने की कोशिश थी, इनसाइड एज लगा और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में तेजी से एक रन ले लिया है। एक रन लेने में दोनों बल्लेबाज जो है हिचकिचा नहीं रही है। अच्छी बात है कि यहाँ पर हर गेंद पर सिंगल निकालने की इंटेंशन दिख रही है और तेजी से दौड़ भी रहे हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर की अगर बात की जाए तो 55 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर। दो गेंदें हो गई इस ओवर की एशली गार्डनर की। ओवर द विकेट ये गेंदबाजी ऑफ स्पिन गेंदबाजी थी, पटकी हुई गेंद पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है सीधा मिड विकेट दिशा में, एक रन मिल जाएगा यहां पर। यहां पर जो है बल्लेबाज को दूसरा रन लेने की कोशिश जरूर की लॉरा वुलबेट ने, मगर जरूरत नहीं है दूसरे रन की। सिंगल आ चुका है, क्यों टेंशन ले रही है लॉरा वुलबेट। स्कोर पहुंच गया 56 रन एक विकेट नुकसान पर 7.3 गेंदों के बाद। मैक ने वहां पर वापस भेजा था लॉरा वुलबेट को, कहा कि एक ही रन मिलेगा सिर्फ, और स्ट्राइक पर मौजूद है लॉरा वुलबेट। एशली गार्डनर की ओवर की चौथी गेंद सामने है लॉरा वुलबेट, स्टेप आउट किया सीधे बल्ले से खेला जरूर, मगर यहां पर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया। कोई भी मौका नहीं लॉरा वुलबेट के पास रन बनाने का। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर अभी भी यहां पर 56 रन एक विकेट नुकसान पर। 7.4 गेंदें हो चुकी हैं, 74 गेंदों में चाहिए 96 रन जीतने के लिए, तो क्या यहां से कुछ कमाल करेंगे लॉरा वुलबेट। अगली गेंद एशली गार्डनर के इस ओवर की ऑस्टन के बाहर, ये गेंद इस बार उसके खींच के खेल दिया है डीप मिड विकेट दिशा में 4 रन के लिए। बढ़िया ये शॉट था लॉरा वुलबेट के बल्ले से, इस बार ऑस्टन के ज्यादा ही बाहर रखी थी गेंद को, पुल यहां पर पुल लगाया इस गेंद पर और गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट दिशा में 4 रन के लिए। लॉरा वुलबेट के बल्ले से आता हुआ चौका, स्कोर पहुंच गया 60 रन एक विकेट नुकसान पर। 7.5 गेंदे हो गई है, एडिलेड स्ट्राइकर कोशिश कर रही है यहां पर बल्लेबाजी करने की, जबरदस्त बल्लेबाजी। लॉरा वुलबेट को अगली गेंद बार थोड़ा सा बैकफुट पर जाके ऑन साइड की तरफ खेल दिया, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर लॉरा वुलबेट को और ओवर की हो जाएगी समाप्ति। तो 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 61 रन एक विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है एडिलेड स्ट्राइकर का। यहां से अगर बात की जाए तो 72 गेंदों में चाहिए 91 रन, 72 गेंदें 91 रन की जरूरत है। 762 लाइक हो चुके हैं, 48 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा पूरा हो जाएगा यहां पर 800 लाइक्स का। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे। तो क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर कहीं और जुड़े हुए हैं आप तो क्रिकेट लाइव हिंदी 2 को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि वुमेन बिग बैश के आज 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला चल रहा है, दूसरा मुकाबला 1:30 बजे शुरू होगा, उस मुकाबले में भी जुड़ेंगे आप सबके साथ। तो अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है यहाँ पर जो है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम। 72 गेंदों में चाहिए 91 रन, 7 विकेट हाथ में है। लॉरा वुलबेट और मैक दोनों जो है यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही हैं। जेनफर्ड को बुलाया गया है, जेनफर्ड आ गई है गेंदबाजी करने के लिए, स्पिनर गेंदबाज जेनफर्ड, एंजेलिना जेनफर्ड, स्पिनर नहीं तेज गेंदबाज जेनफर्ड। जेनफर्ड की पहली गेंद लेग स्टंप पर, यह गेंद थी खेल दिया उसको स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर दौड़ रही है, 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। जी हाँ, 2 रन दौड़ लिए लॉरा वुलबेट ने, 2 रन और जुड़ते हुए लॉरा वुलबेट और एडिलेड स्ट्राइकर के खाते में। एडिलेड का स्कोर पहुंच गया 63 रन एक विकेट नुकसान पर। जेनफर्ड जो है वो दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करती हैं, इस बार दिशाहीन गेंद थी, दिशाहीन गेंद को यहां पर भेज दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस मुकाबले में। अगली गेंद इस बार स्ट्राइक पे मौजूद है लॉरा वुलबेट। लॉरा वुलबेट जबरदस्त बल्लेबाज हैं, इनको एक लंबी पारी खेलनी होगी। स्ट्राइक पे है लॉरा वुलबेट। अगली गेंद जेनफर्ड के ओवर की दूसरी गेंद सामने है लॉरा वुलबेट, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर, खेलते ही 1 रन की मांग कर दी थी यहां पर और 1 रन यहां पर मिल जाएगा लॉरा वुलबेट को। स्कोर पहुंच गया एडिलेड का 64 रन एक विकेट नुकसान पर। 8.2 गेंदें हो चुकी हैं, 70 गेंदों में चाहिए 88 रन, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ पर विकेट खोती है एडिलेड की टीम तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगी इस मुकाबले में यहाँ से, इसलिए बल्लेबाज जो है वो संभल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिंगल डबल्स जो है वो रोक रहे हैं, ले रहे हैं, यहाँ पर दौड़ रहे हैं। फील्डर जो है वो सर्कल के बिल्कुल एज पे खड़े हुए हैं। अगली गेंद जेनफर्ड के ओवर की, सीधे बल्ले से खेला मैक ने और खेलते ही 1 रन दौड़ लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच। मैक भी एक कहीं ना कहीं देखिए, मैक भी धीरे धीरे जो है अपनी पारी को आगे बढ़ा रही हैं। अगर स्कोर की बात करें यहाँ पर, स्कोर हो चुका है एडिलेड का
65 रन एक विकेट नुकसान पर 8.3 गेंदें हो चुकी हैं। 69 बॉल्स बचाई है 87 रन जीतने के लिए। मैक ने बनाए हैं 19 गेंदों में 21 रन एक चौका लगाया है। लॉरा विल्बर्ट 16 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रही हैं। उम्मीद है यही एडिलेड जो है इस मुकाबले को जीते। अब देखते हैं क्या होता है अगले गेंद। इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप पे गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद गई सीधा मिड ऑन की तरफ तेजी से, एक रन और पूरा करती हुई यहाँ पर लॉरा विल्बर्ट। बल्लेबाज कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं सिंगल लेने में, और सिंगल चूक नहीं रहे हैं। अच्छी बात है कि सिंगल चूक नहीं रहे हैं और सिंगल और रोटेट करके गेम को आगे लेके जा रहे हैं। जानते हैं कि अंत ओवर तक गेम को ले जाना पड़ेगा अगर एक स्कोर खड़ा करना है तो। अगली गेंद इस बार स्ट्राइक पे मौजूद है यहाँ पर जो है मैक को ये गेंद चैन फट की फुलन की गेंद, इस बार ड्राइव जरूर लगाया, डीप पॉइंट की दिशा में गेंद गई, फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर मैक को। स्ट्राइक पे आ जाएंगे यहाँ पर लॉरा विल्बर्ट, आखिरी गेंद खेलेंगे इस ओवर की। 67 रन लॉस ऑफ 1 विकेट यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है। आखिरी गेंद बची है नवे ओवर की। शुरुआत धीमी ज़रूर है, शुरुआत अच्छी ज़रूर है, ज़बरदस्त ये शुरुआत है एडिलेड की, मगर अंत भला तो सब भला। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, जेनफर्ट की गेंद थोड़ा सा गुड लेंथ पे ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर, गेंद गई सीधा मिड ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद सोफिया कैस्टन, कोई मौका नहीं रन बनाने का। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन लॉस ऑफ 1 विकेट यहाँ पर स्कोर है एडिलेड स्ट्राइकर का। देखते हैं एडिलेड स्ट्राइकर जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ती है, किस तरीके से गेम को आगे लेके जाती है। अब यहाँ से थोड़ा सा कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज की एक आध बाउंड्री जो है ओवर में निकाली जाए। आप सब लोग जो है डेल्टन 7 ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़ रही है हमारे साथ, लिंक को क्लिक करिए, आईडी क्रिएट करिए डेल्टन 7 पर। रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है आपको, यूजर नेम बनाना है, पासवर्ड बनाना है, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी डेल्टिन 7 पे। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है यहाँ पर, और 700 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो 250 रुपये का इंस्टेंट बोनस मिलता है। विड्रॉल काफ़ी फास्ट है, 15 मिनट के अंदर विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है, और डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे फोनपे पेटीएम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर पहली बैट अगर आप करते हैं यहाँ पर, तो आपको पहली बैट का पैसा अगर माइनस हो जाते हैं पहली बैट, तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, तो पहली बैट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। आप देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अब दसवां ओवर चल रहा है यहाँ पर, देखते हैं 10 ओवर की पहली गेंद। बॉल्टन आई है गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर यहाँ पर, और जो है 68 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर, 9.1 गेंद हो चुकी है। अगली गेंद देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे निकोला बॉल्टन। पहली गेंद पर सिंगल ले लिया है यहाँ पर मैक ने, राउंड द स्टंप गेंदबाजी कर रही है राउंड द स्टंप लॉरा विल्बर्ट को। अगली गेंद दूसरी गेंद यहाँ पर, क्या बड़ा प्रहार करेंगे लॉरा विल्बर्ट। अगली गेंद दूसरी गेंद, 10वें ओवर की, स्टेप आउट किया, कवर की दिशा में खेला जरूर, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पर, दौड़ के गेंद को फील्ड कर लेंगे, 2 रन मिल जाएंगे लॉरा विल्बर्ट को। स्कोर पहुंच गया एडिलेड स्ट्राइकर का 70 रन एक विकेट नुकसान पर, 9.2 गेंदें हो चुकी हैं, 64 गेंदों में चाहिए 82 रन यहां पर। बॉल्टन कर रही है गेंदबाजी, तीसरी गेंद यहां पर लॉरा विल्बर्ट को, क्या फिर से स्टेप आउट करते नजर आएंगे। अगली गेंद लॉरा विल्बर्ट को, तीसरी गेंद, इस बार लेग स्टंप पे गेंद थी, फ्लिक कर दिया इसको स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद जा रही है और तेजी से यहाँ पर 2 रन पूरे कर लिए, हल्का तो से खेला जरूर, उसके बाद खेलते टॉप एज लगा है, गेंद जा रही है सीधा फाइन लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा मैक को यहाँ पर। स्कोर हो चुका है एडिलेड स्ट्राइकर का 74 रन एक विकेट नुकसान पर, 9.5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद है इस ओवर की, देखते हैं आखिरी गेंद को किस तरीके से यहाँ पर खेलती हैं। आखिरी गेंद स्ट्राइक पर मौजूद है लॉरा विल्बर्ट यहाँ पर, बॉल्टन के ओवर की आखिरी गेंद, लेग स्टंप पे ये गेंद थी, फ्लिक कर दिया इसको स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, 1 रन तेजी से पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर जो है बल्लेबाज को लॉरा विल्बर्ट को। तो ओवर की हो गई समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन एक विकेट नुकसान पर एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगे लॉरा विल्बर्ट, 22 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रही है, एक चौका लगाया है केटी मैक जो है यहाँ पर 22 गेंद में 24 रन बनाकर खेल रही है, एक चौका लगाया है। अब जुड़ेंगे आप सबके साथ शशांक भाई जुड़ेंगे, आप बताएंगे आगे का मैच का सूरत हाल किस तरीके से आगे का मैच जो है वो चलता हुआ नजर आएगा।
जी हाँ, सभी व्यूअर्स को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज के इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर चलता हुआ, एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 75 रन, एक विकेट के नुकसान पर 10 ओवर हो चुके हैं। ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पर हो चुका है, लोरा वुलरेट खेल रही है 21 रन बनाकर, 22 गेंदों का किया है सामना। दूसरी तरफ है कैटी मैक 24 रन बनाकर खेल रही है, 22 गेंदों का सामना किया है। तो मुकाबला काफ़ी बेहतरीन चलते हुए जिस प्रकार की पारी अंत की थी सिडनी सिक्सर की टीम ने, आखिर के अंदर बेहतरीन तरीके से रन बनाए थे, सेम शुरुआत यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने की है। उम्मीद हालांकि ये करते हैं कि सभी लोग यार अपना लॉस कट बुक सेट करके बैठे होंगे, दोनों तरफ प्रॉफिट बना के बैठे होंगे। यहां से हो सकता है कि एक बार आपको यहां से और एंट्री दी जाए तो कोशिश करेंगे इसके बारे में कि भाई एंट्री यहां से आपको एक और यहां से मिले। हालांकि अभी ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा सभी लोग, और डेल्टिन 7 पर जाना मत भूलिएगा। देखते हैं आगे सिडनी सिक्सर की टीम का प्लान क्या रहता है। रन तो हालांकि उन्होंने काफ़ी बेहतरीन बनाए हैं, जी हाँ रन उन्होंने काफ़ी बेहतरीन बनाए हैं, तो देखते हैं आज मुकाबला जो है वो किस प्रकार से चलता है। तो चलिए सभी लोग जुड़े रहेगा, लेते हैं तब तक आपके भाई थोड़े से सवाल आपके लेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ से सवालों की तो नीलेश भाई जुड़े हैं, चलो भाई चलते हैं। शशांक भाऊ कहाँ चलते हैं, नीलेश भाई कहाँ चले भाई, नीलेश भाई। गुणराज भाई ने लिखा शशांक त्यागी दिवाकर मिश्रा प्रॉफिट का दूसरा नाम, थैंक यू भाई गुणराज भाई, बस जुड़े रहिएगा भाई, जुड़े रहिएगा बस ऐसे ही भाई। अभी इस मुकाबले में एक एंट्री आनी बाकी और है, जी हाँ एक एंट्री अभी यहाँ पर और आएगी, वो भी आपको बताएंगे। अभिषेक भाई ने लिखा विकेट लो, सला पैरी ने टेस्ट इनिंग खेल के हरवा दिया। मिलोन हुसैन ने लिखा हु विन, शमशेर अंसारी ने लिखा है बेट्स आज तो बॉलिंग कर ले तो पक्का विकेट लेगी। सनी चौधरी ने लिखा है एडिलेड विन है, आराम से एंट्री नहीं होगा अब। सनी भाई ये क्रिकेट का मुकाबला है, वुमेन्स का मुकाबला है भाई, वुमेन्स का मुकाबला है सनी भाई। अगर आप वुमेन्स के मुकाबले को आप क्लोजली फॉलो करेंगे तो आपको आखिरी के ओवर में भी एंट्री यहाँ पर मिलने की उम्मीद रहेगी। यासिर भाई ने लिखा लॉस कट बुक सेट डन, बस यासिर भाई लॉस कट बुक सेट हो चुका है, तो अब इंतजार कीजिएगा, कोशिश करेंगे यहां से एक और एंट्री देने का। नवीन कुमार भाई ने लिखा भाई एंट्री अभी ले क्या हल्के पे, नवीन भाई अभी नहीं एंट्री आपको ऐसी देंगे भाई कि आपके जो प्रॉफिट का जो आपका प्रॉफिट हुआ है सिर्फ उसका 10% ही आप भाई दाव पे लगाएं। तो चलिए यहां से लॉरेन चीटल आ गई है गेंदबाजी करने के लिए, चीटल करेंगी गेंदबाजी। यहां पर पहली गेंद यहां पर डाली थी केटी मैक को, सिंगल यहां पर आ चुका है, स्ट्राइक हो गई अब लोरा वुलवर्डाट के पास। अगली गेंद यहां पर चीटल की यहां पर डालते हुए लोरा वुलवर्डाट को, यहां पर यह बेहतरीन गेंद थी, इस गेंद को हल्के हाथों से यहां पर खेला, सामने की तरफ दिशा दिखाई, कोई रन लेने का यहां पर मौका नहीं। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 77 रन, एक विकेट के नुकसान पर, 10.3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए देखते हैं आगे का जो मुकाबला है वो किस प्रकार से यहां पर चलता है और कैसे एडिलेड के जो प्लेयर्स हैं वो भाई अपनी पारी को संभालते हैं, क्योंकि अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 7.93 का पहुंच चुका है रिक्वायर्ड रन रेट। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगली गेंद, जी हाँ यहाँ पर रन आउट यहाँ पर होते हुए चीटल की ये गेंद थी, गेंद को बिल्कुल 30 गज के दायरे के अंदर खेलकर रन चुराना चाहती थी यहाँ पर कैची मेक, और यहाँ पर विकेट मिल चुका है, विकेट यहाँ पर मिल चुका है रन आउट के तौर पर। एडिलेड स्ट्राइकर की टीम को दूसरा झटका यहाँ पर लगते हुए, जी हाँ काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग देखते हुए हम फील्डर के द्वारा सीधा डायरेक्ट हिट यहाँ पर लगी है और रन आउट यहाँ पर करते हुए। तो चलिए दूसरा झटका यहाँ पर लग चुका है और काफ़ी बड़ा ये विकेट मैं कहना चाहूँगा एडिलेड स्ट्राइकर का गिरा है इस वक्त पर, जहाँ से पारी को संभालना था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट भी अगर आप देखेंगे तो 8 से ऊपर का पहुँच चुका है। अब 8 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन चाहिए बाकी के बचे हुए 10 ओवर्स के अंदर। चलिए यहाँ पर भाई विकेट गिरता हुआ, दूसरा झटका यहाँ पर लगते हुए टीम को एडिलेड स्ट्राइकर की, स्कोर है 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए देखते हैं मुकाबला, जी हाँ यहाँ से रनआउट होकर जा चुकी है लोरा वुलवर्डाट, जी हाँ बेहतरीन तरीके से एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जुड़े रहिएगा सभी लोग, यार थोड़ा सा बीच बीच में इंटरनेट का इशू है, कई बार आ जाता है, तो जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत जल्द उसको ठीक भी कर लेते हैं। बीच में कई बार 10 या 12 सेकेंड के लिए प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, बीच में स्ट्रीम रुक जाती होगी, लेकिन बने रहिएगा उस कोशिश को भाई, उस मैटर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आ चुकी है ताहिला मैग्रात बल्लेबाजी करने के लिए, दूसरी तरफ है कैटी मैक जो कि 28 रन बनाकर खेल रही हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी हो गई यहाँ पर कैटी मैक के कंधों पर, कैटी मैक क्या यहाँ पर वो पारी खेल पाएगी, जी हाँ, जो टीम को यहाँ से जिता दे। एडिलेड का स्कोर है 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 10.5 ओवर की समाप्ति के बाद। यहाँ से देखते हैं मुकाबला किस प्रकार से चलता है, जी हाँ 5 गेंदें हो चुकी हैं, आखिरी गेंद यहाँ पर ताहिला मैग्रात के लिए, बेहतरीन तरीके से गेंद को कट कर दिया पॉइंट के
फील्डर को गेंद पार कर लेगी, जाएगी सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। चलिए इस ओवर में सब कुछ यहां पर घटित होते हुए विकेट यहां पर आ चुका है, तीन रन दौड़कर इस ओवर में लिए गए हैं और आखिरी गेंद पर चौका भी यहां पर मिल चुका है। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 84 रन, दो विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए चाहिए 68 रन, गेंदें बची हुई है यहां से 54। हालांकि रन देखिए काफी कम है, सिडनी सिक्सर्स की टीम को यहां से विकेट लेने होंगे अगर इस मुकाबले के अंदर वापसी करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या यहां से विकेट ले पाती है सिडनी सिक्सर्स की टीम, क्योंकि रन तो काफी बेहतरीन बनाए थे आज, रन काफी बेहतरीन यहां पर बनाए थे सिडनी सिक्सर्स की टीम ने। लेकिन एडिलेड की टीम देखिए सक्षम है, इस रन को चेज करने के अंदर सक्षम है। लगातार अगर यहां से एक या दो विकेट अगर गिरते हैं तब जाकर मौका बन सकता है सिडनी सिक्सर्स के पास इस मुकाबले को जीतने का। चलिए सोफी एक्लिस्टेन आ गई है यहां पर स्पिन गेंदबाजी को इंट्रोड्यूस एक बार फिर से किया गया है। सोफी एक्लिस्टेन करेंगी गेंदबाजी, सामने होंगी कैटी मैक जो कि 28 रन बनाकर खेल रही है, अब तक मात्र एक चौका लगाया है सिर्फ। जी हां, बाउंड्रीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है कैटी मैक ने, दौड़कर तेजी से दौड़कर दो डबल रन तीन रन यहां पर लिए। चलिए सोफिया क्लिस्टन की यहां पर पहली गेंद, इस गेंद को यहां पर स्कूप शॉट लगाना चाहती थी लेकिन यहां पर बाल बाल बचते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए कोई रन नहीं मिलेगा। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 84 रन, दो विकेट के नुकसान पर 11.1 ओवर की समाप्ति के बाद। सोफिया क्लिस्टन यहां पर अपनी अगली गेंद डालते हुए कैटी मैक को, कैटी मैक देखना होगा। जी हां, इस बार यहां पर स्वीप कर दिया है, गेंद काफी देर हवा में है, क्या फील्डर के पास जाएगी? जी नहीं, स्क्वेयर लेग पे बाउंड्री लाइन पे फील्डर मौजूद थी लेकिन गेंद थोड़ा सा पहले गिर गई और यहां पर दौड़कर एक रन तेजी से पूरा कर लिया। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 85 रन, दो विकेट के नुकसान पर 11.2 ओवर की समाप्ति के बाद। ताहिला मैगरा, जी हाँ, पहली गेंद खेली है, पहली गेंद पर ही चौका यहां पर बटोर लिया है अपने लिए। तो शुरुआत यहां पर साफ यहां पर दिखती हुई शुरुआत ताहिला मैगरा के बल्ले से, जी हाँ, तैयार होकर आई हैं, जानती हैं यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगी तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी एडिलेड स्ट्राइकर को इस मुकाबले में जीतने के लिए। लेकिन अगर प्रेशर थोड़ा सा भी यहाँ पर लेंगी दोनों बल्लेबाज तो फिर जाकर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ अगली गेंद, यहाँ पर एक बार फिर से बल्ला घुमाने का प्रयास किया था ताहिला मैगरा ने लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 85 रन, दो विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की समाप्ति के बाद। ताहिला मैगरा, देखना होगा, शायद ताहिला मैगरा को बोला गया कि आपको जाकर शॉट्स लगाने हैं, बड़े बड़े शॉट्स आप खेलिएगा यहां पर। जी हां, यहां पर देखते हैं लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास है। एक बार फिर से यहां पर इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का किया प्रयास, गेंद जाती हुई सीधा फील्डर के हाथों में, लीजिए तीसरा झटका यहां पर लगते हुए एडिलेड स्ट्राइकर की टीम को, 85 रन, स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। ताहिला मैगरा कप्तान है, अभी अभी आई थी, हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहती थी, 2 या 3 ओवर में ही टीम को मुकाबला जिताना चाहती थी लेकिन ऐसा होता नहीं है। नया बल्लेबाज जब भी आता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 4-5 गेंदें अगर सही प्रकार से खेलती उसके बाद अपनी पारी को आगे बढ़ाती तो काफी बढ़िया रहता है एडिलेड की टीम के लिए। एडिलेड का स्कोर है 85 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 11.5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए रिक्वायर्ड रन रेट अब तेजी से बढ़ता हुआ 8.20 का। ताहिला भी आउट होकर जा चुकी है, एडिलेड की टीम अब संकट में यहां पर। जी हां, संकट के बादल यहां पर मंडराते हुए एडिलेड स्ट्राइकर की टीम के ऊपर। 85 रन स्कोर है, 3 विकेट हो चुकी है, जीतने के लिए चाहिए 67 रन, गेंदें बची हुई है 49 रन, ज्यादा नहीं है लेकिन मोमेंटम अब पूरी तरह से सिडनी के साथ है, दो ओवर में 2 विकेट यहां पर आ चुके हैं। अभी भी यहां पर इस ओवर की 1 गेंद बची हुई है, रन बनाने का, तेज गति से रन बनाने का दबाव है अब एडिलेड स्ट्राइकर के ऊपर, यहां से विकेट भी नहीं खो सकते हैं। जी हां, 3 विकेट ऑलरेडी यहां से हो चुकी है, 1 विकेट लेने में अगर सिडनी सिक्सर की टीम कामयाब हो जाती है अगले 1 या 2 ओवर में तो देखिएगा अंत तक मुकाबला यह जाएगा, आखिरी गेंद तक यह मुकाबला जाएगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव अभी इस मुकाबले में आने बाकी है, जो आपने अभी तक देखा। जी हाँ, 12 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं, 12 ओवर की समाप्ति के बाद एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 86 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए चाहिए यहाँ से 66 रन, गेंदें बची हुई हैं यहाँ से 48। तो चलिए देखते हैं मुकाबला किस प्रकार से चलता है। रोमन भाई ने लिखा, बांग्लादेश में अजान होती है, साइलेंट प्लीज ऑल सन्नी चौधरी, अब फंसा सर बिकॉज 3 विकेट हुए, फंस गए। सन्नी भाई बिल्कुल फंस गया है, मैंने आपको बोला था सन्नी भाई कि ये वुमेन्स का मुकाबला है, आप बोल रहे थे कि यहाँ से पक्का जीत जाएगी, भाई ऐसे नहीं होता, ये मुकाबला अभी भी आखिरी गेंद तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिडनी सिक्सर की टीम यहाँ से ये मुकाबला जीत चुकी है, क्योंकि यहाँ से अभी भी चांस है एडिलेड के पास। एक ओवर अगर अच्छा आता है, एक ओवर अगर 10 या 15 रन का यहाँ से आ जाएगा तो पूरी तरह से एडिलेड की टीम एक बार फिर से हावी हो जाएगी। शमशेर अंसारी ने लिखा, के मैक को आउट कर ले, समझे सिडनी सिक्सर विन। संजय कुमार ने लिखा है, और गया विकेट। मिस्टर भाई ने लिखा, शमशेर वे आपका नंबर दे दो टेलीग्राम नेम। राहुल भाई ने लिखा, अजान होती है,
तो तेरा फोन का स्पीकर बंद कर ले भाई। फरहान भाई ने लिखा है एडिलेड विन, सोनू पाटिल सिडनी ही जीतेगा। चलिए सवाल भाई आप भेजते रहिएगा, स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा। 819 लाइक्स हो चुके हैं तो भाई यहाँ पर लाइक्स का जो आंकड़ा है वो 1000 तक का पहुँचाइएगा। सभी लोग थोड़ा सा वक्त निकाल कर एक बार स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, मुकाबला काफ़ी बेहतरीन चल रहा है और आगे भी मुकाबला काफ़ी बेहतरीन चलने की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर ये बेहतरीन शॉट देखिए, गेंद को यहाँ पर पोल कर दिया फाइन लेग की दिशा में जाते हुए, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन आप आते हुए यहाँ पर। जी हाँ, ब्रिजेट पैटरसन आई है चौका यहाँ पर अपना पहला लगाते हुए। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 90 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए देखते हैं अगली गेंद पर यहाँ पर किस प्रकार से सामना करती है यहाँ पर ब्रिजेट पैटरसन। एक ओवर यहाँ से सिर्फ अच्छा चाहिए, सिर्फ एक अच्छा ओवर यहाँ से एडिलेड की टीम की किस्मत बदल सकता है। इस मुकाबले में जो पीछे चल रही है उसको यहाँ पर आगे कर सकती है, सिर्फ एक बढ़िया ओवर। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगली गेंद, जी हाँ इस गेंद को यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिशा दिखाई थी, पॉइंट की तरफ गेंद जाते हुए विकेट कीपर ने दौड़कर खुद गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने की यहाँ पर संभावना नहीं। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है अभी भी 90 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए चाहिए 62 रन, गेंदें बची हुई हैं यहाँ से 45। जी हाँ, अगर डेल्टिन 7 के ऊपर मैं चेक करूँ तो जो एडिलेड स्ट्राइकर है वो अब यहाँ से 90 पैसे फेवरेट है, 90 पैसे यहाँ से फेवरेट है। और आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा जो हम बता रहे हैं आपको कि डेल्टिन 7 पे आपको पहली बैट फ्री में मिलेगी। आज पहली पारी में हमारे साथ 12 नए व्यूअर्स जुड़े थे, 12 नए लोग आज हमारे साथ जुड़े थे डेल्टिन 7 पे, उसमें से 4 लोग हारे थे। उन्होंने सेशन पे पैसा लगाया था पहली पारी में, 4 लोग वहाँ पे हारे थे, तो 4ों लोगों का पैसा रिफंड आ चुका है। जो उन्होंने बैट हारी थी तो 4ों लोगों का पैसा रिफंड आ चुका है उनके अकाउंट में। आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा, जो लोग पैसा हारे थे जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और टेलीग्राम पर मैसेज किया था, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में सेशन पर पैसा लगाया था वो हार गए थे, तो उनका पैसा वापस रिफंड हो चुका है, उनकी बैट का पैसा वापस उनके अकाउंट में रिफंड हो चुका है। अगर आपको भी पहली बैट फ्री में चाहिए तो आप भी जाकर डेल्टिन 7 के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइव चैट के अंदर मैसेज पिन किया हुआ है, लिंक पे जाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा, पहली बैट खेलिएगा, डिपॉजिट कीजिएगा। अगर जीत जाते हैं तो देखिए बहुत बढ़िया, अगर हार जाते हैं तो पहली बैट का पूरा पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा मात्र आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर। तो उस बात की आप टेंशन मत लीजिएगा, हमें सिर्फ आपको मैसेज करना है। चाहे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी आप मैसेज कीजिएगा, पहली बैट का पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। 4 लोग आ जा रहे थे, 4ों लोगों का पैसा रिफंड हो चुका है उनके अकाउंट में, आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एंजेलिना जेनफोर्ड यहाँ पर एक बार फिर से इस गेंद पर एक सिंगल आते हुए। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 92 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 13 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। ब्रिजेट पैटरसन अभी अभी आई हैं, 6 रन बनाकर खेल रही हैं 3 गेंदों का सामना करते हुए। दूसरी तरफ खड़ी हैं कैटी मैक, 27 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रही है। तो मुकाबला पूरी तरह से कैटी मैक के ऊपर है, कैटी मैक यहां से कितना लंबा खेलेगी, कितना तेज खेलेगी, ये मुकाबला पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है कि एडिलेड की टीम यहां से ये मुकाबला जीतेगी या नहीं जीतेगी। एम इमरान अशरफ ने लिखा डेल्टिन है पाकिस्तान, नहीं भाई पाकिस्तान में नहीं है। मेहुल भाई ने लिखा डेल्टिन आपका ऐप है क्या? मेहुल भाई नहीं भाई, हमारा ऐप नहीं है, हमारा ऐप नहीं है भाई, हम सिर्फ डेल्टिन 7 ऐप का भाई स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सर करते हैं डेल्टिन 7 ऐप को, हम खुद भी वहां पर खेलते हैं। डेल्टिन 7 ऐप के ऊपर काफ़ी बढ़िया ऐप है, इसलिए आप सभी लोगों को भी रिकमेंड करते हैं। मेहुल भाई ने लिखा नो वन एल्स प्रमोट डेल्टिन। मेहुल भाई देखिए, कोई जो काम नहीं करता, सभी लोग यार हम बढ़िया चीज़ें देखते हैं, देखिए हम बढ़िया चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ पसंद आती है भाई उसी को करते हैं, हम खुद भी यहाँ पर खेलते हैं। संदीप कलेवर ने लिखा एड्स विन होगा पक्का। फ्री लीग ने लिखा है सनी चौधरी था, बात करो सर कौन होगा विन, क्या लगता है? सनी भाई मैंने आपको बताया था कि यहां से मुकाबला ये अभी भी घूमने वाला है, अभी भी घूमने वाला है, आखिरी गेंद तक ये मुकाबला यहां से जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आंख बंद करके जो भी टीम आपको छोटे रेट पे मिलती है आप यहां से एंट्री लेते रहिएगा, आखिरी गेंद तक आपको मौका मिलता रहेगा इस खेल से बाहर निकलने का। सेतु अमीर भाई ने लिखा बांग्लादेश कैसे डेल्टिन 7 होगा? सेतु भाई नहीं हो पाएगा, बांग्लादेश से नहीं हो पाएगा, सिर्फ इंडियन व्यूअर्स के लिए है भाई, सिर्फ इंडियन व्यूअर्स के लिए है, बांग्लादेश के लिए भाई आप कोई और ऐप देखिएगा, लेकिन डेल्टिन 7 नहीं हो पाएगा। और सोनू पाटिल भाई ने लिखा आउट। मिरोज भाई ने लिखा अरे बांग्लादेश ठाका देखी। मैथुन भाई ने लिखा डेल्टिन 7 पाकिस्तान में भी खेल सकते? नहीं खेल सकते भाई। सन्नी चौधरी सर ये बता, यहाँ बताओ सर, क्या बताएं सन्नी भाई? सोनू पाटिल ने लिखा आउट। सिडनी सिक्सर विन कंफर्म। बिल्कुल भाई पॉसिबिलिटी है, यहाँ से कोई भी टीम यहाँ से मैच जीत सकती है। चलिए यहाँ पर एक रन आउट का मौका बनते हुए, रन आउट का यहाँ पर एक और बार फिर से चेक होता हुआ। निकोल बेल्टन की गेंद थी यहाँ पर, ब्रिजेट पैटरसन ने शॉट लगाया था। जी हाँ,
देखते हुए थर्ड अंपायर यहां पर चेक करते हुए शायद बल्ला हवा में, ऐसा लग रहा है जिस समय विकेट कीपर ने बेल सुड़ाई उस समय ऐसा लग रहा है कि बल्ला शायद हवा में है थर्ड अंपायर को यहां पर एक बार फिर से क्लोज निगाहें देखनी पड़ेगी। जी हां, थोड़ा सा और क्लोज जाके देखना पड़ेगा डिसीजन यहां पर आते हुए। जी हां, नॉट आउट यहां पर रहेंगी। चलिए, जीवनदान मिलता हुआ यहां पर। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 94 रन 3 विकेट के नुकसान पर 13.1 ओवर की समाप्ति के बाद। निकोल बेल्टन की अगली गेंद यहां पर डालेंगे, स्ट्राइक पर होंगी कैटी मैक ने बेहतरीन तरीके से इस गेंद पर शॉट लगाया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन लेने का यहां से मौका है। स्ट्राइक चेंज हो जाएगी, स्ट्राइक आ जाएगी ब्रिजेट पैटरसन के पास। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर अभी भी 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रनों की बात की जाए 40 गेंदों में 57 रन चाहिए, ज़्यादा नहीं है यहाँ से। जी हाँ, ये रन बन सकते हैं बशर्ते विकेट यहां से और ना खो एडिलेड स्ट्राइकर की टीम और 1-2 ओवर यहां से बढ़िया आ जाए। चलिए, इस बार यहां पर ये गेंद 3 स्टंप्स के बीच में ये गेंद थी, यहां पर रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करते हुए ब्रिज पैटरसन, जी हां, मुड़ गई थी यहां पर रिवर्स स्वीप लगाते हुए गेंद जाती हुई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौका यहां पर मिलते हुए एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद। ब्रिजेट पैटरसन पहुंच गई है 10 रन बनाकर, 7 गेंदों का किया है सामना। उसके अलावा कैटी मैक खेल रही है 33 रन बनाकर। चलिए, निकोल बेल्टन यहां पर अपनी अगली गेंद डालने की तैयारी करते हुए सामने होंगी ब्रिजेट पैटरसन। देखना होगा ये गेंद बेल्टन की, इस बार यहां पर कदमों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से, गेंद को हवा में खेलने का प्रयास किया था, स्क्वेयर लेग के बाहर बाउंड्री के भेजना चाहती थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क इतना अच्छा नहीं हुआ कि गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंच पाती। सिर्फ एक रन से यहां पर संतुष्ट रहना पड़ेगा, लेकिन इस 1 रन के साथ एडिलेड स्ट्राइकर के 100 रन पूरे हो चुके हैं। जी हां, 100 रन यहां पर पूरे हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए चाहिए 52 रन, गेंदें बची हुई है 38, तो देखते हैं मुकाबला आगे किस प्रकार से चलता है। निकोल बेल्टन की यहाँ पर अगली गेंद, इस बार यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल, गेंद को फुल टॉस बनाया, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में जाती हुई, 1 रन यहाँ से भी मिल जाएगा, 1 रन यहाँ से भी मिल जाएगा। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की समाप्ति के बाद। 37 गेंदों में चाहिए 51 रन जीत के लिए। भाई, देखना होगा मुकाबला ये किस तरफ जाएगा, किस तरफ यहाँ से मुकाबला ये घूमेगा। चलिए, निकोल बेल्टन इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर स्वीप शॉट लगाते हुए एक बार फिर से गेंद को हवा में खेला, इस बार सीधा कैच दे दिया। जी हाँ, सीधा यहाँ पर कैच दे दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर खड़ी हुई थी, कोई गलती नहीं की, सीधा कैच जाकर झोली में गिरता हुआ फील्डर की, फील्डर को 1 इंच भर भी हिलने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, चौथा झटका यहाँ पर लगते हुए एडिलेड स्ट्राइकर को, 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर है एडिलेड का स्कोर। 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चौथा झटका लग चुका है। ब्रिजेट पैटरसन जो कि काफ़ी आक्रामक होकर बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रही थी, आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए 101 रन टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर। यहां पर एक बार फिर से बाजी पलट चुकी है। सिडनी सिक्सर्स आ चुकी है फेवरेट, 70 पैसे 75 पैसे फेवरेट आ चुकी है सिडनी सिक्सर की टीम, लेकिन यहां से देखिए बारी दोबारा पलटने में वक्त नहीं लगेगा। नई बल्लेबाज जो भी आएगी, अगर आते ही एक चौका यहां से मार दे तो रेट एक बार फिर से पलट जाएगा, एक बार फिर से एडिलेड की टीम यहां पर फेवरेट आ जाएगी। चलिए, सभी लोग यार लाइक कर दीजिएगा, 849 लाइक हो चुके हैं, लाइक कर दीजिएगा, लाइक्स का जो आंकड़ा यार वो 1000 तक पहुंचाइएगा। सभी लोग थोड़ा सा वक्त निकाल कर जल्दी से आइएगा, लाइक एक बार कीजिएगा और फिर मुकाबले का मजा लीजिएगा। आखिरी के छह ओवर का ये खेल बचा हुआ है, देखते हैं किस दिशा में ये खेल जाता है। चलिए, मेडलिन पेन आई है बल्लेबाजी करने के लिए, बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। जी हाँ, गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा, वक्त नहीं है अब यहाँ से, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 रन प्रति ओवर की रफ्तार से अब चाहिए एडिलेड को, चाहिए 36 गेंदों में जीत के लिए 51 रन। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर, हालांकि अच्छी बात यह है एडिलेड की टीम के लिए कि कैटी मैक अभी भी स्ट्राइक पर हैं, 34 रन बनाकर खेल रही हैं 30 गेंदों का सामना करते हुए, तो वो स्ट्राइक पर हैं, तो ये अच्छी बात है। चलिए, इस बार मैटलिन ब्राउन आई है गेंदबाजी करने के लिए। ब्राउन की यहाँ पर ये पहली गेंद थी कैटी मैक के लिए, कैटी मैक ने इस गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिखाई थी, जी हाँ, लेग साइड की तरफ गेंद को खेला था, लेकिन रन लेने का यहां पर कोई मौका नहीं। 14.1 ओवर हो चुके हैं, एडिलेड का स्कोर है 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जीत के लिए चाहिए 51 रन 35 गेंदों में। जी हाँ, ऐसा लग रहा है ये मुकाबला आखिरी ओवर की तरफ बढ़ रहा है, जी आखिरी गेंद पर इसका फैसला हो सकता है। चलिए, ये गेंद यहां पर, इस गेंद को यहां पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, सीधा फील्डर के हाथ में कैच, और चलिए कैटी मैक को वापस पवेलियन भेजा यहां पर। मेल्टिन ब्राउन कैटी मैक को यहां पर, आखिरी उम्मीद एडिलेड स्ट्राइकर की जो थी
कैटी मैक के तौर पर वापस भेजते हुए कैटी मैक को वापस पवेलियन। 34 रन बनाकर कैटी मैक ने भी घुटने टेक दिए यहां पर। जी हां, घुटने यहां पर टेक दिए, आउट होकर वापस पवेलियन जाती हुई एडिलेड स्ट्राइकर को पांचवा झटका लगते हुए 101 रन। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर। तो अब पूरी तरह से ये मुकाबले में सिडनी सिक्सर की टीम हावी है, पूरी तरह से सिडनी सिक्सर की टीम यहां पर हावी है। 5 विकेट यहां पर हो चुके हैं टीम के। तो चलिए देखते हैं मुकाबला किस प्रकार चलता है। लाइक्स का आंकड़ा भाई, लाइक्स करते रहिएगा सभी लोग यार, लाइक्स करते रहिएगा। देखते हैं आगे का जो मुकाबला है वो किस प्रकार से चलता है। बीसीसीआई भाई हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो लिख रहे हैं। सनी चौधरी ने लिखा सर सर ऐड गया, ये मार लेगा और दो लो विकेट। राहत भाई ने लिखा है, राहत भाई अब यहाँ से देखिए, अब विकेट की बात छोड़ दीजिएगा, 33 पैसे आ चुकी है, 33-34 पैसे यहाँ से फेवरेट है सिडनी सिक्सर्स की टीम। तो लॉस कट बुक सेट अपना करके बैठ जाइएगा, बाकी एंट्री लेते रहिएगा क्योंकि ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा, ऐसे ये मुकाबला ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आगे जो मुकाबला किस प्रकार से यहाँ पर चलता है। बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर देखते हैं अमेंडा वेड वेलिंगटन आई है, वेलिंगटन आ गई है। जी हाँ, बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर आई है अमेंडा वेड वेलिंगटन। गेंदबाजी में काफ़ी महंगी साबित हुई थी, जी हाँ काफ़ी रन लुटाए थे अमेंडा वेड वेलिंगटन ने। देखना होगा क्या बल्लेबाजी में कंपेंसेट कर पाएंगी, अच्छी बल्लेबाजी करके, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एडिलेड स्ट्राइकर को सिर्फ दो बढ़िया ओवर यहाँ से निकालने होंगे, 10-10, 12-12 रन के एक ओवर अगर 15 रन का आ जाता है, जिस प्रकार सिडनी सिक्सर की पारी में हमने देखा था बीच के 3-4 ओवर काफ़ी बड़े बड़े आए थे, यहाँ से सिर्फ एडिलेड स्ट्राइकर की टीम अगर 2 ओवर भी बढ़िया यहाँ से निकाल देती तो मुकाबले में एक बार फिर से पूरी तरह से वापस यहां पर वापसी कर सकती है। जीत के लिए चाहिए 50 रन, गेंदें बची हुई हैं यहां से 33। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा मेल्टन ब्राउन यहां पर गेंद डालेगी मेडलिन पैनी को, ये गेंद यहां पर बढ़िया गेंद, बिल्कुल 3 स्टंप्स के बीच में ये गेंद थी, कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया यहां पर मेडलिन पैना ने, गेंद को हल्के हाथों से दिशा भर दिखाई थी मिड ऑफ की तरफ फील्डर ने किया फील्ड, यहां पर कोई रन लेने का मौका नहीं। चलिए डॉट गेंद यहां पर आते हुए इस ओवर की अगर बात की जाए, 4 गेंदें हो चुकी हैं, सिर्फ 1 रन आया है। मैच की ऐसी स्थिति में इस प्रकार का ओवर डालना काबिले तारीफ है, इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, नाम है मेल्टन ब्राउन। जी हाँ, आज अगर यहाँ से बढ़िया गेंदबाजी करती है, एक आधा विकेट अगर और चटकाती है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए इसी के साथ बार फिर से अगली गेंद, यहां पर कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं, मेडलिन पैना को बांध के रख दिया है क्रीज के अंदर मेल्टन ब्राउन ने, जिस प्रकार की लाइन टू लाइन गेंदबाजी कर रही है। जी हां, बिल्कुल भी हिलने का मौका नहीं दे रही है, बिल्कुल भी अपने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है मेडलिन पैना को। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद यहां पर लेकर आते हुए मेल्टन ब्राउन यहां पर, इस बार यहां पर थोड़ा बैकफुट पर जाते हुए बड़ा शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया था लेकिन फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया। जी हाँ, कवर्स की दिशा में बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर होती हुई, फील्डर के द्वारा डाइव लगाकर गेंद को रोका, कोई रन यहाँ पर बनाने का मौका नहीं। 15 ओवर की समाप्ति के बाद एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए चाहिए यहाँ से 50 रन, 30 गेंदें बची हुई हैं। तो चलिए भाई, मैच का यहाँ पर सबसे क्रूशियल फेज शुरू होने वाला है, 30 गेंदों में 50 रन यहाँ से चाहिए। साई चंद्रा बाबू ने लिखा वेलिंगटन स्ट्राइक रेट 133। साई चंद्रा भाई मारने की कोशिश कर रही थी, मारने की कोशिश के चक्कर में ही आउट होकर गई है वापस पवेलियन। जी हां, अमेंडा जेड वेलिंगटन की अगर बात की जाए तो यहां पर 1 रन बनाकर अभी खेल रही है, गेंदबाजी में काफी महंगी साबित हुई थी। देखते हैं अगली गेंद पर यहां पर अगला ओवर किस प्रकार से होता है शुरू। मेल्टन ब्राउन ने 3 ओवर डाले हैं, 20 रन देकर 1 विकेट यहां पर लिया है। तो अब जीत के लिए चाहिए 30 गेंदों में 50 रन, देखना होगा भाई 30 गेंदों में 50 रन बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं। हालांकि देखिए T20 मुकाबलों के लिहाज से देखा जाए तो आखिरी 30 गेंदों में 50 रन आना मुश्किल नहीं है, लेकिन विकेट 5 खो चुकी है एडिलेड की टीम और सिडनी की टीम पूरी तरह से जो मोमेंटम है वो सिडनी की टीम के साथ है। चलिए यहां से एशली गार्डनर आ गई है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर यहां पर रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास अमेंडा जेड वेलिंगटन के द्वारा, काफी खराब शॉट था ये, लगभग आउट हो गई थी, किस्मत ने साथ दिया यहां पर बाल बचती हुई पहली ही गेंद पर। चलिए देखते हैं मुकाबला किस प्रकार से चलता है। दबाव पूरी तरह से एडिलेड स्ट्राइकर के बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरह से साफ दिखता हुआ, एक बार फिर से अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद की लाइन काफी बेहतरीन थी। जी हां, नहीं लगा पाई शॉट बड़ा, 1 भी रन नहीं मिलेगा। 2 डॉट गेंदें यहां पर आते हुए
स्ट्राइक होगी अमेंडा जेड वेलिंगटन के पास। एशली गार्डनर की अगली गेंद देखना होगा, अब शायद यहाँ से विकेट या फिर बड़ा शॉट आप देखने के लिए आपको मिल सकता है। चलिए ये गेंद यहाँ पर, इस गेंद पर भी यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क बिल्कुल खराब, सिर्फ एक रन यहाँ से मिल पाएगा। एक रन के साथ ही स्ट्राइक आ गई है मेडलिन पेना के पास। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 103 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर की समाप्ति के बाद। देखते हैं गार्डनर यहाँ से किस प्रकार की गेंदबाजी करती है। 3 गेंदों में अब तक 1 रन दिया है, काफ़ी काबिल तारीफ गेंदबाजी करती हुई यहाँ पर गार्डनर। चलिए इस बार यहाँ पर मेडलिन पेना को, ये गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को कट कर दिया, यहाँ पर गेंद जा रही है यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में, क्या फील्डर पीछे दौड़ रही है, जी हाँ रोक लेंगे यहाँ पर। बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर दिखाते हुए सिडनी सिक्सर के सभी फील्डर, जहाँ भी गेंद जा रही है फील्डर डाइव लगा रहे हैं, गेंद को रोक रहे हैं, पूरी तरह से समर्पित फील्डिंग के लिए 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 105 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर की समाप्ति के बाद। तो मेडलिन पेना देखते हैं यहां से किस प्रकार की करती हैं बल्लेबाजी। दोनों ही बल्लेबाजों को यहां से बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से यहां पर बढ़िया गेंद, तेज गेंद को यहां पर हल्के हाथों से दिशा दिखाते हुए गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन तेजी से दौड़ा, दूसरा रन भी यहां पर पूरा कर लिया, तो 2 रन यहां पर लेते हुए एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 107 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 15.5 ओवर की समाप्ति के बाद। 25 गेंदों में 45 रन जीत के लिए अब चाहिए, धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट यहां से बढ़ता हुआ 10 से ऊपर जा चुका है, 11 को टच करने वाला है, 11 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन चाहिए। T20 मुकाबले में हालांकि मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन देखना होगा यहां से बड़े शॉट्स अभी लगाने होंगे। चलिए इसी के साथ गार्डनर की एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अमेंडा जेड वेलिंगटन ने गेंद को खेलना चाहती थी फाइन लेग की दिशा में, यहाँ पर कोई रन लेने का मौका नहीं, कोई यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, जी हाँ सिंगल के लिए ऐसा लग रहा है कि एडिलेड स्ट्राइकर के बल्लेबाज तरस रहे हैं एक सिंगल के लिए। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 107 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मेडलिन पेना 4 रन बनाकर खेल रही हैं, अमेंडा जेड वेलिंगटन 2 रन बनाकर खेल रही है। देखते हैं आखिरी की 24 गेंदों में चाहिए 45 रन, तो यहां से भाई मुकाबला धीरे धीरे मुश्किल होता हुआ एडिलेड की टीम के लिए। देखते हैं क्या होता है अगले 4 ओवर में। मैटिन वाइब्स ने लिखा, भाई क्या लगता है आपको अब मैटिन भाई, अब बिल्कुल पूरी तरह से सिडनी सिक्सर हावी है इस मुकाबले में, इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी है, लेकिन यहाँ से एक या दो ओवर कोई भी देखिए 2-3 छक्के यहाँ से अगर आ जाए तो एक बार फिर से मुकाबला पलट सकता है, हालांकि उसकी उम्मीदें अब कम है। सन्नी चौधरी भाई हार्दिक को बुलाओ, धोनी को, सन्नी चौधरी भाई यहाँ पे, तो भाई अब हार्दिक भी क्या करेगा, गेंदबाजी इतनी बेहतरीन है, फील्डिंग इतनी बेहतरीन है। चलिए यहाँ पर शायद लगता है एक और विकेट यहाँ पर चला गया। जी हाँ अमेंडा जेड वेलिंगटन ना तो गेंदबाजी में कोई कमाल कर पाई और अब बल्लेबाजी में भी पूरी तरह से खराब प्रदर्शन अमेंडा जेड वेलिंगटन का। जी हाँ 2 रन बनाकर वापस पवेलियन जाती हुई, कैच थमा बैठी, बड़ा ही बेकार शॉट था यहाँ पर ये, ना तो शॉट के अंदर ताकत थी ना टाइमिंग थी, ऐसा लगा बिल्कुल जैसे आंख बंद करके ये शॉट लगा दिया हो अमेंडा जेड वेलिंगटन ने। छठा झटका यहाँ पर लगते हुए एडिलेड की टीम को, 107 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 23 गेंदों में चाहिए जीत के लिए 45 रन, तो यहाँ पर मुकाबला पूरी तरह से अब सिडनी सिक्सर की भाई मुट्ठी में है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है, शुरुआत एडिलेड ने जिस प्रकार से की थी ऐसा लग रहा था कि 12-13 ओवर में ही ये मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन स्कोर बड़ा था, 150 से ऊपर का स्कोर जब भी आपको चेज करना होता है तो देखिए मुश्किल हमेशा होती है चाहे कितनी भी बड़ी टीम हो, लेकिन बीच में मिडल ऑर्डर ने निराश किया है, एडिलेड स्ट्राइकर के। तो चलिए देखते हैं नई बल्लेबाज यहां पर कौन आती है। हालांकि दूसरी तरफ मेडलिन पेना खेल रही है 6 गेंदों में 4 रन बनाकर, उम्मीद नहीं है भाई, अब उम्मीद नहीं है यहां पर किसी भी बल्लेबाज से कि वो यहां से मैच जिता पाएगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जी हां जब तक आखिरी गेंद ना डल जाए तब तक भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए टेगन मैकफार्लिन आ गई हैं बल्लेबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर होंगी, सामना करेंगी अपनी पहली गेंद का, गेंदबाजी कर रही हैं लॉरेन चीटल। पहली गेंद पर यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार का शॉट लगाती है। पहली गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाई थर्ड मैन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, जी हाँ फील्डर ने गेंद को किया फील्ड, 1 रन यहाँ से मिल जाएगा। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 108 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 16.2 ओवर की समाप्ति के बाद। जीत के लिए चाहिए 44 रन, गेंदें बची हुई हैं यहाँ से 22। तो भाई यहाँ से आप भी बताइए भाई, आप सभी लोग भी बताइएगा क्या लगता है मुकाबला यहाँ से किस तरफ जा रहा है, और क्या लगता है कि कुछ है अभी भाई मुकाबले में बचा हुआ है।
और हाँ, तब तक भाई सभी लोग डेल्टिन 7 पर जाना मत भूलिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आज हमारे साथ 12 नए लोग जुड़े थे, 12 नए व्यूअर्स आज डेल्टिन 7 पर रजिस्टर हुए थे। 12 में से 4 लोग हार गए थे पहले मैच में, पहली पारी में 4 लोग हार गए थे सेशन में। उनका जो पैसा है, उनकी जो बैट का पैसा है, उनको रिफंड हो चुका है, उनके अकाउंट में उनका पैसा जा चुका है। तो आप लोग भी अभी के अभी जाइएगा डेल्टिन 7 के ऊपर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लाइव चैट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, डिपॉजिट कीजिएगा, बैट कीजिएगा। अगर बैट जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर बैट हार जाते हैं तो आपको उस बैट का पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा। गेमिंग राजा ने लिखा, भाई तुम सब किस पर खेलते हो? गेमिंग भाई डेल्टिन 7 पर खेलते हैं भाई, गेमिंग भाई डेल्टिन 7 पर ही खेलते हैं। सरोश जमा ने लिखा, 1x बैट, अरे क्या नाम ले दिया भाई, मूड खराब कर दिया सरोश भाई। अमित भाई ने लिखा है, मेरा 1,00,000 लगा है सिडनी पर। अमित भाई तो जीत गए आप, आज पार्टी मनाइएगा। अमित भाई आज सिडनी पर 1,00,000 लगाया तो भाई आज तो मौज है भाई। फिर अजय सिंह भाई ने लिखा, रेडी अन्ना। अजय सिंह भाई, अरे कहाँ का रेडी अन्ना भाई, ढूंढे नहीं मिलेगा भाई, ढूंढे भी नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ढूंढते रह जाओगे, रेडी अन्ना भाई मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। नसीर खान ने लिखा है, कुछ भी हो सकता है गेम में। नसीर खान भाई बिल्कुल सही कहा, कलाम सिंह सिग्नेचर जीत गया भाई। मोहम्मद सोजो ने लिखा, आउट शुभम शर्मा। सर जी आज 3 मैच हैं क्या बिग बैश के? नहीं भाई, 2 होने चाहिए, 2 मैच है शुभम भाई आज बिग बैश के। दूसरा मुकाबला भी आपको यहीं पर इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। देवा डीजे ने लिखा है, देवा डीजे। रेशम भाई ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया विन। अजिंक्य नायक ने लिखा है, मेल बैट। एस बैगल ने लिखा, मैं हार गया भाई। सरोश जमान, मेरा 20K सिडनी पर था। बहुत बढ़िया है भाई सरोश भाई, खुश होना चाहिए आपको तो। गौतम भाई ने लिखा, भाई मैं तो फेयर प्ले में खेलता हूँ, कितने पैसे का मैच उड़ा है भाई। भाई देखिए सभी लोग यार जहाँ भी खेलते हैं, आप जहाँ खेलना चाहते हैं भाई वहाँ खेलिएगा, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर सबसे बेस्ट आपको एक्सपीरियंस चाहिए बैटिंग का, सबसे बढ़िया आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप डेल्टिन 7 पर एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। परमानेंट मत खेलिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार डेल्टिन 7 पर आप जुड़ेंगे, खेलना आपने शुरू कर दिया, तो इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं डेल्टिन 7 को। सबसे बड़ी बात, ऑफर्स इतने बेहतरीन मिलते हैं डेल्टिन 7 के ऊपर। पहली बैट आपको फ्री में कौन देता है? शायद ही कोई, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता डेल्टिन 7 के अलावा कंपनी मार्केट के अंदर कोई कंपनी ऐसी हो जो आपको पहली बैट फ्री में दे रही हो, और बिना किसी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस के। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है आपको पहली बैट फ्री में देने की, पूरी तरह से जो आप बैट लगाएंगे अगर आप हार जाते हैं तो आपको पहली बैट का पैसा पूरी तरह से आपको वापस मिल जाएगा। तो अभी भी मौका है, मुकाबला अभी भी 3 ओवर बचे हुए हैं, अभी भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस मुकाबले में अभी कुछ बचा नहीं है। लेकिन दूसरा मुकाबला भी है आज, वुमेन्स बिग बैश का दूसरा मुकाबला भी होगा, लगभग दिन में 1:30 बजे से चालू हो जाएगा दूसरा मुकाबला, तो वहाँ के लिए भी भाई जुड़ जाइएगा, पैसे अपने डिपॉजिट करके रखिएगा, क्योंकि दूसरा मुकाबला भी इतना ही बेहतरीन होने की उम्मीद है। तो चलिए 17 ओवर हो चुके हैं, एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 111 रन। लॉरेंस चीटल आ गई हैं गेंदबाजी। जी हाँ, लॉरेंस चीटल के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 4 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। गार्डनर आ गई हैं गेंदबाजी करने के लिए। यहाँ पर देखना होगा, पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर मैडलिन पेन। यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से दिशा दिखाई दी मिसफील्ड होते हुए, इस मिसफील्ड के चलते गेंद निकल गई है यहाँ पर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 115 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए चाहिए 37 रन, गेंदें बची हुई हैं यहाँ से 17। तो देखना होगा क्या मेडलिन पेने इस मुकाबले को, इस हारे हुए मुकाबले को जितवा पाएगी, क्या एडिलेड स्ट्राइकर की टीम को यहाँ पर वापस लेके आ पाएगी। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक ओवर 15 या 17 रन का यहाँ से चाहिए मुकाबले में एक बार फिर से एडिलेड स्ट्राइकर की टीम वापस आ जाएगी। चलिए चीटल यहाँ पर, गार्डनर की एक बार फिर से अगली गेंद, यहाँ पर थोड़ी छोटी गेंद थी। जी हाँ, इस गेंद को यहाँ पर पोल कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वेयर लेग की दिशा में, 1 रन यहाँ से मिल जाएगा। स्ट्राइक आ गई है यहाँ पर टैगलिन मैकफार्लिन के पास, 2 रन बनाकर खेल रही है। देखना होगा मैकफार्लिन यहाँ से कुछ बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास करती हैं या फिर स्ट्राइक वापस देंगी मेडलिन पेना को। एडिलेड का स्कोर है 116 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 17.2 ओवर की समाप्ति के बाद रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए 13.5 का, 13.5 रन प्रति ओवर चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से बढ़िया गेंद यहाँ पर डालते हुए, इस गेंद को हल्के हाथों से यहाँ पर दिशा दिखाई थी, गेंद जाती हुई यहाँ पर स्क्वेयर लेग की दिशा में पीछे, बाउंड्री लाइन से दौड़कर फील्डर ने गेंद को किया फील्ड, 1 रन यहाँ पर लेने का मौका था। स्ट्राइक आ गई है एक बार फिर से मेडलिन पेना के पास। अब यहाँ पर इस मैच की आखिरी उम्मीद मेडलिन पेना ही है, शायद देखना होगा कितना क्लोज लेके जा सकती हैं अपनी टीम को। अभी जीत के लिए 15 गेंदों में 34 रन चाहिए, हालांकि स्कोर काफ़ी ज़्यादा है। देखिए स्कोर काफ़ी ज़्यादा है वुमेन्स क्रिकेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो। चलिए गार्डनर की अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दिशा दिखाई थी फाइन लेग की तरफ, 1 रन यहाँ से दौड़कर पूरा कर लेंगे। स्ट्राइक एक बार फिर से टैगान मैकफार्लिन के पास आ गई है, तो 1-1 रन के सहारे एडिलेड स्ट्राइकर का जो स्कोर है वो आगे बढ़ता हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ से एक बार फिर से गार्डनर की ये गेंद यहाँ पर, इस बार कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन मिस किया पीछे से विकेट कीपर ने गिल्ली उड़ा दी। एक और झटका यहाँ पर लगते हुए स्टंप कर दिया है टैगान मैकफार्लिन को।
एडिलेड स्ट्राइकर को सातवां झटका लगते हुए 118 रन के स्कोर पर सातवां झटका यहां पर लगते हुए पूरी तरह से उम्मीदें समाप्त होती हुई एडिलेड की टीम की। आज बात अगर की जाए तो यहां पर सिडनी सिक्सर ने खेल के हर डिपार्टमेंट में मात दी है एडिलेड स्ट्राइकर को, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो फील्डिंग हो, हर जगह यहां पर मात दी है। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको हर मैच की रिपोर्ट चाहिए, एंट्री चाहिए बढ़िया से बढ़िया, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कीजिएगा। और लाइक भाई सभी लोग यार कर दीजिएगा, 884 लाइक हुए हैं, लाइक्स का आंकड़ा 900 तक का पहुँचाइएगा भाई जल्द से जल्द। अंकित बैनीवाल ने लिखा भाई आपको नंबर दे सकते हो, अंकित भाई टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल आपके मैसेज के जस्ट ऊपर है, वहाँ पर बात करेंगे, टेलीग्राम पर आप जुड़िएगा वहाँ पर बात करते हैं। नीरज सिंह भाई ने लिखा है 10,000 का हारा हूँ। मतीन वाइब्स ने लिखा भाई श्रीलंका और इंडियन सिस्टर्स का भी मैच करें आप कमेंट्री में, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे भाई। आज 1:30 बजे जो मैच चालू होगा वहां पर आपको वुमेन बिग बैश के साथ साथ एक ही स्ट्रीम में दोनों मैचों की कमेंट्री करते हुए आपको दिखाई देंगे, श्रीलंका और इंडिया की भी फाइनल मैच की और साथ के साथ वुमेन बिग बैश की भी। चलिए जेमा बार्स भी आ गई हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आज इन्होंने गेंदबाजी काफ़ी बेहतरीन करके दिखाई थी जेमा बार्स भी ने, इकलौती ऐसी गेंदबाज थी शायद जिनका जो रेट है स्कोरिंग रेट है वो 7 से कम था। चलिए देखते हैं मुकाबला आगे किस प्रकार से यहाँ पर चलता है, सभी लोग जुड़ते रहिएगा भाई। 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर 118 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदें अभी भी बची हुई हैं इस खेल के अंदर। एशले गार्डनर ने भी अपने 4 ओवर पूरे कर लिए हैं, 26 रन दिए हैं, 26 रन देकर 1 विकेट यहाँ पर हासिल किया है। तो अब यहाँ से अगर बात की जाए जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदों में 34 रन। आप सभी लोग भाई जाते जाते यहाँ से डेल्टिन 7 पर रजिस्ट्रेशन करके जरूर जाइएगा, एक बार आप खेल कर देखिएगा डेल्टिन 7 के ऊपर भाई, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सिक्योर, काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। डिपॉजिट की बात की जाए तो डिपॉजिट आप देखिए यार पेटीएम से कर लीजिए, फोन पे से कर लीजिए, गूगल पे से कर लीजिएगा। मिनिमम डिपॉजिट मात्र 100 रुपये का है, मिनिमम बैट मात्र 10 रुपये की है। और बात की जाए विड्रॉल की तो विड्रॉल आपको 15 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है, सिर्फ अपनी अकाउंट डिटेल्स आपको भरनी है, अकाउंट नंबर अपना डालना है, विड्रॉल 15 मिनट में आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो डेल्टिन 7 पर एक बार जाइएगा जरूर, और पहली बैट जो फ्री है देखिए वो तो आपको मिलती ही मिलती है। और जिस भाई की पहली बैट लॉस हो जाती है वो चाहे तो आकर YouTube स्ट्रीम के अंदर हमें चैट भेज सकता है, चैट हमें भेज सकता है YouTube के अंदर आके, YouTube चैट के अंदर आके, तो वहां से भी उसकी जो पहली बैट अगर कोई हारा है अपनी पहली बैट तो वहां से भी उसका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। तो चलिए यहां से पावर सर्ज ले लिया गया क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं था, आखिरी के 2 ओवर बचे हुए हैं तो यहां पर लेना मैंडेटरी था, पावर सर्ज तो ले लिया है। तो चलिए देखते हैं यहां पर, मुझे नहीं लगता कोई फायदा इस चीज का मिल पाएगा। मेडलिन पैना को ये गेंद थी पहली गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया था लेकिन कवर्स के फील्डर को नहीं भेज पाए, कोई रन नहीं मिलेगा। डिलेट स्ट्राइकर का स्कोर है 118 रन 7 विकेट के नुकसान पर। दूसरी तरफ है जेमा बार्स भी, एक गेंद खेली है, अब तक खाता खोलना बाकी है। 11 गेंदों में 34 रन चाहिए, 11 गेंदों में 34 रन चाहिए जीत के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि एडिलेड की टीम की शुरुआत जिस प्रकार से हुई थी कि यहां से मुकाबला जीत जाएगी, आसानी के साथ ये स्कोर चेज हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, मुकाबला आगे बढ़ा, एडिलेड की टीम ने पूरी तरह से यहां पर घुटने टेक दिए। और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान रहा आज सिडनी सिक्सर की गेंदबाजी, और गेंदबाजी से भी बड़ा योगदान आज रहा फील्डिंग का। जी हाँ, फील्डिंग बहुत बेहतरीन की है, कम से कम आप यकीन मानिए कि इस पारी के अंदर कम से कम सिडनी सिक्सर्स के फील्डर्स ने कम से कम 15 से 16 रन बचा लिए हैं अब तक अपनी फील्डिंग से, 3-4 चौके ऐसे रोके हैं बाउंड्री लाइन पर कि वो देखते ही बनते थे। चलिए इसी के साथ यहाँ पर इस बार छोटी गेंद यहाँ पर डाली थी मेडलिन ब्राउन ने, इस गेंद को यहाँ पर पुल कर दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, चौका यहाँ पर आते हुए मेडलिन पैना के बल्ले से ये चौका आते हुए 16 रन पर पहुंच गई है 15 गेंदों का सामना करते हुए। 9 गेंदों में 30 रन चाहिए, 9 गेंदों में 30 रन चाहिए मेडलिन पैना के लिए। एक मुश्किल स्थिति यहां पर पैदा हो गई है, किस प्रकार से बनाएंगी 9 गेंदों में 30 रन, 9 गेंदों में 30 रन बनाना यहां पर काफ़ी मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन फिर भी देखिए संभावनाओं के साथ क्रिकेट हम देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, तो संभावनाएं असीम है इस मुकाबले में। अभी भी देखिए कभी भी कोई भी बल्लेबाज चल सकता है, क्या पता लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के यहां से लगा दे मेडलिन पैना, हालांकि मुश्किल है, सिर्फ सोच सकते हैं। मेडलिन ब्राउन एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर एक बार फिर से इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद डाली थी, यहाँ पर कट करने का प्रयास किया था लेकिन सीधा यहाँ पर गली के फील्डर के पास गेंद जाते हुए, कोई रन नहीं मिलेगा। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 122 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 18.4 ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइक है मेडलिन पैना के पास, अब यहां से जीतना तो लगभग असंभव सा लगता हुआ, लेकिन अब देखना होगा हार कितने रनों से होती है, हार का जो फासला है वो मेडलिन पैना कितना कम कर सकती है, जितना करीब लेकर जाएंगी उतना ही अच्छा रहेगा एडिलेड स्ट्राइकर की टीम के लिए।
चलिए मैडलिन ब्राउन एक बार फिर से दौड़ते हुए सामने है। यहाँ पर मैडलिन पैना इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, यहाँ पर गेंद सीधा जाते हुए शॉट थर्ड मैन के फील्डर के हाथों में, लगभग कैच यहाँ पर पकड़ लिया था लेकिन गेंद बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा आगे फील्डर से पहले गिरते हुए, रन हालांकि कोई नहीं मिलेगा। एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर 122 रन 7 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर की समाप्ति के बाद जीतने के लिए चाहिए 30 रन, गेंदें बची हुई है यहां से 7। तो उम्मीद करते हैं भाई आज के मुकाबले में आपको मज़ा आया होगा, सभी लोग यार आज का मुकाबले में भाई जीते होंगे, प्लस में रहे होंगे, तो ऐसे ही उम्मीद करेंगे। दूसरा जो मुकाबला अभी शुरू होने वाला है वुमेन्स बिग बैश का, वो भी सेम यार ऐसे ही रहने की आज उम्मीद है, तो कोशिश करेंगे वो मुकाबला भी आपके लिए बेहतरीन कराएं। तो उस मुकाबले में भी जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, तैयारी हो चुकी है इस मैच के ख़त्म होते ही स्ट्रीम चालू हो कि दूसरे मैच की वुमेन्स बिग बैश की, तो वहां पर भी जुड़े रहिएगा, कुछ मत कीजिएगा बीच में। हाँ खाना वाना तो भाई बिल्कुल खा लीजिएगा, पैसे जीते हैं भाई, पार्टी होनी बनती है सभी लोगों की, तो अपना खाना वाना बढ़िया तरीके से खा के दूसरे मुकाबले में जुड़ जाइएगा। और उसके साथ साथ उसी स्ट्रीम के अंदर वुमेन्स बिग बैश के साथ साथ इंडिया वर्सेज श्रीलंका वुमेन्स का जो आज एशिया कप का फाइनल है उसका स्कोर भी चलाएंगे, साथ के साथ कमेंट्री भी करेंगे, और आप साथ के साथ आपको जो बैट है एंट्री दोनों मैचों की दी जाएगी, स्ट्रीम एक होगी लेकिन एंट्री जो है वो दोनों मैचों की दी जाएगी, इंडिया श्रीलंका की भी, उसके साथ साथ वुमेन्स बिग बैश का जो दूसरा मुकाबला है उसकी भी। तो सभी लोग वहां पर भी जुड़िएगा, डेल्टिन 7 पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बैट्स हम देते हैं यार वो डेल्टिन 7 पर देख कर देते हैं, तो कई बार रेट्स में फर्क आ जाता है और डेल्टिन 7 का जो रेट है वो मार्केट में सबसे बेस्ट है। बाकी वेबसाइटों से अगर आप कंपेयर करेंगे चाहे अपने मोबाइल में अभी के अभी रेट किसी भी मैच का कंपेयर करके देख लीजिएगा, डेल्टिन 7 का रेट हमेशा आपको बेहतर मिलेगा, तो डेल्टिन 7 पर जाइएगा। 19 ओवर समाप्त यहां से हो चुके हैं, देखते हैं मुकाबला किस प्रकार से चलता है। चलिए लाइक्स भाई 897 हो चुके हैं, तीन भाई और लाइक कीजिएगा, आंकड़ा पहुंच जाएगा 900 लाइक्स का। संजय कुमार ने लिखा आउट करो टिकटॉक भाई ने लिखा, हेलो सर रेफरेंस आईडी में क्या डालना होगा? टिकटॉक भाई कुछ नहीं डालना है, रेफरेंस आईडी में कुछ नहीं डालना है, सिर्फ आपको अपना नाम अपना मोबाइल नंबर ओटीपी डालना है, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, डिपॉजिट कीजिएगा, खेलिएगा, पहली बैट आपको फ्री मिल जाएगी। जी हाँ, पहली बैट अगर आप जीतते हैं तो आपको कोई देखिए दिक्कत नहीं, आप अपना जीता हुआ पैसा निकाल लीजिएगा, विड्रॉल कीजिएगा, फिर अगले मैच में खेलिएगा, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो पहली बैट आपको पूरी तरह से रिफंडेबल है, पहली बैट आपको रिफंड मिल जाएगी। केहर सिंह ने लिखा भाई कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाए? केहर सिंह भाई बिल्कुल दूसरी स्ट्रीम चालू होगी सर, आपको बताएंगे दूसरी स्ट्रीम, बस इस मैच की 5 गेंदें बची हुई है यहाँ पर, तो इसके बाद सीधा दूसरी स्ट्रीम चालू करेंगे, जुड़े रहिएगा सभी लोग दूसरे मैच में भी, क्योंकि दूसरे मैच में डबल मजा आने वाला है। कारण है कि वुमेन बिग बैश की कमेंट्री तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ इंडिया वर्सेज श्रीलंका एशिया कप फाइनल मैच की भी कमेंट्री होगी, उसकी भी आपको यहां पर एंट्रीज दी जाएंगी, दोनों मैचों की एंट्री आपको एक जगह पर मिलेगी, एक स्ट्रीम के अंदर मिलेगी, तो यहां से भाई इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलिए इसी के साथ यहां पर अगली गेंद, इस बार यहां पर बोल्ड कर दिया है सोफी एक्लेस्टन ने, मैडलिन पैना को बोल्ड कर दिया है, काफी देर से परेशान थी मैडलिन पैना क्रीज के ऊपर, 19 गेंदें खेल चुकी थी लेकिन 19 गेंदों में हर बार परेशान ही लग रही थी, तो थोड़ा सा देखते हैं मुकाबला किस प्रकार से आगे चलता है। 8 विकेट यहां पर हो चुकी हैं, 8 विकेट यहां पर हो चुकी हैं, देखते हैं मुकाबला किस प्रकार से यहां पर चलता है। तो चलिए सभी लोग जुड़ते रहिएगा, एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 129 रन 8 विकेट के नुकसान पर। सभी लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जो लोग इस मुकाबले में जीते हैं उनके लिए मौका है एक बार फिर से जीतने का अगले मैच में, और जो लोग इस मुकाबले में हारे हैं उनके लिए मौका है रिकवरी करने का अगले मैच में। बहुत जल्द इस स्ट्रीम के ख़त्म होते ही दूसरी स्ट्रीम चालू कर रहे हैं, जहाँ पर आपको दो मुकाबलों भी की कमेंट्री सुनने के लिए मिलेगी, एक वुमेन बिग बैश का दूसरा मुकाबला, उसके साथ साथ एशिया कप फाइनल वुमेन्स का इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो सभी लोग जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, थोड़ा सा आराम कीजिएगा, खाना वाना खाना है भाई खाइएगा, लेकिन जुड़िएगा जरूर सभी लोग यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर। मिस्टर अनास अली ने कहा स्ट्राइक कितने पैसे फेवरेट लगा था बताओ कोई? बिल्कुल बताएंगे भाई, 35 पैसे भाई, देखिए आपके पास आंसर आ चुका है, रिप्लाई कर चुके हैं, 35 पैसे फेवरेट लगा था। तो यार बड़ा बढ़िया मुकाबला आज का हुआ है, उम्मीद करेंगे आज का दूसरा मुकाबला भी ऐसा हो जाए तो काफ़ी मजा आएगा। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगली गेंद, इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास लेकिन गेंद सीधा जाती हुई यहाँ पर लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास, यहाँ पर 2 रन लेने का मौका था, 2 रन यहाँ पर कंप्लीट किए। जी हाँ सभी लोग यार लाइक कर दीजिएगा, 906 लाइक्स हो चुके हैं, 906 लाइक्स हो चुके हैं, लाइक्स का आंकड़ा यार 950 तक पहुँचाइएगा, 950
सिर्फ और सिर्फ 43 भाई और चाहिए लाइक करने वाले, लाइक्स का आंकड़ा 950 तक पहुंचाइएगा। चलिए यहां पर एक बार मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। तुषार भाई ने लिखा है 600 विन, तो तुषार भाई 600 आपने इस मैच में जीते हैं, अगले मैच में भी आप जुड़िएगा। 600 के 1200 देखिए होने में वक्त नहीं लगेगा, और 600 के 1200 1500 देखिए कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। हालांकि एंट्री भाई हम अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से ऐसी देंगे कि जहां से आपका कम से कम नुकसान होने की संभावना हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने के आपके यहां पर भाई चांसेस रहें। तो चलिए इसी के साथ अगली गेंद, यहां पर इस गेंद पर सिंगल लेते हुए एडिलेड स्ट्राइकर का स्कोर है 134 रन 8 विकेट के नुकसान पर, 19.5 ओवर हो चुके हैं। अब सिर्फ यहां पर फॉर्मेलिटीज बची है क्योंकि एक गेंद में 18 रन चाहिए, जो कि क्रिकेट के लिहाज से प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिल्कुल एक इंपॉसिबल सिचुएशन है। तो यहां पर आखिरी गेंद खेलेंगी फॉर्मेलिटी के तौर पर, गेंद बल्लेबाजी पर रहेंगी जेमी बार्स भी, गेंदबाजी करेंगी सोफी एक्लिस्टन। सोफी एक्लिस्टन ऑलरेडी इस मैच में 3 विकेट ले चुकी हैं, क्या यहां से आखिरी गेंद पर विकेट लेकर अपने विकेट्स का आंकड़ा, बिल्कुल जी हां, चलिए आखिरी गेंद पर बोल्ड कर दिया है, जेमा बार्स भी को बोल्ड कर दिया है सोफी एक्लिस्टन ने। सोफी एक्लिस्टन के आज के मैच में 4 विकेट पूरे हो चुके हैं। एडिलेड का स्कोर है 134 रन 9 विकेट के नुकसान पर, पारी हो चुकी है खत्म। सिडनी सिक्सर ने यह मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला, 17 रन से जीत लिया है, मात दी है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम को, मजबूत टीम को हराया है आज एक कमजोर टीम ने। तो काफी बेहतरीन दिन था क्रिकेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो। सिडनी सिक्सर की टीम यह मुकाबला जीत चुकी है। मेगान स्कूट नाबाद रही 5 रन बनाकर, जेमा बार्स भी नाबाद रही 2 रन बनाकर, सोफी एक्लिस्टन ने लिए हैं 4 विकेट। देखते हैं मुकाबला यहां से खत्म हो चुका है, तो सभी लोग भाई तैयारी कर लीजिएगा, दूसरी स्ट्रीम चालू होने वाली है। सभी लोग डेल्टिन 7 पर रजिस्ट्रेशन करके डिपॉजिट अपना करके पहुंच जाइएगा, क्योंकि दूसरा मुकाबला भी इतना ही बेहतरीन होगा। और उसके साथ साथ श्रीलंका की जो पारी है, श्रीलंका और इंडिया का एशिया कप का मैच है, फाइनल मैच, उसकी कमेंट्री भी आपको वहीं पर मिलेगी। जाते जाते लाइक करके जाइएगा सभी लोग। देखते हैं अगले मैच में भाई क्या बनता है, कोशिश यही रहेगी कि प्रॉफिट हो, दबा के 2 मैच है, दोनों मैचों की एंट्री आपको एक साथ दी जाएंगी। तो सभी लोग जुड़िएगा अगली स्ट्रीम में, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि दूसरी स्ट्रीम भी यहां से चालू करनी है। तो चलिए सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।